कल हल्द्वानी को जलाया गया और आज बरेली को सुलगाया गया। आज बरेली में मारने काटने की धमकी दी जा रही। मौलाना तौकीर रजा ने हजारों लोगों को सड़क पर उतार दिया। हल्द्वानी का दंश, उसकी पीड़ा कम नहीं हुई थी देश में कि बरेली में भी चिंगारी का खेल खेला जा रहा है। हल्द्वानी से बरेली तक क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? बरेली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए बदजुबानी हो रही है। सड़क पर कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर चलाएगा हम उसको मार देंगे, काट देंगे। और कलकत्ता में ऐलान हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर कल बंगाल आएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे, उनको काले झंडे दिखाएंगे। बोले क्यों? बोले ज्ञान वापी में पूजा कैसे शुरू करा दी, ज्ञान वापी में पूजा बंद करो। मौलाना कह रहे ज्ञान वापी में पूजा भाजपा ने नहीं शुरू कराई, अदालत के आदेश पर हुई है भाई मौलाना साहब। लेकिन मूल प्रश्न ये कि हल्द्वानी से बरेली तक ये अग्निपथ क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे की डिजाइन क्या है? हल्द्वानी में समस्या क्या थी? हाई कोर्ट के आदेश पर एक अवैध मदरसे को हटाने के लिए गया था नगर निगम, पुलिस पर हमला हो गया, थाना फूंक दिया, सरकारी गाड़ियां फूंक दी, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, सरकारी अधिकारियों को जान बचाना मुश्किल पड़ गया। ऐसी स्थिति पैदा कर दी। सुनने में आ रहा है कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है तांडव, उसके पीछे पीएफआई का तार कहीं जुड़ा हुआ है, ये सुनने में आ रहा है। क्या इस हिंसा के तार बाहर तक हैं? ये समझना होगा। और हल्द्वानी में वही इलाका है जिस इलाके में रेलवे ने जब अपनी संपत्ति अतिक्रमण से मुक्त करानी चाहिए थी अपनी जमीन, तो 50,000 लोगों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया था और अल्लाह अकबर का नारा गुंजा दिया था। क्या सरकार को बंधक बनाने की कोशिश हो रही है? क्या प्रशासन को भयभीत करने की, धमकी देने की स्थिति पैदा की जा रही है? बरेली में मौलाना तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा विवादित कामों के लिए, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम मार देंगे, काट देंगे जो बुलडोजर चलाएगा। बुलडोजर अदालत के आदेश से चलेगा, तौकीर रजा किसको मार देंगे और कैसे मार देंगे? कोई घर की खेती है, कानून का राज है। तौकीर रजा ने कहा, ऐलान किया था कि जुम्मे की नमाज के बाद हम गिरफ्तारी देंगे और आज वो गिरफ्तारी देने चले, हजारों लोग सड़क पर उतार दिए, अफरा तफरी की स्थिति बन गई बरेली में। क्या चुनाव नजदीक है लोकसभा का? क्या इस सब के पीछे चुनाव का कोई मसला है? क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस किया जा रहा है? और अगर हां, फिर गंभीर स्थिति है और सरकार को इसको उतनी ही गंभीरता से इसका प्रतिकार करना चाहिए। बरेली के ईदगाह मैदान से उत्तर प्रदेश सरकार के इकबाल को चुनौती नहीं दी जा सकती, शासन के इकबाल को चुनौती नहीं दी जा सकती, ना बरेली के ईदगाह मैदान से और ना हल्द्वानी के उस इलाके से। अभी शाम को पुष्कर धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड हल्द्वानी में है और आज हल्द्वानी में बुलडोजर खूब चला, जहां दिखा अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ है, होना चाहिए। सरकारी जमीन, सार्वजनिक उपयोग की जमीन आप कब्जा कर लेंगे? नमाज घर बना दिया, मदरसा बना दिया,
फिर तमाशा बना दिया। अरे बना लिया बना लिया, जब हटाने की बारी आई तो शांति से हटने दीजिए, तो आप मारने काटने पर आमादा हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगा इस गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि हल्द्वानी से बरेली तक और बरेली से कोलकाता तक डिजाइन एक ही है, क्यों अब ज्ञानवापी को मुद्दा बनाया जा रहा है कि ज्ञानवापी में पूजा रोको, जमायत इस्लामी कह रही। अरे भैया आपसे पूछ के पूजा शुरू हुई है, आप हिंदुस्तान के मालिक मुख्तार हैं, आप सरकार हैं नहीं, आप अदालत हैं नहीं, फिर आप क्या हैं? बोले खामोखा। आप सरकार हैं नहीं, अदालत हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट है नहीं, हाई कोर्ट है नहीं, क्या हैं? बोले हम खामोखा हैं। साइड हो ये, आपके कहने से कैसे पूजा रुक जाएगी? अदालत के आदेश से जारी पूजा को कौन माई का लाल रोक सकता है? महादेव की उस पूजा अर्चना को कोई माई का लाल रोक सकता है क्या? किसी की कृपा से पूजा हो रही है क्या ज्ञानवापी में कि कलकत्ता में कोई मौलाना आके खड़े हो जाएंगे, कैमरा देखेंगे और बोलना शुरू कर देंगे कि पूजा नहीं रोकी तो हम योगी आदित्यनाथ का घेराव करेंगे? अरे आपको समझ में आई सो कीजिए, पूजा किसी की कृपा से चल रही है क्या मौलाना साहब जो रुक जाएगी? ये धमकियां क्यों आ रही हैं? इन धमकियों से ये चिंगारी का खेल बुरा होता है। इन धमकियों के पर प्रतिक्रिया आने लगेगी अगर उसी ढंग की, तो परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है हल्द्वानी से बरेली तक के इस घटनाक्रम पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराए, फिर बहस में चले। तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है, सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। आखिर किसकी नजर लगी है देव भूमि उत्तराखंड के अमन चैन को? हिंसा हुड़दंग और हंगामे के हालात से अब तक हलकान हुई है हल्द्वानी। दरअसल गुरुवार की शाम नगर निगम और प्रशासन की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक अवैध मदरसे और मस्जिद को हटाने पहुंची थी। बुलडोजर वाली कार्रवाई की इस कड़ी में हालात ऐसे बिगड़े कि बात बवाल, पथराव, आगजनी और गोलीबारी तक पहुंच गई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेकाबू भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ियां जला दी, पथराव में कई पुलिस कर्मियों को चोटें आई, पुलिस कर्मियों को छिपकर जान बचानी पड़ी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। बिगड़े हालात में सरकार को हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। वहीं एक्शन में आई धामी सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश तक जारी कर दिए। जवाबी कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन और पुलिस की टीमों ने इस एक्शन को करने की कोशिश करी, लेकिन जिस प्रकार का उपद्रवी तत्वों ने वहाँ रिएक्शन दिया, जिस प्रकार से पेट्रोल बम फेंके गए, बॉटल्स में डीजल भर के और आग लगाने की कोशिश करी गई सरकारी संपत्तियों को, जो व्हीकल हैं, जो पुलिस प्रशासन के वाहन थे उनको नुकसान पहुँचाया गया, उनको आग लगाई गई, सारी की सारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीमों पर पथराव किया गया,
वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसके लिए कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी दिए गए हैं, प्रशासन की ओर से भी ये हम लोग कर रहे हैं। जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित करी गई है, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। एक एक को हम चिन्हीकरण करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उनको कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा। धारा 144 के आगोश में जन जीवन बंद है, अफवाहों के आतंक में इंटरनेट बंद है, सुरक्षा के लिहाज से स्कूल कॉलेज बंद हैं, पुलिस फोर्स और आला अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं। अब उपद्रवियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस मामले पर राजनीति के रंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। नहीं देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासन अधिकारी हैं, जिनका बड़ा उतावलापन है। क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था, उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जा रही है। आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन अनुचित हुआ। जो भी हुआ, आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी अडवानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा। तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना उनके। चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहाँ उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ की सरकार करेगी। वहाँ हल्द्वानी में हालात बिगड़े हैं तो इधर यूपी के बरेली में जेल भरो आंदोलन की हुंकार भरी गई। मौलाना तौकीर रजा की तकरीर ये आप भी सुनिए। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। बहरहाल उत्पात अराजकता के आलम में बदहवास हैं उत्तराखंड की वादियां और हलकान है हल्द्वानी। इन हालात में सवाल यही है कि आखिर हल्द्वानी का गुनहगार कौन। सवाल ये भी है आखिर हल्द्वानी से लेकर बरेली तक चिंगारी के खेल की वजह क्या है। आप अतिक्रमण हटाओगे तो हम गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, वाहनों में आग लगा देंगे, पुलिस के लोगों को घायल कर देंगे। कोशिश तो प्राण लेने की होगी, ये उनका भाग्य है कि बच जाए तो घायल होकर बच जाए। आप बुलडोजर चलाओगे तो मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं, और तौकीर रजा कोई छोटे मोटे मौलाना नहीं है, आला हजरत दरगाह से जुड़े हुए हैं, आला हजरत के वंशावली से जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं हम जान से मार देंगे, गनीमत है। वो संपुट नहीं बोला, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वो जो रिदम में गाते हैं, नहीं। स्थितियां बरेली से हल्द्वानी, हल्द्वानी से बरेली तक तनाव के बीच में घूम रही हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। मनोज पंडित भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, मनोज पंडित जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, राज शर्मा साहब का स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट ओलामा काउंसिल, मुफ्ती साहब का बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी प्रज्ञा भारती हिंदू धर्मगुरु, प्रज्ञा जी का बहुत बहुत स्वागत। मौलाना मुफ्ती साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। किसी कप्तान ने ये फैसला नहीं कर दिया कि भाई ये बिल्डिंग पसंद नहीं, इसको गिरा दो। सरकार ने फैसला नहीं किया, हाई कोर्ट का फैसला, जनवरी में सुनवाई हुई, नोटिस गया, जो कानूनी प्रक्रिया सब हुआ है, अचानक तो कोई गया नहीं था। वहां ऐसी स्थिति कर दी, लगा कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा हो। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, 100 से ज्यादा हल्द्वानी। और बरेली में मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं ये कर देंगे, हजारों लोगों को सड़क पर उतार रहे हैं। ये चिंगारी का खेल क्यों खेला जा रहा है मुफ्ती साहब? देखिए, हल्द्वानी के अंदर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है जी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मगर मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2566 हेक्टेयर जमीन पर
वन भूमि पर और बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड पर भी उत्तराखंड में लोगों ने कब्जा किया है। उसको छुड़ाने के लिए सरकार ने क्या किया, वो तो सरकार को व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है। मगर जब अवैध कब्जा हो रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे, अवैध कब्जा जिन लोगों ने होने दिया उसका जिम्मेदार कौन है? मस्जिद गिराई गई या मदार इलीगल था, लीगल था, इलीगल था, नोटिस हुआ। मैं कहता हूं कि सरकार को वहां के जिम्मेदारों से, धर्म गुरु से, मौलानाओं से बात करके इसकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अचानक पहुंच गए और नहीं, मुफ्ती साहब एक मिनट रुकूंगा नहीं, ये दो इस बात से मैं थोड़ा बहुत अदब से नाइतफाकी रखूंगा। अब्बल तो ये दुरुस्त हो, अचानक नहीं पहुंचे मौलाना, जानते थे, एक मिनट जाइए, जो भी उस मदरसे को चला रहे थे वो मैनेजर और मौलाना सब जानते थे। और दूसरी बात, जब हाई कोर्ट में मस्जिद की कमेटी और मदरसा की कमेटी गई, उनकी बात खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने कहा नहीं अतिक्रमण हटेगा फाइनल, तो उनको समझ नहीं आया था कि हटेगा, फिर भी मूछों में चमेली का तेल लगा घूम रहे थे, उन्हें कैसे देखेंगे कैसे हटाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारी तो तैयारी है, बोतल में डीजल भरेंगे, पेट्रोल भरेंगे और फेंकेंगे। नहीं ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं सर, आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं भी अपनी बात कह रहा हूं, मगर मेरा मानना था कि कम से कम वहां के जिम्मेदारों से बैठ करके बात करके रास्ता निकालना चाहिए था। मामला अदालत का था, अगर बिल्डोजर चल रहा तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आगे जाना चाहिए, और मगर इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर के खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, एक बात। दूसरी चीज क्या है कि सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर कब्जा है, क्या सरकार इतनी ईमानदारी से कब्जा छुड़वाएगी जितनी ईमानदारी से यहाँ पहुंच गई है? एक बात करके खत्म करता हूँ, तौखीर रजा का काम है भड़काना, मगर मैं समझता हूँ कि यूपी की सरकार कहां सोई है कि तौखीर रजा भड़का रहे और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हल्द्वानी की जनता से और खास कर से मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि भड़को मत, मामला सब जुडिशियल। आपको लगता है कि हमारे घरों को या हमारी जमीन को, हमारी मस्जिद को, मजार को हटा दिया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, मगर कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और अपना नुकसान मत करिए। ठीक मुफ्ती साहब, हाई कोर्ट के आदेश पर मस्जिद हटाई गई, नमाज घर हटाया गया और वो मदरसा हटाया जा रहा था, आपको एतराज है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट से भी बात नहीं, आपका मन भरे इंटरनेशनल कोर्ट जाओ के पेट्रोल पंप फेंकोगे, ये नहीं चलेगा ना। 100 पुलिस वाले घायल हुए, 200 से ज्यादा वाहन फूंक दिए, सीरिया बनाना चाहते हैं अल्वानी को। हमको कोई चीज शासन की नापसंद होगी तो हम अदालत जाएंगे ना, कि हम अपनी छत पर खड़े होकर पेट्रोल पंप फेंकने लगेंगे, ये स्वीकार नहीं हो सकता ना। मैं साध्वी प्रज्ञा भारती के पास चलूं, मैं इस टेंडेंसी के विरुद्ध हूं। मैं कलकत्ता से एक मौलाना को सुन रहा था, जमात इस्लामी के, वो भाषण झाड़े जा रहे थे, वो कह रहे थे ज्ञान वापी में पूजा तुरंत बंद कर दो। बोले क्यों? बोले नहीं बंद करोगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अच्छा उतर के क्या कर लोगे फिर क्या करोगे? बोले योगी बंगाल आएंगे तो हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। योगी जी आने पूजा कौन कैसे बंद हो जाएगी? प्रज्ञा जी पूजा किसी की कृपा पर तो शुरू नहीं हुई, 31 साल बाद अदालत के आदेश से पूजा शुरू हुई है, कोई माई का लाल पूजा कैसे बंद करा देगा? बरेली में तकलीफ हो और चाहे कलकत्ता में तकलीफ हो, पूजा कैसे बंद हो जाएगी? देखिए अमिताभ जी, बात ऐसी है कि इनको एक प्रॉब्लम हो रही है और मुझे लगता है कि हमें इनसे सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि देश ने एक ऐतिहासिक पल को विटनेस किया है, राम मंदिर बना है सबकी आंखों के सामने। वो लोग जो विरोध करते थे, जिन लोगों ने ये कहा कि ये काला दिन होगा भारतीय इतिहास में, प्राण प्रतिष्ठा के दिन को, हमारी 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था उससे कनेक्टेड है। अब जब काशी और मथुरा की बात आती है तो देखिए अमिताभ जी, इनको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, इनको ये कहना चाहिए था कि हम बहुसंख्यकों के देश में रहते हैं और ये हम आपको सहर्ष सौंपते हैं, लेकिन सहर्ष सौंपना तो बहुत दूर की बात है, ये अनर्गल बयान दे रहे हैं, समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं, राष्ट्र के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये नहीं हो सकता है क्योंकि भारत का युवा जाग रहा है, भारत की जनता जाग रही है। अभी देखिए ये जो
अभी ये जो हल्द्वानी में हमने घटना देखी है, ये हल्द्वानी की घटना क्या है? यूसीसी बिल पास हुआ अभी विधानसभा के अंदर, और उसका एक रेपरकशन इसे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं शायद इनको पूरी नॉलेज नहीं है, 30th की वीडियो जारी की है डीएम नैनीताल ने, वंदना जी ने, और उन्होंने दिखाया कि 30 तारीख को ड्रोन फुटेज है जिसके अंदर कोई भी पत्थर नहीं रखे हुए हैं छतों के ऊपर, लेकिन अचानक से छतों के ऊपर पत्थर आ जाते हैं। 30 तारीख को लीगल नोटिस दिया जाता है, सरकार इंक्रोचमेंट के एरिया पे ऐसे नहीं चले जाती और मन किया कि चलिए आज इसको हम उखाड़ देते, ऐसा नहीं होता मुफ्ती साहब, यहाँ पर कार्य प्रॉपर कार्यवाही होती है। 30 तारीख को लीगल नोटिस दिया गया था, लेकिन उनको पता था कि पुलिस आएगी और ये जो इंक्रोचमेंट की जमीन है इसको, इस पे बुलडोजर चलाया जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, महिलाओं का सहारा लिया। अमिताभ जी आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर, आप भी दिखा रहे हैं TV9 के माध्यम से, बार बार महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को आगे कर दिया, उनको ढाल बनाकर। क्या ये ठीक किया इन लोगों ने? क्या ये देश का माहौल खराब करने की चेष्टा नहीं हो रही है? लेकिन फिर भी अभी भी हमारी इनसे अपील है कि आप लोग मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, आपके शोल्डर्स पर एक ओनस है, एक जिम्मेवारी है हमारे कंधों पर, इसलिए ऐसे अनर्गल बयान ना दीजिए जिससे समाज के अंदर कट्टरता फैलेगी। फिर मत कहिएगा हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्योंकि शुरुआत आपने की है। जी बिल्कुल ठीक बात है प्रज्ञा जी। एक पहले राज भाई जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नारा चलता था, पुराने आदमी है राज शर्मा जी, एक पार्टी की सरकार होती तो नारा चलता था कि खुली दुकान तुम्हारी, बंद दुकान हमारी, और जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। ऐसा नारा तो अब नहीं चल सकता भाई। सरकारी जमीन पर आप बनाते क्यों है मदरसा? और कोर्ट आपको, कोर्ट में आपका केस निरस्त हो जाए, प्रशासन नोटिस देके सुनवाई करके, इसमें पब्लिक हियरिंग हुई, फिर नोटिस हुआ, तब हटाने गए तो आप पेट्रोल पंप फेंकोगे? खैर राज भाई, पॉलिटिकली आपके लिए मौसम खराब है, कांग्रेस के लिए झटके पे झटके आ रहे हैं, कहीं जोर का झटका धीरे से, कहीं धीरे छोटा सा झटका जोर से, इसी स्थितियां। लेकिन फिर भी एक बड़ा संदर्भ ये खड़ा होता है कि कल भारत की संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर निर्माण, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण और रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है, लोकसभा में भी राज्यसभा में। हम बाकी तो बात आपसे करेंगे, अभी दिमाग में अचानक आ गया, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भारत की सबसे बुजुर्ग पार्टी का रुख क्या रहेगा? देखिए अभी आपने जब मेरे से इस बात में पूछ रहे हो तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी ना तो मेरे से किसी की बात हुई है जिनसे मेरी बात संपर्क हो पाते, और अगर मिलेगा तो बता देता। आज अभी तक तो कोई ऐसी मेरे पास कोई खबर नहीं क्या रहेगा, लेकिन सकारात्मक रहेगा कि क्यों राम, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, कोई राम कोई किसी किसी, फिर आप कह दूंगा आपके पात्र नानकू के नहीं है, खाली राम मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, और सब कोई भी यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा, और जो राम के नाम पे विरोध करे मुझे लगता है कि वो बेकार की बात है। मैं नहीं मानता, सारी पार्टियों का सकारात्मक रहना चाहिए। राम का मंदिर बन गया है, अब वो बन गया है, वहां पे जाइए पूजा पाठ करिए, जिसका मन नहीं है मत जाइए, लेकिन आपको बुरा बुरा देख लो, बुरा कहना नहीं, आपको बुरा लग रहा है तो सरकार सरकार सुपर डीलक्स बस में फ्री ले जा रही है 11 तारीख को सारे विधायकों को, वो ठीक है, सरकार का है, सरकार ली जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, ली जाए, सबको ली जाए वो बस, मगर सरकार जब सरकार का एक दायित्व तो बढ़ता है कि किसी को प्रोवोक ना करे, ठीक है, जा रही है। मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी का कोई इसमें नकारात्मक रोल रहेगा, सकारात्मक चीज है, सकारात्मक सोचते हैं हमारे वरिष्ठ नेता, सुलझे हुए नेता है, उसमें कोई दिक्कत टेंशन नहीं है, और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो हो रहा है बस अच्छा, और सब राम का मंदिर बनने से सब बिल्कुल 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 सब खुश है। राज शर्मा जी, ये जो हल्द्वानी से लेके बरेली तक एक डिजाइन दिख रही है जिसके छींटे कलकत्ता तक जा रहे हैं, क्या कि ज्ञान बापी में पूजा बंद करो नहीं तो हम सड़क पे उतरेंगे, तौकीर रजा से लेके कलकत्ता वाले मौलाना तक कह रहे, भाई ज्ञान बापी में पूजा उनके कहने से शुरू हुई है, उनकी कृपा से। ये कौन लोग हैं जो उत्पात फैलाना चाहते हैं देश में? ज्ञान बापी पे पूजा कौन माइकलाल बंद करा देगा? रूल ऑफ लॉ है, संविधान का शासन है, कानून का शासन है भाई साहब, जमात इस्लामी का शासन है क्या राज शर्मा जी? नहीं, कोई नहीं करा सकता, कोई भी ज्ञान बाकी हो या राम मंदिर में हो, कोई पूजा कराने का, किसी को बंद कराने का अधिकार नहीं है। अभी आप ही कह रहे थे, मैं आपके संबोधन में सुन रहा था, ना जाने बरेली को, हल्द्वानी को किसकी नजर लग गई,
सवाल यहाँ किसकी नजर नहीं, किसने नजर लगा दी, ये देखने का काम सरकार को। मैं नहीं कहता कि वहां वहां पे एनक्रोचमेंट था, अगर वहां हाईकोर्ट के थे वो हटना चाहिए था, लेकिन प्रशासन का काम होता है प्रशासन एक नजर से सबको देखे। और जैसे कि अभी मौलवी साहब कह रहे थे, उनकी एक बात से मैं इत्तेफाक जरूर रखूंगा कि वहां के मौजूद लोगों को फेथ में ले लेते, जो अच्छे अफसर होते हैं। मैं बरेली को बहुत अच्छी तरह जानता हूं भाई, मतलब बरेली की जड़ पे घुसा हुआ व्यक्ति हूं मैं। बरेली की जो कोतवाली है जहां आला हजरत आता है, वहां पे अगर इंस्पेक्टर भेजा जाता है तो मैंने देखा इंस्पेक्टर बार बार एक दो इंस्पेक्टर ऐसे उन्हें रिपीट करते थे, क्योंकि वो सबसे संबंध बनाते थे और कोई भी हंगामा होने नहीं देते थे, क्योंकि कहते हैं आंखों की शर्म होती है। वो सबको आला हजरत के जितने उन्हें पता था कौन खुरापात कर सकता है कौन नहीं करता था, उसी को वो कंधे में हाथ डाल के चलते थे। मगर ये काम हल्द्वानी में नहीं हुआ। हल्द्वानी में ये काम अगर होता और प्रशासनक अगर जरसा मुस्तैदी से काम करता, ये नहीं होता। कोई भी एनक्रोचमेंट हटाने का विरोध नहीं कर रहा है। मैं मनोज पंडित जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं, जो बात हमारे दोस्त मुफ्ती साहब ने भी कही और जिसको डिटो किए कर रहे हैं राजबाबू, मैं इस थ्योरी के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ। एक बात कह के मनोज पंडित के पास जाऊंगा, वो उत्तर देंगे कि धामी की सरकार ने क्या किया और तौकीर रजा पर योगी की सरकार क्या करेगी। मुफ्ती साहब, एक चोर पकड़ा गया, क्या उसका पर्चा कट गया, वो थानेदार से बहस कर रहा है बीड़ी मुंह में लगा के, कह रहा पूरे हिंदुस्तान भर के चोर पहले पकड़ के लाओ, एक नजर से सबको देखो तब हमारा पर्चा काटो, तो उसके कान के नीचे दो मारना चाहिए तत्काल के, नहीं बाकी पकड़ेंगे लेकिन तुमको कैसे छोड़ देंगे। जिसका अतिक्रमण कोर्ट ने कहा हटाओ, उसका तो पहले हटाएं, फिर हम ये कहेंगे भी पूरे उत्तराखंड के पैमाइश करो तब हमारा गिराना, फिर कोई आगे आ जाएगा वो कहेगा पूरे भारत का पैमाइश करो, और उससे भी अब आगे का आदमी आ गया वो कहेगा पूरे विश्व की पैमाइश करो, इसका कोई अंत नहीं है। आपकी इमारत अवैध पाई गई अदालत में, बात खत्म हो गई, हटेगी, सुनवाई हुई आप शामिल हुए, नोटिस हुआ आप शामिल हुए, आज आपको एतराज हो रहा है क्यों। और मैं उस किस्से मैंने जाना चाहता, मनोज पंडित जी एक मिनट लूंगा, मुफ्ती साहब तो बहुत तालीम है सब चीजों को जानते हैं, फिर भी एक किस्सा सुना दूं। औरंगजेब के समय में मुफ्ती साहब, औरंगजेब गया एक बार जामा मस्जिद, तो उसी के आसपास कहीं एक कोई सज्जन बैठे थे चादर बिछा के, और कह रहे थे कि ये मजार है यहां फकीर घोड़े शाह की, क्या, और वहां भीड़ लग रही थी, लोग अपना दान दक्षिणा भी चढ़ा रहे थे। औरंगजेब ने कहा ये फकीर कौन है, मैंने तो सुना नहीं। मुफ्ती साहब, उन्होंने कहा कि भाई इसकी तफ्तीश कराओ, क्या, उनको पकड़वाया और उसका वो करवाया उत्खनन, तो पता लगा घोड़ा दफन था वहां, उन्होंने उसी को मजार में कन्वर्ट कर दिया, माल आने दो, फकीर घोड़े शाह की दरगाह, क्या। औरंगजेब ने उनके कान के नीचे दो लगाए, बोले बवाल बंद करो, हटाओ उनको, कब्जा नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई, फकीर घोड़े शाह कहीं बना दोगे, ये ठीक नहीं भाई ना। मैं तो कह रहा हिंदू मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, सरकारी संपत्ति पर मंदिर क्यों बनेगा और मस्जिद क्यों बनेगी। खैर, मनोज पंडित जी, हल्द्वानी से बरेली तक दोनों जगह आपका शासन है और दोनों जगह मैं हलचल देख रहा हूं, स्थितियां सांप्रदायिक तनाव की ओर जा रही हैं। मैं सीधी सपाट बात कर रहा हूं, आज जो तौकीर रजा ने सड़क पर जो ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, ये अच्छा लक्षण नहीं है ना अमिताभ जी। आप देखिए कि ऐसी ही घटना नूह में हुई थी जी, नूह की घटना हमारे सामने, वो भी उसी मतलब सेम ऐसी घटना थी जो हरियाणा में हुई, और उस घटना के बाद क्या हुआ कि वहां पर जो कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई की गई, चाहे वो वहां के कांग्रेस के विधायक हों, चाहे वहां के निगम पार्षद हों, चाहे वो बिल्डिंग्स हों जिन बिल्डिंग्स के ऊपर पत्थर रखे गए थे, पेट्रोल बम रखे गए थे, और आप देखिए कि वहां पर भी थाने और सारी चीजें जलाई गई थी, वहां पर वो रिकॉर्ड जो साइबर थाना था वहां का, वो पूरा का पूरा थाना फूंक दिया गया था। तो मेरा मानना है कि ये लोग
ये क्या दिखाना चाहते हैं देश को कि ये कानून से ऊपर हैं, ये किसी अदालत के किसी फैसले को नहीं मानेंगे, ये जहां जो चाहेंगे करेंगे। तो ये चीज अब चलने वाली नहीं है। अब देश चलेगा संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में और कानून के तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिदें हटाई या मंदिर क्यों नहीं हटाए, सारी चीजें, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, ये सारी चीजों पे कार्रवाई की जाएगी। पर लेकिन आप ये कह के छूट नहीं सकते कि नहीं, मेरे पड़ोसी ने कब्जा किया है तो मैं भी कर रहा हूं, पहले उसको हटाओ फिर मेरे को हटाना, ये कोई तरीका थोड़ी है। मौलाना साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मौलाना साहब ऐसी बातें करेंगे तो ये बात गले उतरने वाली नहीं है। मौलाना साहब आप नजीर पेश करेंगे, आप जिस मंच पे बैठे हैं यहाँ पर हम और आप जो बातें कर रहे हैं वो देश की जनता सुन रही है, उस बात को, हमारी बात और आपकी बातों का असर होता है लोगों पे। तो हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि लोग माने उन बातों को। ये प्रदर्शन करना, आइए आप देखिए 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, महिलाएं घायल हुई, चीजें हुई, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और जब आप इस देश में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस कानून और संविधान का पालन आप भी करें। अच्छा मुफ्ती साहब, एक मेरे मन में अचानक से उल्टा पुल्टा ख्याल आ गया है, मौसम ऐसा है हर कोई सड़क पर उतर रहा है। चलिए मान लो तौकीर रजा से लेके कलकत्ता वाले तक मौलाना कह रहे कि ज्ञान बापी पूजा बंद नहीं कराओगे तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, उतर के क्या करेंगे ये भी क्लियर नहीं, लेकिन उतरेंगे। तौकीर रजा मेरे परिचित है, मैं उनको सलाह दूंगा कि भैया ये योगी जी का शासन है, ठंड अभी है, हवा में पछुआ हवा है, ठंडी है, इसमें हड्डियां बड़ी दर्द करती। मौलाना मुफ्ती साहब नहीं, ये मौसम अभी ठीक नहीं है। खैर मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कल को 10,000 आदमी, हाइपोथेटिकल है मुफ्ती साहब, मैं चाहता नहीं हूं लेकिन कल बात कह रहा हूं, 10,000 आदमी मथुरा में सड़क पर उतर आए कि ईदगाह में आना जाना बंद करो, काम काज बंद करो, सब कमेटी के दफ्तर में ताला लगाओ, क्या मंदिर में मिलाओ इसको भी, क्या नहीं तो हम सड़क पर उपद्रव करेंगे, तो क्या स्थिति बनेगी मुफ्ती साहब? नहीं, ज्ञान बापी में पूजा बंद करो नहीं तो हम कलकत्ता में बवाल करेंगे। बताइए ज्ञान बापी और कलकत्ता में कितनी दूरी है? क्या मान ली 10,000 आदमी मथुरा में बेड़मी पूरी और जलेबी का नाश्ता करने के बाद सड़क पर उतर जाए और कहा ईदगाह बंद करो, तो क्या होगा मुफ्ती साहब? देखिए सुनिए, एक बहुत मशहूर कहावत है जी कि बासी कड़ी में उबाल नहीं होता, अगर कड़ी बासी हो जाए तो उसके अंदर उबाल नहीं होता। एनआरआई सैयद शहाबुद्दीन ने भी दिया था, चलो बाबरी मस्जिद बचाए, क्या बचा पाए क्या? बाबरी मस्जिद गिरती रही और कहते नहीं कारवां गुजर गया और गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो मैं कहता हूं कि तौकीर रजा हो या कलकत्ता के जो कोई मौलाना हो, सो काल मौलाना, आजकल मौलानाओं की भी दुकान बहुत सारी बंद हो गई है, कुछ तो अपनों ने बंद कर दिया, कुछ शायद योगी ने बंद कर दिया, एक अलग बात है। मगर मैं कहता हूँ, ईमानदारी से मैं कहता हूँ, और इसको आप गंभीरता से लीजिए मेरी बात को, बीजेपी भी गंभीरता से ले, और आप एक बहुत बुद्धिजीवी भी हैं और जहीन पत्रकार हैं। देखिए दो बातें, मैं एक पीएचडी किया हुआ फॉरेन में मैं पढ़ा हूँ और मैं देश को बहुत करीब से समझता हूँ, देश की संस्कृति को। बीजेपी की नजर में मुसलमान विलन है और मुसलमानों की नजर में बीजेपी विलन है, अगर ये दोनों ऐसी चलेंगे तो देश का बहुत नुकसान होने वाला है। बीजेपी को भी चाहिए कि सो कॉल्ड मौलानाओं को निकाल करके डायरेक्ट बात करे, और मुसलमानों के बुद्धिजीवियों के भी चाहिए कि बीजेपी के विलन बना करके नहीं बल्कि शासक के तौर पर हम प्रजा राजा की हम बात करके समस्या का समाधान निकाले। अब ईमानदारी से मैं बीजेपी को एक सलाह दूंगा कि एक व्हाइट पेपर आप जारी करें कि कितना इलीगल इंक्रोचमेंट को आपने बर्खास्त किया है इसी देश के अंदर। आप रोड पे चले जाइए, सैकड़ों जैसे आपने फर्जी मजार बताए, बहुत सारे मन्नत पूरी कराने के लिए फर्जी मजार है और आलीशान कोठियां मुजावरों ने बना लिया, हम तो हमको तो मैसर नहीं, मिट्टी का दिया भी घर पीर के बिजली के चिरागों से है रोशन, तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमें मालूम है। मगर मैं कहता हूँ कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नथराइट कॉलोनियां हैं उनको बर्खास्त करो, मगर बर्खास्त नहीं कर पाए। एएसआई की रिपोर्ट है कि भाग्या लक्ष्मी मंदिर जो चार मीनार के पास है,
इल्लीगल है, उसी में जाकर के अमित शाह पूजा की है, उसी के अंदर जाकर के योगी पूजा की है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा इल्लीगल है, तो क्या उसको हटाएंगे? तो मैं कहता हूं ये बात समन्वय की है, बातचीत करके कोई रास्ता निकालिए, देश को बारूद के ढेर पर मत खड़ा करिए। ये देश में अगर हिंदू का नुकसान या मुसलमान का नुकसान होता है तो वर्ग का नुकसान नहीं, देश का नुकसान होता है, जिसे हमें बचने की जरूरत है। बिल्कुल मौलाना साहब, पहले एक मिनट मनोज भाई आ रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा जी, मेरा प्रश्न वही जी, काशी में मथुरा में आपने कहा ज्ञान वापी में पूजा बंद नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतर आएंगे, और मौलाना कलकत्ता के मौलाना जमात उलेमा इस्लामी के जो है उन्होंने ये एक कॉल दी कि बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करो जहां मिले, क्यों? क्योंकि ज्ञान वापी में पूजा हो रहा है। अरे बीजेपी ने पूजा कराई जो घेराव उनका करोगे? खैर मैं ये कह रहा हूं, कल को मस्जिदों में नमाज बंद करो इसको लेके लोग सड़कों पर उतरने लगे तो ये तो सीधी लड़ाई की स्थिति बन जाएगी देश में, नहीं? बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, ये बात ना इन्हें समझनी होगी कि जो भी ये बयान देंगे इनको जिम्मेवारी के साथ देना होगा, नहीं तो इनको उसके रिएक्शंस और एक्शंस भुगतने के लिए तैयार होना होगा। अगर इस तरीके के ये प्रोवोकेटिव बयान देंगे जिससे युवाओं को प्रोवोक किया जा सकता है या फिर देश की जनता को प्रोवोक किया जा सकता है, तो इनको समझना होगा कि ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है, यहाँ पर इस तरीके की बयानबाजी नहीं चलेगी। अगर आप ये कहते हैं, आप देखिए ज्ञानवापी की बात हैं, हमें पता है वहां हमारे प्रभु शिव है, बाबा विश्वेश्वर का मंदिर है, वहां पे महादेव है, इन्होंने फव्वारा कहा, हमारी आस्था का अपमान किया, लेकिन हमने क्या किया अमिताभ जी, कोर्ट ऑफ लॉ को अपनाया। हम भी तो राइट्स कर सकते थे, हम भी तो ऐसे आह्वान कर सकते थे सनातनियों से कि आप सड़कों पे आए, क्या हमने किया? नहीं किया हमने ऐसा, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम हर सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का आप आह्वान करेंगे, आपको अपील करनी चाहिए देश से कि शांति का वातावरण बना के रखें, ना कि आप ये आह्वान करें कि अगर ऐसा हो गया तो हम जान से मार देंगे, सरतन से जुदा। आप बताइए ना, हमारी सहिष्णुता की कॉस्ट है जो हम दे रहे हैं अमिताभ जी, कब तक देंगे? अब हिंदू जो है वो समझदार है, वो जागरूक हो रहा है, ये और नहीं चलेगा। और अगर ये ऐसी बात करते हैं कि ज्ञानवापी में पूजा रोक देंगे, तो पूजा किसी सरकार ने थोड़ी स्टार्ट करवाई है, 93 से पहले तक भी तो वहां पूजा होती थी ना, तो जिस तरीके से बंद हुई थी उसी तरीके से अब शुरू हो गई है, और एक प्रॉपर संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर। आप देखिए, आपने ज्ञानवापी की बात करी, पूजा की बात करी, अब ये जो विधानसभा में यूसीसी का लॉ पारित हुआ है, ये भी तो अब एक प्रॉपर एक तरीके से संवैधानिक तरीके से पारित हुआ है ना। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इनको क्या प्रॉब्लम है? तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये लोग वो देते हैं, हवाला देते हैं, तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी नहीं मानना चाहिए ना इनको। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ अमिताभ जी? इनका डबल स्टैंडर्ड दिखाता है, ये एक हिपोक्रेसी का नेचर है जिससे इन्हें बाहर आना होगा। और एक बात और, कांग्रेस के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कार्ति चिदम्बरम की कल एक स्टेटमेंट आई है अमिताभ जी, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इज टेस्ट लैब ऑन हिंदुत्व ईरान। अब आप बताइए, ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो हिंदुत्व को किससे कंपेयर करती है? अरे वो सब मानसिक संतुलन का मामला स्टेटमेंट है अमिताभ जी, कल की स्टेटमेंट है, इस पर क्या कहेंगे आप मुझे बताइए? यूसीसी पूछ लूंगा राज भाई से, हालांकि राज भाई तो सुलझे हुए आदमी है, लेकिन अब उनका कंट्रोल नहीं ना सब पर, नहीं तो राहुल गांधी के कंट्रोल नहीं, राज्यसभा का क्या कंट्रोल होगा? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी फ्री हो गए हैं, ब्रेक फेल है और गाड़ी ढलान पे है, कहां जाके रुकेगी भगवान अल्लाह जाने। कांग्रेस और सपा ब्रेक फेल है, गाड़ी ढलान पे है, सब सबको चपत मार रहे हैं, उसी कुएं से पानी पी रहे जिसमें भांग पड़ी है। खैर मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात को सब लोग तस्दीक करेंगे, यहां ना करें तो मन में करेंगे। 31-32 साल पहले राज भाई एक टेलीफोन आया लखनऊ से, बोले ज्ञान बापी में पूजा बंद कर दो, हिंदुओं की एंट्री बंद कर दो, लोहे का बैरिकेड लगा दो, लिखत पढ़त में कुछ नहीं आया, लगा दिया। मान लीजिए बनारस में उसी उसके अगले दिन 10,000 आदमी सड़क पर उतर जाते और भिड़ जाते और बैरिकेड गिरा देते और पूजा शुरू कर देते तो क्या होता? क्या 10,000 आदमी को गोली मार देंगे? नहीं ना, ऐसा तो देश जनरल डायर की भी औकात नहीं थी, फिर क्या होता? लेकिन ऐसा नहीं किया भारत के बहुसंख्यक समाज ने, वो अदालत गए, मुकदमा दायर करके आए और 33 साल मुकदमा लड़ा। आज कलकत्ता वाले कह रहे हैं ज्ञानवापी पूजा बंद कराओ और नहीं तो बीजेपी वालों घेराव करो।
राज शर्मा जी, ये क्या, ये तो फिर वातावरण विषाक्त तो हो जाएगा। नहीं कोई नहीं कुछ कर रहा, ये सब बातें हैं, हवा की बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ किसका फोन आया, किसका था, ये कोई नहीं है। हर चीज होनी चाहिए रिटर्न पे होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो ना जाने, मैंने पहली बार देखा है, मैं साध्वी जी से भी एक बात कहूं, मुझे इनकी एक बात पे आपत्ति है कि इन्होंने कहा अब हिंदू बदल चुका है। मैं सन 2014 में पैदा नहीं हुआ, मैं मेरी एक उम्र है, मैं तब से बदला हुआ था, मैं सन 2014 के बाद नहीं बदला हूं। हिंदू बदला हुआ नहीं है, हिंदू जैसा था वैसा है। अब नहीं बदला कि हिंदू बदला। और मुझे ये भी समझ आती कि आखिर कौन किसका विरोध कर, राम मंदिर का या ज्ञान वापी का, कौन विरोध कर रहा है? कोई नहीं विरोध कर रहा है। और दो चार अभी मौलवी साहब कह रहे हैं, अरे ये हजारों लोग सड़क पर ये बरेली में डिस्को कर रहे हैं, बंद कर दो जी, अरे बंद कर दो। और मैंने वो भी देखा है, या आज से 15 साल पहले, या DIG का नाम भूल रहा हूं बरेली में, उन्होंने तौकीर साहब को बुलाया कोतवाली में, कहा या तो कल कुछ करना मत या मैं आपको जेल डाल दूंगा। यह कोतवाली की बात है, 42 गाड़ियां तब थी, कहा इसमें बैठा के ले जाएंगे। ठीक, देखिए प्रशासन पे ताकत होती है। ठीक राज भाई, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात हल्ला करने दे रहे, ठीक राज भाई, एक मिनट, एक मिनट, मैं तो बड़े धर्म संकट, मनोज बाबू आ रहा हूं, बड़े धर्म संकट फंस गया। तो कि रजा मेरे परिचित, राज शर्मा जी भी मेरे परिचित, अब ये ऐसे ये लोग भड़का देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, 370 हटा के दिखाओ मां का दूध पिया है तो हो गया काम, अयोध्या मंदिर बना के दिखाओ मां का दूध पिया बन गया मंदिर, अब ये कह रहे कि सजा दे के दिखाओ, काहे को ठंड में तो कि रजा के लिए मुसीबत पैदा करोगे भाई, देख तो चुके आप क्या क्या हो सकता है, अब भी कोई नजीर बाकी है समझने के लिए? तो कि राजा सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, राज शर्मा हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रहे टीवी बैठ के, योगी जी सुन लेंगे पता लगा क्या से क्या स्थिति हो जाए, मुफ्ती साहब नहीं, मेरी चिंता ठंडा भी ज्यादा है, इसलिए रुक जाओ, ये अभी की कह रहे, हम कह रहे ठंड ज्यादा है, अभी हाथ पैर ज्यादा दर्द करें। पंडित जी मैं अच्छा जानता हूँ, मनोज जी ठीक ठीक, मनोज पंडित जी, मनोज पंडित जी, मसला वही मैं कह रहा हूँ, हर क्रिया की, एक मिनट रुकिए राज भाई, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। क्या चरण सिंह जी को, जैसे चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, उसके 5 मिनट क्रिया हुई, 5 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया हुई, जयंत ने कहा अब किस मुंह से मना करूं, दिल जीत लिया मेरे आका, नहीं तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है क्या? और अब तो डोला रे डोला सिंड्रोम हो रहा है देश में, नीतीश बाबू डोल चुके, जयंत डोल चुके, उद्धव आधा डोल चुके, आधा डोलने वाले हैं, सुखबीर बादल 75% डोल चुके हैं, कल तक पूरा डोल लेंगे, और राज भाई कह रहे कुछ नहीं बदला, बताओ अच्छे अच्छे बदल रहे हैं, और राज बाबू कह रहे कुछ बदल नहीं रहा है। मनोज पंडित, राज भाई की मजबूरी है, मैं राज भाई जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैठ के, इन्हें बोलना ही उसके पक्ष में है, और कोई विकल्प है नहीं। और रही बात भाई, दूसरी बात मेरी सुनिएगा, मैं देखो राज भाई सुनो तो सही, अरे भाई आप ज्ञानी पुरुष हैं, आप मेरी बात तो सुने, आप मैं बताऊं कि देखिए बहुत कुछ बदला इन 10 सालों में, देश बदल गया, आप कहा, आप तो कहाँ रह रहे हैं, आप देखिए तो सही, कहाँ बदल गया देश, स्थिति कहाँ बदल गया देश, नहीं अरे बताओ कहाँ नहीं बदला, आप मुझे बताइए क्या कैसे बदलेगा, अच्छा बदलने की परिभाषा क्या है, आप मुझे बताइए बदलने की डेफिनेशन बताइए, क्या डेफिनेशन है बदलने की, कैसे बदलेगा, जो बोला है वो करके दिखाया है राज भाई, गाली देता है जो बोला है वो करके दिखाया है, ये दम भारतीय जनता पार्टी में है, इसके अलावा कहीं नहीं, आप ये देखिए किस, अच्छा आप बताइए आप लोग किस पे बात करते हैं, आज रोजगार बताइए आप, क्या दिया आपने रोजगार, नहीं नहीं अरे आप बताइए क्या बात, कैसे आप, अच्छा ये जो बरेली मोहरा इससे रोजगार मिलेगा, और जो हल्द्वानी मोहरा इससे रोजगार मिलेगा, ये फैक्ट्री लगाने का काम चल रहा है क्या,
किसने मना किया आपको? हर चीज में बात करेंगे हम लोग, पर लेकिन आप सच्चाई को, आप बिल्ली कबूतर वाली मत करो पंडित जी। बिल्ली ने आग बंद करनी, धर्म पे जीत रहे हो, बंद करनी तो सोचो बिल्ली गायब हो गई, गायब नहीं हुई बिल्ली, वही थी। बिल्ली कबूतर आपको पूछने वाला कोई नहीं, रोजगार की बात ऐसा कोई, ऐसा कोई प्रावधान ना जो की जो जनता के सामने दिखे ही ना। बिल्ली कबूतर वाली बात कर रहे हैं आप, क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया है, आप बताइए। 370 लेके देख लीजिए, राम मंदिर लेके देख लीजिए, ट्रिपल तलाक को लेके देख लीजिए, सारे किसी भी मुद्दे पे बात कीजिए, हर मुद्दे पे बात करने को तैयार है। पर लेकिन आपको 130 साल पुरानी पार्टी को सोचना पड़ेगा। एक मिनट, दोनों लोग रुकिए भाई, दोनों लोग रुकिए, दोनों क्या बात रुकिए। राज भाई ने कहा कि धर्म पर लोग जुड़ रहे हैं राजनीति में, उनकी इस बात से एक मिनट को, भाई अच्छी बात बोल रहा हूं ना, इत्तफाकी आज मेरा मेरी भाव मुद्रा कतई टकराव की नहीं है, आनंद की है और दुखी हूं घटनाओं से। मैं ये नहीं समझ पा रहा, चंद्रबाबू नायडू 360 डिग्री घूमे, धर्म का विषय नहीं है, शरणागत हो गए आके भाजपा के, ठीक। उद्धव आधा घूम चुके हैं, आधा बाकी है, धर्म तो नहीं है वहां। नीतीश बाबू धर्म से तो नहीं आए, वो पुजारी तो है नहीं किसी मंदिर में, क्या अच्छे अच्छे घूम रहे हैं, और जो पूरा नहीं घूम रहा वो घूमने की तैयारी में है भैया। अभी तो वैलेंटाइन डे दूर है और राजनीतिक वैलेंटाइन चालू है, ये तो देखो, ऐसा सियासी वैलेंटाइन कभी भारत ने नहीं देखा। नरसिंह राव जी का लड़का मुफ्ती साहब, क्या बेटा पानी पी के कांग्रेस को कोस रहे, करे भाजपा जिंदाबाद। मोदी जैसा आदमी नहीं देखा, जो हमारे पिता की कांग्रेस ने कतई नाकदरी की, ये तो मोदी हैं जिन्होंने आज उनको भारत रत्न दे दिया। और ये राज शर्मा करे भारत बदला नहीं, बताइए और कितना बदलेगा, क्या छत से कूद जाए आदमी मुफ्ती साहब? अमिताभ जी राज शर्मा जी की मजबूरी है, राज शर्मा जिस पक्ष को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं वो बोलेंगे ऐसे, नहीं तो ये ठीक है। अरे मुफ्ती साहब एक मिनट को, मुफ्ती साहब ये राज्य, ये देश बदला नहीं है क्या, और कितना बदलेगा? नहीं नहीं सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए जी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी चले, अब नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट तक चल रहे, मगर उनके चलने के बाद भी कांग्रेस चल नहीं पा रही है, ये तो कांग्रेस की दुविधा है, एक बात। दूसरी बात क्या है, ममता की भी कब ममता बरसा दे मोदी जी पर ये नहीं कह सकते, मगर डोला रे डोला, पूरा अगर और डोलाना है तो मैं कहता हूं कि बाला साहब ठाकुरे को भी मोदी जी अगर भारत रत्न दे दे तो पूरी तरह उद्धव जी भी चले जाएंगे। सुनिए एक बात है, दूसरी बात क्या है कि अखिलेश भी कब पाला बदल रहे पता नहीं, और अभी आप देखिए साउथ के अंदर क्या हुआ, साउथ में नायडू और जगनमोहन रेड्डी दोनों बीजेपी पर सवारी करने के लिए तैयार है, अब बीजेपी देख रही कि हमारा फायदा नायडू के साथ है या जगन के साथ है। नायडू तो बैगन के थाली थाली के बैगन है, हमारे पास जो हैदराबाद का एक कहावत है थाली का बैगन है, कभी इधर कभी उधर। मगर बात तो सीधी है कि मोदी ने पूरी तरह से कांग्रेस से लेके अपोजिशन को हिंदुत्व के पीछ पर ला करके बैकफुट पे डाल दिया है, खेल भी नहीं पा रहे और खेल बिगाड़ भी नहीं पा रहे। एक तरफ रेवंत रेड्डी हमारे सीएम कह रहे कि मैं जा करके यहाँ अयोध्या में राम मंदिर में पूजा करूंगा, राहुल गांधी भाग रहे, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की नीति से चोर को चोरी करने के लिए बोल रही है और बादशाह को खुश रखने के लिए ये पॉलिसी है, यही पॉलिसी कांग्रेस ठीक, को ठीक मुफ्ती साहब, मैं साध्वी साध्वी प्रज्ञा भारती के पास चलूंगा। प्रज्ञा जी एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, कहा भी ना जाए सहा भी ना जाए, क्या कांग्रेस उस स्थिति में आ गई कि क्या कहे और क्या सहे? देखिए अमिताभ जी, भाई नरसिंह राव का परिवार भाजपा ही हो गया, वो कह रहा है कि मोदी से बड़ा अच्छा नेता कौन हो सकता है, जिस पार्टी के लिए हमारे पिता ने प्राण दे दिए, पूरा जीवन दे दिया, भारतीय प्रधानमंत्री रहे, उसके शव को गांधी परिवार ने पार्टी के दफ्तर में नहीं अंदर जाने दिया जी। बिल्कुल अमिताभ जी, ये जो आपने बोला है बहुत ही सटीक बोला है
क्योंकि अभी आप देखिए कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट से गुजर रहे हैं। ये लोग कभी सनातन पर अटैक करते हैं, आप इनका इतिहास देखिए, अभी कुछ समय की मैं बात करती हूँ, देखिए कांग्रेस तो सनातन विरोधी सरकार है ना, और अभी देखिए सनातन पर अटैक करते हैं, कभी कोविड बोलते हैं, कभी मलेरिया, कभी डेंगू से कंपेयर करते हैं, यहाँ तक कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी कि अगर 2024 में मोदी जी आ गए तो सनातन की पुनर्स्थापना हो जाएगी। आप देखिए इसका मतलब दे आर वेरी क्लियर दैट दे आर नॉट विथ सनातन धर्म। उनकी ही पार्टी के लोग कहते हैं कि इनको भगवे से प्रॉब्लम है, इनको तिलक से प्रॉब्लम है, यानी सब कुछ क्लियर है, पूरे भारत को इनकी स्थिति क्लियर है। अब बात आती है कि ये जो भारत रत्न की है, अब इनकी ही पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमें भाजपा ने ये जो आदर सम्मान दिया है ये हमारी ही पार्टी ने हमें कभी नहीं दिया। तो अब आप बताइए इनके पास क्या बच गया है, क्या रह गया है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर पीड़ा होती है मन के अंदर, है ना, अगर आपको भारत से आपत्ति है, भारत से प्रॉब्लम है, भारतवासियों से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर बैठ के डिस्कस कीजिए ना। आप विदेशी भूमि पर जाकर अपने देश की मिट्टी का अपमान करते हैं और आपको लगता है कि आपके आपका सम्मान होगा तो आपकी ये गलत फहमी है। भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब प्लीज, मुझे एक बार अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बोला है, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया है, जिन्होंने आमंत्रण और निमंत्रण पर पॉलिटिक्स खेली, और इतना ही नहीं अमिताभ जी 2014 से पहले ये लोग ना कभी रुद्राक्ष पहनते थे ना जनेऊ पहनते थे, चाहे दिखावे के लिए ही, चाहे चुनावी यंत्र के लिए ही, लेकिन इन्होंने भी 2014 के बाद मंदिर चाना कर दिया। ठीक है स्वामी बाबा, दोनों लोग रुकिए, एक मिनट, अरे रुको भाई, राजभाई आ रहे हैं आपके पास। एक बात मैं सबके हित के लिए कहूं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, मुफ्ती साहब आप तो आलिम फाजिल हैं, साधु जी भी हैं, जिस चीज का प्रदर्शन हमको पब्लिक में करना हो शो, उसकी रात भर तैयारी कर लेनी चाहिए, नहीं अगर आप उसके मास्टर नहीं है, नहीं अगर आपको सुबह कुरान पढ़नी है पब्लिक में तो रात भर कुरान पढ़ो ताकि सुबह गलत ना पढ़ो, नहीं वेद पढ़ना है तो रात भर वेद पढ़ो, छत पर खड़े होकर पढ़ो, जमीन नीचे बैठ के पढ़ो, लेकिन याद करो, बात भद मत कराओ। मैं एक सलाह देता हूं राज भाई, राहुल जी को, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूजा पाठ करने का मन है, अच्छी बात है, होना चाहिए, सबका होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, तो पूजा पाठ के विधान समझ लो, क्या नमाज पढ़ने की एक प्रक्रिया है, एक टांग ऊपर उठा के तो नमाज नहीं पढ़ने लगेगा कोई, वजू करने का एक सिस्टम है, रुद्राभिषेक का भी एक सिस्टम है, नहीं बिल्कुल ठीक है कि महादेव पर जो जल दूध या गन्ने का रस जिससे भी हम कर रहे हो वो कैसे चढ़ेगा, दूसरा हाथ कहां होगा और धार कहां गिरेगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ठेले ठेले ले 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 ले, नहीं, इससे फायदे की जगह नुकसान नहीं हो जाता। राजबाबू आपको दिल पे हाथ रख के बताओ, देवघर वाला वीडियो देखो, पंडित जी कह रहे हैं अरे चाचा इधर इधर चढ़ाओ, ऐसे बताइए राज भाई, नहीं एक्चुअली क्या है, दिक्कत क्या हो रही है इस देश में कि चुनी हुई सरकार जो जिस चीज के लिए चुनी गई है वो काम नहीं कर रही है। मुझे आपत्ति है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं राहुल जी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रज्ञा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आफ्टर वेरिंग बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा होना नहीं है, आप झूठ ना बोलिए, मुझे इतना बता दीजिए, राहुल जी ने फौरन मैं क्या कहा था, पूरी स्पीच आपने सुनिए तो मुझे बता दीजिए, अधूरे में मत बोलिए, अगर आप गलत बोलेंगे मुझे दुख पहुंचेगा, आप साधवी हैं, अरे मैं पंडित आदमी पूजा पाठी हूँ, पॉइंट बोलिए आप, बोलिए क्यों गलत बोल रही, आप पार्टी मत बनिए,
एक बात करती हूँ मैं आपसे, भाई साहब सुनिए सुनिए, मैंने आपकी बात सुन ली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अगर ये राम मंदिर का कार्य आपकी पार्टी करती, अगर उदय निधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सनातन पर अटैक नहीं करते तो आज हम आपकी पार्टी को बधाई दे रहे होते, आज मैं आपको धन्यवाद देती। लेकिन सुनिए भाई साहब, आपने आपकी पार्टी ने बार बार अपमान किया है मेरे प्रभु श्री राम का, आपकी पार्टी ने बार बार सनातन धर्म पर अटैक किया है, और किसी ने मैंने कहा और किससे कह रही हूँ बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है, मैं ये राम का अपमान सहेगा ना सनातन धर्म का अपमान करेगा, और आप भी ये बात सुनिए तो सनातन धर्म का अपमान करेगा, मुझे पढ़ाई दिया उसका अपमान करेगी, उसको नकार देगी, और वही आपकी पार्टी के साथ सारा गया है, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है राज भाई, आगे बात आगे, मुफ्ती साहब आएंगे अभी, मैं मनोज जी के पास चलूं, ठीक है राज भाई, एक मिनट, एक मिनट, मनोज जी के पास चल रहा हूँ, एक मिनट, एक आप ठहरिए, नहीं एक मिनट रुको राज बाबू, एक मिनट, एक मिनट, एक बात आई थी, आ रहा हूँ दोनों के आवाज, एक बात आई थी हमारे मित्र राज जी ने पूछा कि राहुल गांधी का बयान दिलाओ, कोई याद दिलाओ। अब मेरे साथ ये प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है कि मैं कुछ भूलना भी चाहूं मुफ्ती साहब तो ये भूलने नहीं देते मुझे परमात्मा, क्या कोई गूगल साथ नहीं रखता, कोई साधन नहीं, कोई कागज पत्र नहीं रखता, और ऐसा लगता है वो दिमाग में फेंक देते हैं। अब ये लो क्या नेहरू जी के वंश का युवा, अब तो खैर युवा नहीं, युवा से थोड़ा आगे है राहुल जी, वो मैं समझता हूँ हो सकता है किस मुद्रा में कह गए, मैं उन पर कोई बहुत आक्षेप नहीं करना, लेकिन उनका एक बयान था जिससे वो भाग नहीं सकते कि लोग मंदिर जाते हैं चप्पल चोरी करने और लड़की छेड़ने। कोई मूर्ख आदमी भी ऐसा बोलेगा कि लड़की छेड़ने मंदिर जाते हैं? अच्छा आप मंदिर गए फिर अभी आप भी मंदिर होके आए, ऐसा बयान काहे को तो जो गले में पड़ जाए, मंदिर नहीं, हम तो कोई मुझसे ये कहे कि मस्जिद भी लोग लड़की छेड़ने जाते हैं तो भी मैं बुरा मानूंगा, गुरुद्वारा किसी के लिए कहे, ये कोई भाषा है? और जिन लोगों को वोट की राजनीति करनी है उनको तो जुबान पर एक्स्ट्रा एहतियात रखना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मनोज पंडित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अमिताभ जी, स्थिति क्या है, राज भाई पूरी परिस्थितियों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो गठबंधन बनाया, जो चीजें बनाई, वो आज कहीं ना कहीं इनके साथ नहीं है, इनको लग रहा है कि ये हो क्या गया, समझ नहीं, पूरी प्रक्रिया नहीं समझ पा रहे। आप ये देखिए नरसिम्हा राव इधर भाग रहे हो, 80 सीटें जीत रहे हो, अरे अरे भाई हम कटोरा लेके घूम रहे हो, आपको याद है जब मध्य देखो राज भाई सुनिए, और आपको मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है तब आपने क्या बोला, आपने कहा 80 जीत रहे हो, विधायक नहीं 80 जीत रहे हो, हम हमने फिर भाग रहे हो, तैयारी की है किसी विधायक को नहीं उठने देंगे, माहौल बना दिया, मैंने आपको डिबेट में एक बात बोली थी राज भाई, माहौल बना दिया मनोज भाई कि विधायक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राज भाई बता दो 80 सीट ला रहे हो, कहां झुक गए आप मुझे बताइए, कहां झुक गए, कहां झुके, कटोरा लेके मुझे बताओ कहां झुके, कटोरा लेके नहीं घूम रहे हो, बोलिए नहीं हम क्यों कटोरा लेके घूमे, कटोरा लेके तो आप घूम रहे हो, आपके नेता कटोरा लेके क्या, आप तो बुरा कढ़ाया लेके घूम रहे हो, नहीं देखिए मेरी बात सुनिए राज भाई, और मोदी जी की 40 मिनट की डिबेट करा दो अगर आप में हिम्मत हो, चैलेंज है, डिबेट बुद्धिमान व्यक्ति से होती है राज भाई, ठीक है अब लड़ो नहीं, डिबेट का दोनों मित्रों को मेरा प्रणाम, रुक जाइए समय कम है, मैं एक आखिरी टिप्पणी मुफ्ती साहब से लूंगा, मुफ्ती साहब क्या आपको ये नहीं लगता कि अब वो समय आ गया कि मुस्लिम्स के बीच से सकारात्मक सोच वाली लीडरशिप बाहर आए, और मंच पर जो अभद्र लोगों ने कब्जा कर रखा है
अल्लबल्ल बोल के उत्तेजना फैलाने वाले लोगों ने, वो लोग मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, ये बात मुसलमानों को बताने के लिए निकले वो समझदार लोग मुस्लिम लीडर? नहीं, देखिए मुसलमानों में शऊर आया है, मगर मीडिया उन्हीं को जगह देती है जो भड़काते हैं लोग। मीडिया संजीदा मुसलमान स्कॉलर को तो टीवी में जगह नहीं देती है और आते भी नहीं। हम जैसे लोग सिवाय आपके एक दो चार शो में जाते हैं, हम लोग भी बहुत कमाते हैं। मगर मैं बात बताता हूँ जाति जनगणना की, कांग्रेस कैसे कैसे कंफ्यूज हो रही है। कांग्रेस कह रही कि जाति जनगणना की बात कर रही है, इंदिरा ने उसके जी ने मुखालिफत किया, नेहरू जी ने मुखालिफत किया। एक जमाने में नारा था कांग्रेस का, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर इंदिरा जी की बात, इंदिरा जी की बात पर। राजीव गांधी ने 90 में पार्लियामेंट में बोला था कि मैं मंडल कमीशन का विरोध करता हूँ, ये राजीव गांधी ने बोला था। आज जो है, हाँ बोला था, आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1952 के बाद 2024 में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, 1952 से लेकर के यूनाइटेड आंध्रा, बाद में 2014 से तेलंगाना का गठन हो गया, आज कैबिनेट में एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, ये रेवंत रेड्डी की सरकार में। और राहुल जी जाकर के मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि देश में एक दिन मुसलमान जो है प्रधानमंत्री बनेगा। 7% जो है तेलंगाना में रेड्डी हैं, 7% रेवंत रेड्डी सीएम बन गए, 4-5 जो है मिनिस्टर बन गए, और मल्लू विक्रमा भट्टी एक दलित है जिसकी 16% आबादी है। 30 साल से मुसलसल जो है कांग्रेस को लेकर के चला, मेहनत किया, उसको इसलिए सीएम नहीं बनाया गया कि वो दलित है। तो कांग्रेस की मानसिकता निहायत ही जर्जर है। राहुल गांधी को, केसी वेणुगोपाल, ऐसे लोग जो जनता के बीच में इलेक्ट नहीं है, जयराम रमेश, प्रिया सिनेते प्रिया, ऐसे ऐसे लोग, अगर वो एक और है बिहार के कन्हैया कुमार, ऐसे लोग अगर कांग्रेस के सलाहकार बन जाएंगे तो इसका कांग्रेस का विसर्जन होना जरूरी है। मैं कहता हूं कि गांधी का सपना, एक गुजराती का सपना दूसरा गुजराती पूरा कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो पूरा कर जाएगा। राज भाई, छोटी सी टिप्पणी, मुफ्ती साहब ने कहा एक गुजराती का सपना, यानी गांधी जी का सपना था कांग्रेस विसर्जित कर दी जाए, वो करेंगे, गांधी जी के समय में नहीं हुई लेकिन दूसरे गुजराती यानी नरेंद्र मोदी के समय में वो विसर्जित हो रही है। राज शर्मा जी, छोटी सी टिप्पणी, समय कम है। डर के पीछे इनका बयान है, सबसे छोटी प्रतिक्रिया, डर के पीछे इनका बयान है, ये डरपोक व्यक्ति हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, इनको डर है। ठीक ठीक ठीक, अब रुकना होगा। देश का दुर्भाग्य है, मुफ्ती नदीमुद्दीन जैसे लोग जो हैं उनको आप बता रहे हो डर के साथ हैं, तौकीर रजा जैसे लोग बहादुर हैं, देश को कहां झोंकना चाहते हो मित्र? और मेरी उनके साथ भी सहानुभूति है जिनको ये सड़क पर उतार देते हैं तौकीर रजा जैसे लोग। मुकदमे हो जाएंगे, घर बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, चप्पल बिक जाएगी जमानत कराने में, तौकीर रजा किसी को रोटी देंगे? हमने तमाशा बहुत देखा मित्र, 35 साल के पत्रकारी जीवन में ऐसा तमाशा मैंने बहुत देखा। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, जो मौलाना मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे, जो सबसे ज्यादा भड़काए थे, मौलाना नाजिम, शायद अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, मैं गया था उनका इंटरव्यू करके लाया था, उनको दंगा काल में ही जेट सिक्योरिटी मिल गई थी अल्लाह का नाम लेके, हैं? और 30 पुलिस वालों के साथ वो सरसों के तेल की मालिश करा के धूप में लेटे थे, क्या गरीब मर गया था, गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर गया, घर जल गए, जानवर फूंक दिए गए जिंदा। मैंने देखा मुजफ्फरनगर, कौन माइकल लाल गया था वहां मदद करने, अब भाषण सब दे रहे हैं, कोई गया था नहीं ना? मौलाना नजीर, हां मौलाना नजीर का जलवा अफरोज हो गया, लेकिन रज्जाक और अब्दुल का बर्तन भाड़े बिक गए, आज तक मुकदमे झेल रहे हैं, आज तक। मुफ्ती साहब, हैं? बर्तन भाड़े बिक गए, चप्पल बिक गई, फिर भी अदालतों में धक्के खा रहे हैं। मैंने देखा कांग्रेस गई, समाजवादी गए उनकी मदद को नहीं, बसपा ही गए नहीं। फिर मैं फिर कहता हूं, घड़ी की सुई को ठीक दिशा में रखो। ये बात जो कही साध्वी प्रज्ञा ने या मनोज पंडित ने, ठीक कही,
इसको इसलिए मत लीजिए कि भाजपा ज्यादा सीटें जीत रही है, देश बदल गया है मित्र, बदल गया है। अब बनात वाला नहीं चलेगा, जियाउर रहमान अंसारी नहीं चलेगा। मैंने कल कहा था सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों पर फैसला दिया, मुफ्ती साहब को याद है, राजीव गांधी ने उसको लोकसभा में लाके टर्न डाउन किया, बनात वाला बोलने खड़े हुए, बनात वाला ने कहा राजीव जी तेली और तमोली से कुरान का वो करवाओगे व्याख्या तो ऐसा ही होगा। लो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को तेली तमोली बता दिया है और कांग्रेस ताली बजा रही थी। ये करेंगे? देश बदल गया है मित्र, जान लीजिए, और बदलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं विश्वास की बात है, मानना ना मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन ना देखिए जिस दिन से रामलला की का विग्रह, प्रज्ञा जी, जिस दिन से रामलला का विग्रह अपने मंदिर के गर्भगृह में आया, प्राण प्रतिष्ठा नहीं 18 से, तब से भारत के घटना चक्र को देख लीजिए। क्या अभी महीना नहीं हुआ है प्राण प्रतिष्ठा को? मुझसे एक सज्जन कह रहे थे, वो कह तो मजाक में रहे थे लेकिन ठीक है, हास्य बोध है, उसी रूप में लीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कह रहे थे, दिग्विजय सिंह वगैरह, राज भाई, कि बहुत गलत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो हमसे एक नेता कह रहे थे कि भाई साहब वो सही कह रहे थे, जो कुछ पोटली में था वो भी जा रहा है कांग्रेस की, क्या मुहूर्त गलत ही निकला उनके लिए? तो भाई भुनी हुई एक राजा नल की कथा आती है, उनका भाग्य विपरीत दिशा में गया, मनोज पंडित जी राजपाट चला गया, जेवर चला गया, तीर तलवार सब चली गई, अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे आ गए मुफ्ती साहब, बोले मछली पकड़ के लिए आते हैं, तुम चूल्हा जलाओ यहीं कंडा, और इसी मछली भून खा लेंगे और कुछ नहीं। फिर बोले अच्छा भून तो ली है, तब तक नहा के फिर खाते हैं, देखा क्या मछली भुनी हुई मछली नदी में वापस भाग गई। क्या इंडिया गठबंधन के साथ वैसा नहीं हो रहा है? भुनी हुई मछली नदी में भाग रही, ये क्या स्थिति बन रही है? ये राम चक्र है, काल चक्र भी है और राम चक्र भी है। इस देश के मन को समझना जरूरी है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता रहेंगे जाएंगे, गोखले तिलक से हमने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की, गांधी से होते हुए आज तक तमाम लोग आए और समय के साथ अपना अपना रोल निभा के चले गए ना, लेकिन भारत का मन कहां है ये समझना जरूरी है। ये गांधी को समझ थी इस बात की, ये तिलक को समझ थी, ये गोखले को समझ थी, ये बाल गंगाधर तिलक को समझ थी। उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया, और आज भाई भाजपाइयों की बात छोड़ो, लोहिया जी तो आजकल, आप लोहिया जी के जो राजनीतिक शिष्य हैं वो सब आपके इंडी गठबंधन में हैं। लोहिया ने क्या कहा था? लोहिया ने कहा, ये बात कांग्रेस में सुनाइएगा, गूगल में मिलना मुश्किल है इसीलिए सुनाई दे रहा हूं। लोहिया ने एक बार कहा मुफ्ती साहब कि बद्रीनाथ से रामेश्वरम या रामेश्वरम 3,500 किलोमीटर की दूरी है दोनों छोरों पर है, बोले चाहे रामेश्वरम में और चाहे बद्रीनाथ में, 1 घंटा खड़ा हो जाए व्यक्ति पूरा हिंदुस्तान उसकी आंखों से गुजर जाएगा। क्या ये भारत है? ये भारत की तासीर है, ये भारत की शक्ति है, इसको समझना होगा। ऐसी कोई दूसरी जगह बता दीजिए जहां 1 घंटा कोई भी आदमी खड़ा हो, पूरा देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उसके चेहरे उससे गुजर जाए दृष्टिपथ से। ये लोहिया ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो बहुत छोटा आदमी, लोहिया बड़े आदमी थे, उनका देश में चिंतन था। आपने उस बात को स्वीकार नहीं किया, आप उसे लड़ते हैं बार बार, और जब स्वीकार भी करते हैं तो दबे मन से करते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बना करते हैं। ये किन लोगों ने कहा था कि राम काल्पनिक है? जिन लोगों ने काल्पनिक कहा वो राम की मूर्ति का ताप देखे क्या से क्या हो गए देखते देखते, एक वो गाना था क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या स्थिति बन गई।
मैं फिर कहूंगा, हल्द्वानी हो, बरेली हो, कलकत्ता हो, उत्तेजना का दौर छोड़ दीजिए। उत्तेजना से कुछ हासिल नहीं होगा, और अब उत्तेजना भी आप नहीं फैला पाएंगे, ये जान लीजिए। आज मेरी अपनी जानकारी है राजबाबू, हल्द्वानी में मुफ्ती साहब सैकड़ों अतिक्रमण हटाए गए, सैकड़ों, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। शासन का इकबाल होता है, हो गया, चला बुलडोजर, कोई माइका लाल वहां ये कहने नहीं गया कि हम गोली मार देंगे बुलडोजर वाले को, नहीं ना। लेकिन आपने 100 पुलिस वाले घायल करा दिए, तो कि रजा तो गिरफ्तारी होती है छूट जाते हैं, वो गिरफ्तारी में भी बिरयानी खाएंगे, उन्हें थोड़ा कोई मार रहा है। लेकिन रज्जाक को मुश्किल हो जाएगी, ये जिस दिन भारत समझ लेगा उस दिन ये सड़क पर बंडलिज्म खत्म हो जाएगा, ये उपद्रव और उत्पात खत्म हो जाएगा। मित्र ज्ञान बापी में पूजा बंद करो, मैं कहता हूं मुफ्ती साहब, ये नारा जो भी दे रहा है वो भारत में चिंगारी का खेल खेल रहा है, ये नारा ठीक नहीं। ज्ञान बापी में पूजा किसी की कृपा से नहीं है और किसी के हुक्म से बंद भी नहीं हो सकती। 33 साल मुकदमा लड़के भारत के सनातन धर्मावलंबियों ने अदालत के आदेश से पूजा का अधिकार पाया है, किसी पार्टी की कृपा है, किसी नेता की कृपा है क्या? यह रास्ता ठीक नहीं। यह करिएगा तो प्रतिक्रिया के लिए आपको तैयार रहना होगा, धरती का नियम है, क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहिए, उस रास्ते पर मत जाइए। और मैं तो कहूंगा कल लोकसभा में राज्यसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है, राम सबके हैं, बिना किसी विरोध किंतु परंतु के दोनों हाथ उठाकर भारत की संसद को रामलला के धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करना चाहिए, और वो कागज रामलला के चरणों तक पहुंचना चाहिए, विग्रह के श्री चरणों में वो कागज रखा जाना चाहिए कि भारत की संसद अपने रामलला को कृतज्ञता के साथ स्मरण करती है। धन्यवाद। कल हल्द्वानी को जलाया गया और आज बरेली को सुलगाया गया। आज बरेली में मारने काटने की धमकी दी जा रही। मौलाना तौकीर रजा ने हजारों लोगों को सड़क पर उतार दिया। हल्द्वानी का दंश, उसकी पीड़ा कम नहीं हुई थी देश में कि बरेली में भी चिंगारी का खेल खेला जा रहा है। हल्द्वानी से बरेली तक क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? बरेली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए बदजुबानी हो रही है सड़क पर, कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर चलाएगा हम उसको मार देंगे, काट देंगे। और कलकत्ता में ऐलान हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर कल बंगाल आएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे, उनको काले झंडे दिखाएंगे। बोले क्यों? बोले ज्ञान बापी में पूजा कैसे शुरू करा दी, ज्ञान बापी में पूजा बंद करो, मौलाना कह रहे ज्ञान बापी में पूजा भाजपा ने नहीं शुरू कराई, अदालत के आदेश पर हुई है भाई मौलाना साहब। लेकिन मूल प्रश्न ये कि हल्द्वानी से बरेली तक ये अग्निपथ क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे की डिजाइन क्या है? हल्द्वानी में समस्या क्या थी? हाई कोर्ट के आदेश पर एक अवैध मदरसे को हटाने के लिए गया था नगर निगम, पुलिस पर हमला हो गया, थाना फूंक दिया, सरकारी गाड़ियां फूंक दी, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, 100 से ज्यादा घायल हुए।
सरकारी अधिकारियों को जान बचाना मुश्किल पड़ गया, ऐसी स्थिति पैदा कर दी। सुनने में आ रहा है कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है तांडव, उसके पीछे पीएफआई का तार कहीं जुड़ा हुआ है, ये सुनने में आ रहा है। क्या इस हिंसा के तार बाहर तक है, ये समझना होगा। और हल्द्वानी में वही इलाका है जिस इलाके में रेलवे ने जब अपनी संपत्ति अतिक्रमण से मुक्त करानी चाहिए थी अपनी जमीन, तो 50,000 लोगों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया था और अल्लाह अकबर का नारा गुंजा दिया था। क्या सरकार को बंधक बनाने की कोशिश हो रही है? क्या प्रशासन को भयभीत करने की धमकी देने की स्थिति पैदा की जा रही है? बरेली में मौलाना तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा विवादित कामों के लिए, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम मार देंगे, काट देंगे जो बुलडोजर चलाएगा। बुलडोजर अदालत के आदेश से चलेगा, तौकीर रजा किसको मार देंगे और कैसे मार देंगे? कोई घर की खेती है, कानून का राज है। तौकीर रजा ने कहा, ऐलान किया था कि जुम्मे की नमाज के बाद हम गिरफ्तारी देंगे, और आज वो गिरफ्तारी देने चले, हजारों लोग सड़क पर उतार दिए, अफरा तफरी की स्थिति बन गई बरेली में। क्या चुनाव नजदीक है लोकसभा का, क्या इस सब के पीछे चुनाव का कोई मसला है? क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस किया जा रहा है? और अगर हां, तफरी गंभीर स्थिति है और सरकार को इसको उतनी ही गंभीरता से इसका प्रतिकार करना चाहिए। बरेली के ईदगाह मैदान से उत्तर प्रदेश सरकार के इकबाल को चुनौती नहीं दी जा सकती, शासन के इकबाल को चुनौती नहीं दी जा सकती, ना बरेली के ईदगाह मैदान से और ना हल्द्वानी के उस इलाके से। अभी शाम को पुष्कर धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड हल्द्वानी में है, और आज हल्द्वानी में बुलडोजर खूब चला, जहां दिखा अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ है, होना चाहिए। सरकारी जमीन, सार्वजनिक उपयोग की जमीन आप कब्जा कर लेंगे? नमाज घर बना दिया, मदरसा बना दिया, फिर तमाशा बना दिया। अरे बना लिया, जब हटाने की बारी आई तो शांति से हटने दीजिए, तो आप मारने काटने पर आमादा हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगा इस गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि हल्द्वानी से बरेली तक और बरेली से कोलकाता तक डिजाइन एक ही है, क्यों अब ज्ञानवापी को मुद्दा बनाया जा रहा है कि ज्ञानवापी में पूजा रोको, जमायत इस्लामी कह रही। अरे भैया, आपसे पूछ के पूजा शुरू हुई है? आप हिंदुस्तान के मालिक मुख्तार हैं? आप सरकार हैं? नहीं। आप अदालत हैं? नहीं। फिर आप क्या हैं? बोले खामोखा। आप सरकार हैं? नहीं। अदालत हैं? नहीं। सुप्रीम कोर्ट है? नहीं। हाई कोर्ट है? नहीं। क्या हैं? बोले हम खामोखा हैं। साइड होइए, आपके कहने से कैसे पूजा रुक जाएगी? अदालत के आदेश से जारी पूजा को कौन माई का लाल रोक सकता है? महादेव की उस पूजा अर्चना को कोई भाई कलाल रोक सकता है क्या? किसी की कृपा से पूजा हो रही है क्या ज्ञानवापी में कि कलकत्ता में कोई मौलाना आके खड़े हो जाएंगे, कैमरा देखेंगे और बोलना शुरू कर देंगे कि पूजा नहीं रोकी तो हम योगी आदित्यनाथ का घेराव करेंगे? अरे आपको समझ में आई? सो कीजिए, पूजा किसी की कृपा से चल रही है क्या मौलाना साहब जो रुक जाएगी? ये धमकियां क्यों आ रही हैं? इन धमकियों से ये चिंगारी का खेल बुरा होता है। इन धमकियों के पर प्रतिक्रिया आने लगेगी अगर उसी ढंग की, तो परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है हल्द्वानी से बरेली तक के इस घटनाक्रम पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराए, फिर बहस में चले। ये
अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। आखिर किसकी नजर लगी है देवभूमि उत्तराखंड के अमन चैन को? हिंसा, हुड़दंग और हंगामे के हालात से अब तक हलकान हुई है हल्द्वानी। दरअसल गुरुवार की शाम नगर निगम और प्रशासन की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक अवैध मदरसे और मस्जिद को हटाने पहुंची थी। बुलडोजर वाली कार्रवाई की इस कड़ी में हालात ऐसे बिगड़े कि बात बवाल, पथराव, आगजनी और गोलीबारी तक पहुंच गई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेकाबू भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ियां जला दी। पथराव में कई पुलिस कर्मियों को चोटें आई। पुलिस कर्मियों को छिपकर जान बचानी पड़ी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। बिगड़े हालात में सरकार को हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। वहीं एक्शन में आई धामी सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश तक जारी कर दिए। जवाबी कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन और पुलिस की टीमों ने इस एक्शन को करने की कोशिश करी, लेकिन जिस प्रकार का उपद्रवी तत्वों ने वहां रिएक्शन दिया, जिस प्रकार से पेट्रोल बम फेंके गए, बॉटल्स में डीजल भर के और आग लगाने की कोशिश करी गई सरकारी संपत्तियों को, जो व्हीकल हैं, जो पुलिस प्रशासन के वाहन थे, उनको नुकसान पहुँचाया गया, उनको आग लगाई गई, सारी के सारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीमों पर पथराव किया गया, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसके लिए कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी दिए गए हैं, प्रशासन की ओर से भी ये हम लोग कर रहे हैं। जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित करी गई है, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। एक एक को हम चिन्हीकरण करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उनको कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा। धारा 144 के आगोश में जनजीवन बंद है, अफवाहों के आतंक में इंटरनेट बंद है, सुरक्षा के लिहाज से स्कूल कॉलेज बंद हैं, पुलिस फोर्स और आला अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं। अब उपद्रवियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस मामले पर राजनीति के रंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। नहीं देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था, उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है, आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ, आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा, तो बड़े बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना उनके। चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहाँ उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ की सरकार करेगी। वहाँ हल्द्वानी में हालात बिगड़े हैं तो इधर यूपी के बरेली में जेल भरो आंदोलन की हुंकार भरी गई। मौलाना तौकीर रजा की तकरीर, ये आप भी सुनिए। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। बहरहाल उत्पात अराजकता के आलम में बदहवास हैं उत्तराखंड की वादियां और हलकान है हल्द्वानी। इन हालात में सवाल यही है कि आखिर हल्द्वानी का गुनहगार कौन? सवाल ये भी है, आखिर हल्द्वानी से लेकर बरेली तक चिंगारी के खेल की वजह क्या है? आप अतिक्रमण हटाओगे तो हम गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे,
हिंसा फैलाएंगे, वाहनों में आग लगा देंगे, पुलिस के लोगों को घायल कर देंगे। कोशिश तो प्राण लेने की होगी, ये उनका भाग्य है कि बच जाए तो घायल होकर बच जाए। आप बुलडोजर चलाओगे तो मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं, और तौकीर रजा कोई छोटे मोटे मौलाना नहीं है, आला हजरत दरगाह से जुड़े हुए हैं, आला हजरत के वंशावली से जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं हम जान से मार देंगे, गनीमत है। वो संपुट नहीं बोला, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वो जो रिदम में गाते हैं, नहीं। स्थितियां बरेली से हल्द्वानी, हल्द्वानी से बरेली तक तनाव के बीच में घूम रही हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें, मनोज पंडित भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, मनोज पंडित जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, राज शर्मा साहब का स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट ओलामा काउंसिल, मुफ्ती साहब का बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी प्रज्ञा भारती हिंदू धर्मगुरु, प्रज्ञा जी का बहुत बहुत स्वागत। मौलाना मुफ्ती साहब आपसे बात शुरू करूंगा, किसी कप्तान ने ये फैसला नहीं कर दिया कि भाई ये बिल्डिंग पसंद नहीं इसको गिरा दो, सरकार ने फैसला नहीं किया, हाई कोर्ट का फैसला, जनवरी में सुनवाई हुई, नोटिस गया, जो कानूनी प्रक्रिया है सब हुआ है, अचानक तो कोई गया नहीं था। वहां ऐसी स्थिति कर दी, लगा कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा हो, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, 100 से ज्यादा हल्द्वानी, और बरेली में मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं ये कर देंगे, हजारों लोगों को सड़क पर उतार रहे हैं। ये चिंगारी का खेल क्यों खेला जा रहा है मुफ्ती साहब? देखिए, हल्द्वानी के अंदर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है जी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, मगर मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2566 हेक्टेयर जमीन पर, वन भूमि पर और बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड पर भी उत्तराखंड में लोगों ने कब्जा किया है। उसको छुड़ाने के लिए सरकार ने क्या किया वो तो सरकार को व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है। मगर जब अवैध कब्जा हो रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे? अवैध कब्जा जिन लोगों ने होने दिया उसका जिम्मेदार कौन है? मस्जिद गिराई गई या मदार इलीगल था, लीगल था, इलीगल था, नोटिस हुआ। मैं कहता हूं कि सरकार को वहां के जिम्मेदारों से, धर्मगुरु से, मौलानाओं से बात करके इसकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अचानक पहुंच गए और नहीं, मुफ्ती साहब एक मिनट रुकूंगा। नहीं, ये दो इस बात से मैं थोड़ा बहुत अदब से नाइतफाकी रखूंगा। अब्बल तो ये दुरुस्त हो, अचानक नहीं पहुंचे मौलाना जानते थे, एक मिनट जाइए, जो भी उस मदरसे को चला रहे थे वो मैनेजर और मौलाना सब जानते थे। और दूसरी बात, जब हाई कोर्ट में मस्जिद की कमेटी और मदरसा की कमेटी गई, उनकी बात खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने कहा नहीं अतिक्रमण हटेगा फाइनल, तो उनको समझ नहीं आया था कि हटेगा, फिर भी मूछों में चमेली का तेल लगा घूम रहे थे, उन्हें कैसे देखेंगे कैसे हटाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारी तो तैयारी है, बोतल में डीजल भरेंगे, पेट्रोल भरेंगे और फेंकेंगे। नहीं, ठीक है, आप अपनी जगह सही हैं सर, आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं भी अपनी बात कह रहा हूं, मगर मेरा मानना था कि कम से वहां के जिम्मेदारों से बैठ करके बात करके रास्ता निकालना चाहिए था। मामला अदालत का था, अगर बिल्डोजर चल रहा तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आगे जाना चाहिए, और मगर इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर के खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, एक बात। दूसरी चीज क्या है कि सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर कब्जा है, क्या सरकार इतनी ईमानदारी से कब्जा छुड़वाएगी जितनी ईमानदारी से यहाँ पहुंच गई है? एक बात करके खत्म करता हूँ, तौकीर रजा का काम है भड़काना, मगर मैं समझता हूँ कि यूपी की सरकार कहां सोई है कि तौकीर रजा भड़का रहे और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो हल्द्वानी की जनता से और खास कर से मैं मुसलमानों से अपील करता हूं कि भड़को मत, मामला सब जुडिशियल, आपको लगता है कि हमारे घरों को या हमारी जमीन को, हमारी मस्जिद को, मजार को हटा दिया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, मगर कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और अपना नुकसान मत करिए। ठीक मुफ्ती साहब, हाई कोर्ट के आदेश पर मस्जिद हटाई गई, नमाज घर हटाया गया और वो मदरसा हटाया जा रहा था, ठीक, आपको एतराज है, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट से भी बात नहीं, आपका मन भरे इंटरनेशनल कोर्ट जाओ,
के पेट्रोल पंप फेंकोगे? ये नहीं चलेगा ना। 100 पुलिस वाले घायल हुए, 200 से ज्यादा वाहन फूंक दिए, सीरिया बनाना चाहते हैं अल्वानी को। हमको कोई चीज शासन की नापसंद होगी तो हम अदालत जाएंगे ना, कि हम अपनी छत पर खड़े होकर पेट्रोल पंप फेंकने लगेंगे? ये स्वीकार नहीं हो सकता ना। मैं साध्वी प्रज्ञा भारती के पास चलू, मैं इस टेंडेंसी के विरुद्ध हूं। मैं कलकत्ता से एक मौलाना को सुन रहा था, जमात इस्लामी के, वो भाषण झाड़े जा रहे थे, वो कह रहे थे ज्ञान वापी में पूजा तुरंत बंद कर दो। बोले क्यों? बोले नहीं बंद करोगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। अच्छा उतर के क्या कर लोगे फिर क्या करोगे? बोले योगी बंगाल आएंगे तो हम उनको काले झंडे दिखाएंगे। योगी जी आने पूजा कौन कैसे बंद हो जाएगी? प्रज्ञा जी, पूजा किसी की कृपा पर तो शुरू नहीं हुई, 31 साल बाद अदालत के आदेश से पूजा शुरू हुई है। कोई माई का लाल पूजा कैसे बंद करा देगा? बरेली में तकलीफ हो और चाहे कलकत्ता में तकलीफ हो, पूजा कैसे बंद हो जाएगी? देखिए अमिताभ जी, बात ऐसी है कि इनको एक प्रॉब्लम हो रही है और मुझे लगता है कि हमें इनसे सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि देश ने एक ऐतिहासिक पल को विटनेस किया है। राम मंदिर बना है सबकी आंखों के सामने। वो लोग जो विरोध करते थे, जिन लोगों ने ये कहा कि ये काला दिन होगा भारतीय इतिहास में, प्राण प्रतिष्ठा के दिन को, हमारी 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था उससे कनेक्टेड है। अब जब काशी और मथुरा की बात आती है तो देखिए अमिताभ जी, इनको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। इनको ये कहना चाहिए था कि हम बहुसंख्यकों के देश में रहते हैं और ये हम आपको सहर्ष सौंपते हैं, लेकिन सहर्ष सौंपना तो बहुत दूर की बात है। ये अनर्गल बयान दे रहे हैं, समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं, राष्ट्र के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत का युवा जाग रहा है, भारत की जनता जाग रही है। अभी देखिए ये जो हल्द्वानी में हमने घटना देखी है, ये हल्द्वानी की घटना क्या है? यूसीसी बिल पास हुआ अभी विधानसभा के अंदर, और उसका एक रिपरकशन इसे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं शायद इनको पूरी नॉलेज नहीं है। 30th की वीडियो जारी की है डीएम नैनीताल ने, वंदना जी ने, और उन्होंने दिखाया कि 30 तारीख को ड्रोन फुटेज है जिसके अंदर कोई भी पत्थर नहीं रखे हुए हैं छतों के ऊपर, लेकिन अचानक से छतों के ऊपर पत्थर आ जाते हैं। 30 तारीख को लीगल नोटिस दिया जाता है। सरकार इंक्रोचमेंट के एरिया पे ऐसे नहीं चले जाती और मन किया कि चलिए आज इसको हम उखाड़ देते, ऐसा नहीं होता मुफ्ती साहब। यहां पर प्रॉपर कार्यवाही होती है। 30 तारीख को लीगल नोटिस दिया गया था, लेकिन उनको पता था कि पुलिस आएगी और ये जो इंक्रोचमेंट की जमीन है इसको, इस पे बुलडोजर चलाया जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, महिलाओं का सहारा लिया। अमिताभ जी आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर, आप भी दिखा रहे टीवी 9 के माध्यम से, बार बार महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को आगे कर दिया उनको ढाल बनाकर। क्या ये ठीक किया इन लोगों ने? क्या ये देश का माहौल खराब करने की चेष्टा नहीं हो रही है? लेकिन फिर भी अभी भी हमारी इनसे अपील है कि आप लोग मुफ्ती हैं, मौलाना है, आपके शोल्डर्स पर एक ओनर से एक जिम्मेवारी हमारे कंधों पर, इसलिए ऐसे अनर्गल बयान ना दीजिए जिससे समाज के अंदर कट्टरता फैलेगी। फिर मत कहिएगा हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्योंकि शुरुआत आपने की है। जी बिल्कुल ठीक बात है प्रज्ञा जी। एक पहले राज भाई जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नारा चलता था, पुराने आदमी है राज शर्मा जी, एक पार्टी की सरकार होती तो नारा चलता था कि खुली दुकान तुम्हारी, बंद दुकान हमारी, और जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। ऐसा नारा तो अब नहीं चल सकता भाई। सरकारी जमीन पर आप बनाते क्यों है मदरसा? और कोर्ट, आपको कोर्ट में आपका केस निरस्त हो जाए, प्रशासन नोटिस देके सुनवाई करके, इसमें पब्लिक हियरिंग हुई फिर नोटिस हुआ तब हटाने गए, तो आप पेट्रोल पंप फेंकोगे? खैर राज भाई, पॉलिटिकली आपके लिए मौसम खराब है, कांग्रेस के लिए झटके पे झटके आ रहे हैं, कहीं जोर का झटका धीरे से, कहीं धीरे छोटा सा झटका जोर से, इसी स्थिति। लेकिन फिर भी एक बड़ा संदर्भ ये खड़ा होता है कि कल भारत की संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर निर्माण, राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण और रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है, लोकसभा में भी राज्यसभा में। हम बाकी तो बात आपसे करेंगे, अभी दिमाग में अचानक आ गया, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भारत की सबसे बुजुर्ग पार्टी का रुख क्या रहेगा,
देखिए अभी आपने जब मेरे से इस बात में पूछ रहे हो तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी ना तो मेरे से किसी की बात हुई है जिनसे मेरी बात संपर्क हो पाते जी। और अगर मिलेगा तो बता देता। आज अभी तक तो कोई ऐसी मेरे पास कोई खबर नहीं क्या रहेगा, लेकिन सकारात्मक रहेगा कि क्यों राम, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, कोई राम कोई किसी किसी फिर आप कह दूंगा आपके पात्र नानकू के नहीं है, खाली राम मेरे भी हैं आपके भी हैं सबके हैं, और कोई भी यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा, और जो राम के नाम पे विरोध करे मुझे लगता है कि वो बेकार की बात है। मैं नहीं मानता, सारी पार्टियों का सकारात्मक रहना चाहिए। राम का मंदिर बन गया है, अब वो बन गया है, वहां पे जाइए पूजा पाठ करिए, जिसका मन नहीं है मत जाइए, लेकिन आपको बुरा बुरा देख लो, बुरा कहना नहीं, आपको बुरा लग रहा है तो नहीं, नहीं, सरकार सरकार सुपर डीलक्स बस में फ्री ले जा रही है 11 तारीख को सारे विधायकों को। हाँ। वो ठीक है, सरकार का है, सरकार ले जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, ले जाए सबको ले जाए वो बस, मगर सरकार जब सरकार का एक दायित्व तो बढ़ता है कि किसी को प्रोवोक ना करे, ठीक है जा रही है। मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी का कोई इसमें नकारात्मक रोल रहेगा, सकारात्मक चीज है, सकारात्मक सोचते हैं हमारे वरिष्ठ नेता, सुलझे हुए नेता है, उसमें कोई दिक्कत टेंशन नहीं है। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो हो रहा है बस अच्छा, और सब राम का मंदिर बनने से सब बिल्कुल 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 सब खुश हैं। राज शर्मा जी, ये जो हल्द्वानी से लेके बरेली तक एक डिजाइन दिख रही है जिसके छींटे कलकत्ता तक जा रहे हैं, क्या कि ज्ञान बापी में पूजा बंद करो नहीं तो हम सड़क पे उतरेंगे, तौकीर रजा से लेके कलकत्ता वाले मौलाना तक कह रहे, भाई ज्ञान बापी में पूजा उनके कहने से शुरू हुई है, उनकी कृपा से। ये कौन लोग हैं जो उत्पात फैलाना चाहते हैं देश में? ज्ञान बापी में पूजा कौन माइकलाल बंद करा देगा? रूल ऑफ लॉ है, कम संविधान का शासन है, कानून का शासन है भाई साहब, जमायत इस्लामी का शासन है क्या राज शर्मा जी? नहीं, कोई नहीं करा सकता, कोई भी ज्ञान बाकी हो या राम मंदिर में हो, कोई पूजा कराने का किसी को बंद कराने का अधिकार नहीं है। अभी आप ही कह रहे थे, मैं आपके संबोधन में सुन रहा था, ना जाने बरेली को हल्द्वानी को किसकी नजर लग गई, सवाल यहां किसकी नजर नहीं, किसने नजर लगा दी ये देखने का काम सरकार को। मैं नहीं कहता कि वहां पे एनक्रोचमेंट था, अगर वहां हाईकोर्ट के थे वो हटना चाहिए था, लेकिन प्रशासन का काम होता है, प्रशासन एक नजर से सबको देखे। और जैसे कि अभी मौलवी साहब कह रहे थे, उनकी एक बात से मैं इत्तेफाक जरूर रखूंगा कि वहां के मौजूद लोगों को फेथ में ले लेते, जो अच्छे अफसर होते हैं। मैं बरेली को बहुत अच्छी तरह जानता हूं भाई, मतलब बरेली की जड़ पे घुसा हुआ व्यक्ति हूं मैं, बरेली की जो कोतवाली है जहां आला हजरत आता है वहां पे अगर इंस्पेक्टर भेजा जाता है तो मैंने देखा इंस्पेक्टर बार बार एक दो इंस्पेक्टर ऐसे रिपीट करते थे, क्योंकि वो सबसे संबंध बनाते थे और कोई भी हंगामा होने नहीं देते थे, क्योंकि कहते हैं आंखों की शर्म होती है, वो सबको आला हजरत के जितने उन्हें पता था कौन खुरापात कर सकता है कौन नहीं करता था, उसी को वो कत्ते में हाथ डाल के चलते थे। मगर ये काम हल्द्वानी में नहीं हुआ, हल्द्वानी में ये काम अगर होता और प्रशासनक अगर जरसा मुस्तैदी से काम करता ये नहीं होता, कोई भी एनक्रोचमेंट हटाने का विरोध नहीं कर रहा। मैं मनोज पंडित जी के पास चलू, उससे पहले एक बात कहूं, जो बात हमारे दोस्त मुफ्ती साहब ने भी कही और जिसको जिसको डिटो किए कर रहे हैं राज बाबू, मैं इस थ्योरी के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ। एक बात कह के मनोज पंडित के पास जाऊंगा, वो उत्तर देंगे कि धामी की सरकार ने क्या किया और तौकीर रजा पर योगी की सरकार क्या करेगी। मुफ्ती साहब, एक चोर पकड़ा गया, क्या उसका पर्चा कट गया, वो थानेदार से बहस कर रहा है बीड़ी मुंह में लगा के, कह रहा पूरे हिंदुस्तान भर के चोर पहले पकड़ के लाओ, एक नजर से सबको देखो तब हमारा पर्चा काटो, तो उसके कान के नीचे दो मारना चाहिए तत्काल के नहीं, बाकी पकड़ेंगे लेकिन तुमको कैसे छोड़ देंगे। जिसका अतिक्रमण कोर्ट ने कहा हटाओ उसका तो पहले हटाए, फिर हम ये कहेंगे भी पूरे उत्तराखंड का पैमाइश करो तब हमारा गिराना, फिर कोई आगे आ जाएगा वो कहेगा पूरे भारत का पैमाइश करो, और उससे भी आगे का आदमी आ गया वो कहेगा पूरे विश्व की पैमाइश करो, इसका कोई अंत नहीं है। आपकी इमारत अवैध पाई गई अदालत में, बात खत्म हो गई, हटेगी, सुनवाई हुई, आप शामिल हुए, नोटिस हुआ, आप शामिल हुए, आज आपको एतराज हो रहा है क्यों? और मैं उस किस्से मैंने जाना चाहता, मनोज पंडित जी एक मिनट लूंगा, मुफ्ती साहब तो बहुत आलिम है, सब चीजों को जानते हैं, फिर भी एक किस्सा सुना दूं। औरंगजेब के समय में मुफ्ती साहब, औरंगजेब गया एक बार जामा मस्जिद, तो उसी के आसपास कहीं एक कोई सज्जन बैठे थे चादर बिछा के, और
कह रहे थे कि ये मजार है यहाँ फकीर घोड़े शाह की क्या, और वहां भीड़ लग रही थी, लोग अपना दान दक्षिणा भी चढ़ा रहे थे। औरंगजेब ने कहा ये फकीर कौन है, मैंने तो सुना नहीं। मुफ्ती साहब उन्होंने कहा कि भाई इसकी तफ्तीश कराओ क्या, उनको पकड़वाया और उसका वो करवाया उत्खनन, तो पता लगा घोड़ा दफन था वहां, उन्होंने उसी को मजार में कन्वर्ट कर दिया। माल आने दो, फकीर घोड़े शाह की दरगाह क्या। औरंगजेब ने उनके कान के नीचे दो लगाए, बोले बवाल बंद करो, हटाओ इनको, कब्जा नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई, फकीर घोड़े शाह कहीं बना दोगे, ये ठीक नहीं भाई ना। मैं तो कह रहा हिंदू मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, सरकारी संपत्ति पर मंदिर क्यों बनेगा और मस्जिद क्यों बनेगी। खैर मनोज पंडित जी, हल्द्वानी से बरेली तक दोनों जगह आपका शासन है और दोनों जगह मैं हलचल देख रहा हूं, स्थितियां सांप्रदायिक तनाव की ओर जा रही हैं। मैं सीधी सपाट बात कर रहा हूं, आज जो तौकीर राजा ने सड़क पर जो ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, ये अच्छा लक्षण नहीं है ना अमिताभ जी। आप देखिए कि ऐसी ही घटना नूह में हुई थी जी, नूह की घटना हमारे सामने, वो भी उसी मतलब सेम ऐसी घटना थी जो हरियाणा में हुई, और उस घटना के बाद क्या हुआ कि वहां पर जो कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई की गई, चाहे वो वहां के कांग्रेस के विधायक हों, चाहे वहां के निगम पार्षद हों, चाहे वो बिल्डिंग्स हों जिन बिल्डिंग्स के ऊपर पत्थर रखे गए थे, पेट्रोल बम रखे गए थे, और आप देखिए कि वहां पर भी थाने और सारी चीजें जलाई गई थी, वहां पर वो रिकॉर्ड जो साइबर थाना था वहां का पूरा थाना फूंक दिया गया था। तो मेरा मानना है कि ये लोग ये क्या दिखाना चाहते हैं देश को कि ये कानून से ऊपर हैं, ये किसी अदालत के किसी फैसले को नहीं मानेंगे, ये जहां जो चाहेंगे करेंगे, तो ये चीज अब चलने वाली नहीं है। अब देश चलेगा संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में और कानून के तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिदें हटाई या मंदिर क्यों नहीं हटाए, सारी चीजें चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, ये सारी चीजों पे कार्रवाई की जाएगी। पर लेकिन आप ये कह के छूट नहीं सकते कि नहीं मेरे पड़ोसी ने कब्जा किया है तो मैं भी कर रहा हूं, पहले उसको हटाओ फिर मेरे को हटाना, ये कोई तरीका थोड़ी है। मौलाना साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मौलाना साहब ऐसी बातें करेंगे तो ये बात गले उतरने वाली नहीं है। मौलाना साहब आप नजीर पेश करेंगे, आप जिस मंच पे बैठे हैं यहाँ पर हम और आप जो बातें कर रहे हैं वो देश की जनता सुन रही है, उस बात को हमारी बात और आपकी बातों का असर होता है लोगों पे, तो हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि लोग माने उन बातों को। ये प्रदर्शन करना आइए, आप देखिए 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, महिलाएं घायल हुई, चीजें हुई, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और जब आप इस देश में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस कानून और संविधान का पालन आप भी करें। अच्छा मुफ्ती साहब, एक मेरे मन में अचानक से उल्टा पुल्टा ख्याल आ गया है, मौसम ऐसा है हर कोई सड़क पर उतर रहा है। चलिए चलिए, मान लो तौकीर राजा से लेकर कलकत्ता वाले तक मौलाना कह रहे कि ज्ञान बापी पूजा बंद नहीं कराओगे तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, उतर के क्या करेंगे ये भी क्लियर नहीं, लेकिन उतरेंगे। तौकीर राजा मेरे परिचित हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि भैया ये योगी जी का शासन है, ठंडा भी है, हवा में पछुआ हवा है, ठंडी है, इसमें हड्डियां बड़ी दर्द करती मौलाना मुफ्ती साहब, नहीं ये मौसम अभी ठीक नहीं है। खैर मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कल को 10,000 आदमी, हाइपोथेटिकल है मुफ्ती साहब, मैं चाहता नहीं हूं लेकिन कल बात कह रहा हूं, 10,000 आदमी मथुरा में सड़क पर उतर आए कि ईदगाह में आना जाना बंद करो, काम काज बंद करो, सब कमेटी के दफ्तर में ताला लगाओ, क्या मंदिर में मिलाओ इसको भी क्या, नहीं तो हम सड़क पर उपद्रव करेंगे, तो क्या स्थिति बनेगी मुफ्ती साहब? नहीं, ज्ञान बापी में पूजा बंद करो नहीं तो हम कलकत्ता में बवाल करेंगे। बताइए ज्ञान बापी और कलकत्ता में कितनी दूरी है क्या? मान ली 10,000 आदमी मथुरा में बेड़मी पूरी और जलेबी का नाश्ता करने के बाद सड़क पर उतर जाए और कहा ईदगाह बंद करो, तो क्या होगा मुफ्ती साहब?
देखिए सुनिए, एक बहुत मशहूर कहावत है जी कि बासी कड़ी में उबाल नहीं होता। अगर कड़ी बासी हो जाए तो उसके अंदर उबाल नहीं होता। इनारा सैयद शहाबुद्दीन ने भी दिया था, चलो बाबरी मस्जिद बचाए, क्या बचा पाए क्या? बाबरी मस्जिद गिरती रही और कहते नहीं कारवां गुजर गया और गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो मैं कहता हूं कि तौकीर रजा हो या कलकत्ता के जो कोई मौलाना हो, सो काल मौलाना, आजकल मौलानाओं की भी दुकान बहुत सारी बंद हो गई है, कुछ तो अपनों ने बंद कर दिया, कुछ शायद योगी ने बंद कर दिया, एक अलग बात है। मगर मैं कहता हूं, ईमानदारी से मैं कहता हूं, और इसको आप गंभीरता से लीजिए मेरी बात को, बीजेपी भी गंभीरता से ले, और आप एक बहुत बुद्धिजीवी भी हैं और जहीन पत्रकार हैं। देखिए दो बातें, मैं एक पीएचडी किया हुआ फॉरेन में मैं पढ़ा हूं और मैं देश को बहुत करीब से समझता हूं, देश की संस्कृति को। बीजेपी की नजर में मुसलमान विलन है और मुसलमानों की नजर में बीजेपी विलन है। अगर ये दोनों ऐसे चलेंगे तो देश का बहुत नुकसान होने वाला है। बीजेपी को भी चाहिए कि सो कॉल्ड मौलानाओं को निकाल करके डायरेक्ट बात करे, और मुसलमानों के बुद्धिजीवियों के भी चाहिए कि बीजेपी के विलन बना करके नहीं, बल्कि शासक के तौर पर हम प्रजा राजा की हम बात करके समस्या का समाधान निकाले। अब ईमानदारी से मैं बीजेपी को एक सलाह दूंगा कि एक व्हाइट पेपर आप जारी करें कि कितना इलीगल इंक्रोचमेंट को आपने बर्खास्त किया है इसी देश के अंदर। आप रोड पे चले जाइए, सैकड़ों जैसे आपने फर्जी मजार बताए, बहुत सारे मन्नत पूरी कराने के लिए फर्जी मजार है और आलीशान कोठियां मुजावरों ने बना लिया। हम तो हमको तो मैसर नहीं, मिट्टी का दिया भी घर पीर के बिजली के चिरागों से है रोशन, तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमें मालूम है। मगर मैं कहता हूं कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं उनको बर्खास्त करो, मगर बर्खास्त नहीं कर पाए। एएसआई की रिपोर्ट है कि भाग्या लक्ष्मी मंदिर जो चार मीनार के पास इल्लीगल है, उसी में जाकर के अमित शाह पूजा किए, उसी के अंदर जाकर के योगी पूजा किए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा इल्लीगल है, तो क्या उसको हटाएंगे? तो मैं कहता हूं ये बात समन्वय की है, बातचीत करके कोई रास्ता निकालिए, देश को बारूद के ढेर पर मत खड़ा करिए। देश में अगर हिंदू का नुकसान या मुसलमान का नुकसान होता है तो वर्ग का नुकसान नहीं, देश का नुकसान होता है, जिसे हमें बचने की जरूरत है। बिल्कुल मौलाना साहब, पहले एक मिनट मनोज भाई आ रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा जी, मेरा प्रश्न वही जी, काशी में मथुरा में आपने कहा ज्ञान वापी में पूजा बंद नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतर आएंगे, और मौलाना कलकत्ता के मौलाना जमायत उलेमा इस्लामी के जो है उन्होंने ये एक कॉल दी कि बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करो जहां मिले, क्यों? क्योंकि ज्ञान वापी में पूजा हो रहा है, अरे बीजेपी ने पूजा कराई, जो घेराव उनका करोगे? खैर मैं ये कह रहा हूं, कल को मस्जिदों में नमाज बंद करो इसको लेके लोग सड़कों पर उतरने लगे तो ये तो सीधी लड़ाई की स्थिति बन जाएगी देश में, नहीं? बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, ये बात ना इन्हें समझनी होगी कि जो भी ये बयान देंगे इनको जिम्मेवारी के साथ देना होगा, नहीं तो इनको उसके रिएक्शंस और एक्शंस भुगतने के लिए तैयार होना होगा। अगर इस तरीके के ये प्रोवोकेटिव बयान देंगे जिससे युवाओं को प्रोवोक किया जा सकता है या फिर देश की जनता को प्रोवोक किया जा सकता है, तो इनको समझना होगा कि ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है, यहाँ पर इस तरीके की बयानबाजी नहीं चलेगी। अगर आप ये कहते हैं, आप देखिए ज्ञानवापी की बात हैं, हमें पता है वहां हमारे प्रभु शिव है, बाबा विश्वेश्वर का मंदिर है, वहां पे महादेव है, इन्होंने फव्वारा कहा, हमारी आस्था का अपमान किया, लेकिन हमने क्या किया अमिताभ जी, कोर्ट ऑफ लॉ को अपनाया। हम भी तो राइट्स कर सकते थे, हम भी तो ऐसे आह्वान कर सकते थे सनातनियों से कि आप सड़कों पे आए, क्या हमने किया? नहीं किया हमने ऐसा, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम हर सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का आप आह्वान करेंगे, आपको अपील करनी चाहिए देश से कि शांति का वातावरण बना के रखें, ना कि आप ये आह्वान करें कि अगर ऐसा हो गया तो हम जान से मार देंगे, सरतन से जुदा। आप बताइए ना, हमारी सहिष्णुता की कॉस्ट है जो हम दे रहे हैं अमिताभ जी, कब तक देंगे? अब हिंदू जो है वो समझदार है, वो जागरूक हो रहा है, ये और नहीं चलेगा। और अगर ये ऐसी बात करते हैं कि ज्ञान वापी में पूजा रोक देंगे, तो पूजा किसी सरकार ने थोड़ी स्टार्ट करवाई है? 93 से पहले तक भी तो वहां पूजा होती थी ना, तो जिस तरीके से बंद हुई थी उसी तरीके से अब शुरू हो गई है, और एक प्रॉपर संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर आप
देखिए, आपने ज्ञान वापी की बात करी, पूजा की बात करी, अब ये जो विधानसभा में यूसीसी का लॉ पारित हुआ है, ये भी तो अब एक प्रॉपर एक तरीके से संवैधानिक तरीके से पारित हुआ है ना। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इनको क्या प्रॉब्लम है? तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये लोग वो देते हैं, हवाला देते हैं, तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी नहीं मानना चाहिए ना इनको। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अमिताभ जी, ये डबल स्टैंडर्ड दिखाता है, ये एक हिपोक्रेसी का नेचर है जिससे इन्हें बाहर आना होगा। और एक बात और, कांग्रेस के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कार्ति चिदम्बरम की कल एक स्टेटमेंट आई है, अमिताभ जी आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इज टेस्ट लैब ऑन हिंदुत्व ईरान। अब आप बताइए, ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो हिंदुत्व को किससे कंपेयर करती है? अरे वो सब मानसिक संतुलन का मामला स्टेटमेंट है अमिताभ जी, कल की स्टेटमेंट है, इस पर क्या कहेंगे आप मुझे बताइए? यूसीसी पूछ लूंगा राज भाई से, हालांकि राज भाई तो सुलझे हुए आदमी है, लेकिन अब उनका कंट्रोल नहीं ना सब पर, नहीं तो राहुल गांधी के कंट्रोल नहीं ना सब पर कंट्रोल होगा। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी फ्री हो गए हैं, ब्रेक फेल है और गाड़ी ढलान पे है, कहां जाके रुकेगी भगवान अल्लाह जाने। कांग्रेस और सपा ब्रेक फेल है, गाड़ी ढलान पे है, सब सबको चपत मार रहे हैं, उसी कुएं से पानी पी रहे जिसमें भांग पड़ी है। खैर, मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात को सब लोग तस्दीक करेंगे, यहां ना करें तो मन में करेंगे। 31-32 साल पहले राज भाई, एक टेलीफोन आया लखनऊ से, बोले ज्ञान बापी में पूजा बंद कर दो, हिंदुओं की एंट्री बंद कर दो, लोहे का बैरिकेड लगा दो। लिखत पढ़त में कुछ नहीं आया, लगा दिया। मान लीजिए बनारस में उसी उसके अगले दिन 10,000 आदमी सड़क पर उतर जाते और भिड़ जाते और बैरिकेड गिरा देते और पूजा शुरू कर देते तो क्या होता? क्या 10,000 आदमी को गोली मार देंगे? नहीं ना, ऐसा तो देश जनरल डायर की भी औकात नहीं थी, फिर क्या होता? लेकिन ऐसा नहीं किया भारत के बहुसंख्यक समाज ने, वो अदालत गए, मुकदमा दायर करके आए और 33 साल मुकदमा लड़ा। आज कलकत्ता वाले कह रहे कि ज्ञान बापी पूजा बंद कराओ और नहीं तो बीजेपी वालों घेराव करो। राज शर्मा जी, ये क्या, ये तो फिर वातावरण विषाक्त हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं कुछ कर रहा, ये सब बातें हैं, हवा की बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, किसका फोन आया, किसका था, ये कोई नहीं है। जी, हर चीज होनी चाहिए रिटर्न पे होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो ना जाने, मैंने पहली बार देखा है, मैं साध्वी जी से भी एक बात कहूं, मुझे इनकी एक बात पे आपत्ति है कि इन्होंने कहा अब हिंदू बदल चुका है। मैं सन 2014 में पैदा नहीं हुआ, मैं मेरी एक उम्र है, मैं तब से बदला हुआ था, मैं सन 2014 के बाद नहीं बदला हूं। हिंदू बदला हुआ नहीं है, हिंदू जैसा था वैसा है, अब नहीं बदला कि हिंदू बदला। और मुझे एक भी समझ आती कि आखिर कौन किसका विरोध कर, राम मंदिर का या ज्ञान वापी का, कौन विरोध कर रहा है? कोई नहीं विरोध कर रहा है। और दो चार अभी मौलवी साहब कह रहे थे, अरे ये हजारों लोग सड़क पर, ये बरेली में डिस्को कर रहे हैं, बंद कर दो जी, अरे बंद कर दो। और मैंने वो भी देखा है, या आज से 15 साल पहले, या डीआईजी का नाम भूल रहा हूं बरेली में, उन्होंने तौकीर साहब को बुलाया कोतवाली में, कहा या तो कल कुछ करना मत या मैं आपको जेल डाल दूंगा। यह कोतवाली की बात है, 42 गाड़ियां तब थी, कहा इसमें बैठा के ले जाएंगे। ठीक, देखिए प्रशासन पे ताकत होती है। ठीक है राज भाई, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात हल्ला करने दे रहे, ठीक राज भाई, एक मिनट, मैं तो बड़े धर्म संकट, मनोज बाबू आरोप बड़े धर्म संकट फंस गया, तो कि रजा मेरे परिचित, राज शर्मा जी भी मेरे परिचित, अब ये ऐसे ये लोग भड़का देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, 370 हटा के दिखाओ माँ का दूध पिया है तो हो गया काम, अयोध्या मंदिर बना के दिखाओ माँ का दूध पिया, बन गया मंदिर, अब ये कह रहे कि सजा दे के दिखाओ, काहे को ठंड में तो की रजा के लिए मुसीबत पैदा करोगे भाई? देख तो चुके आप क्या क्या हो सकता है, अब भी कोई नजीर बाकी है समझने के लिए? तो की रजा सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, भाई राज शर्मा हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं टीवी बैठ के, योगी जी सुन लेंगे, पता लगा क्या से क्या स्थिति हो जाए, मुफ्ती साहब नहीं, मेरी चिंता ठंडा भी ज्यादा है, इसलिए रुक जाओ। ये अभी की कह रहे, हम कह रहे ठंड ज्यादा है, अभी हाथ पैर ज्यादा दर्द करेंगे। पंडित जी मैं अच्छा जानता हूँ, मनोज जी
ठीक ठीक मनोज पंडित जी, मनोज पंडित जी, मसला वही मैं कह रहा हूँ। हर क्रिया की एक मिनट रुकिए राज भाई, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है क्या? चरण सिंह जी को, जैसे चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, उसके 5 मिनट क्रिया हुई, 5 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया हुई, जयंत ने कहा अब किस मुंह से मना करूं, दिल जीत लिया मेरे आका। नहीं तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है क्या? और अब तो डोला रे डोला सिंड्रोम हो रहा है देश में। नीतीश बाबू डोल चुके, जयंत डोल चुके, उद्धव आधा डोल चुके, आधा डोलने वाले हैं, सुखबीर बादल 75% डोल चुके हैं, कल तक पूरा डोल लेंगे, और राज भाई कह रहे कुछ नहीं बदला। बताओ, अच्छे अच्छे बदल रहे हैं और राज बाबू कह रहे कुछ बदल नहीं रहा है। मनोज पंडित, राज भाई की मजबूरी है, मैं राज भाई जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैठ के, इन्हें बोलना ही उसके पक्ष में है, और कोई विकल्प है नहीं। और रही बात दूसरी बात, सुनो तो सही। अरे भाई आप ज्ञानी पुरुष है, आप मेरी बात तो सुने। आप, मैं बताऊं कि देखिए बहुत कुछ बदला इन 10 सालों में, देश बदल गया। आप कहाँ, आप तो कहाँ रह रहे हैं, आप देखिए तो सही, कहाँ बदल गया देश, कहाँ बदल गया देश। नहीं, अरे बताओ, कहाँ नहीं बदला, आप मुझे बताइए क्या बदला, कैसे बदलेगा? अच्छा, बदलने की परिभाषा क्या है आप मुझे बताइए, बदलने की डेफिनेशन बताइए, क्या डेफिनेशन है बदलने की, कैसे बदलेगा? जो बोला है वो करके दिखाया है राज भाई, गाली देता है, जो बोला है वो करके दिखाया है। ये दम भारतीय जनता पार्टी में है, इसके अलावा कहीं नहीं। आप ये देखिए, आप नहीं देते किस, अच्छा आप बताइए, आप लोग किस पे बात करते हैं आज? रोजगार बताइए आप, क्या दिया आपने रोजगार? नहीं नहीं, अरे आप बताइए क्या बात, कैसे आप? अच्छा, ये जो बरेली मोहरा, इससे रोजगार मिलेगा? और जो हल्द्वानी मोहरा, इससे रोजगार मिलेगा? ये फैक्ट्री लगाने का काम चल रहा है क्या? किसने बना किया आपको? हर चीज में बात करेंगे हम लोग, पर लेकिन आप सच्चाई को, आप बिल्ली कबूतर वाली मत करो पंडित जी। बिल्ली ने आग बंद कर दी, धर्म पे जीत रहे हो, आग बंद कर दी तो बिल्ली गायब हो गई, गायब नहीं हुई बिल्ली, वही थी। बिल्ली कबूतर, आपको पूछने वाला कोई नहीं। ऐसा कोई प्रावधान ना लो जो जनता के सामने दिखे ही ना। बिल्ली कबूतर वाली बात कर रहे हैं आप, क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया है, आप बताइए। 370 लेके देख लीजिए, राम मंदिर लेके देख लीजिए, ट्रिपल तलाक को लेके देख लीजिए, सारे किसी भी मुद्दे पे बात कीजिए, हर मुद्दे पे बात करने को तैयार है। पर लेकिन आपको 130 साल पुरानी पार्टी को सोचना पड़ेगा। एक मिनट, दोनों लोग रुकिए भाई, दोनों लोग रुकिए, दोनों क्या बात? राज भाई ने कहा के धर्म पर लोग जुड़ रहे हैं राजनीति में, उनकी इस बात से एक मिनट को, भाई अच्छी बात बोल रहा हूँ ना, इत्तफाकी। आज मेरा मेरी भाव मुद्रा कतई टकराव की नहीं है, आनंद की है, और दुखी हूं घटनाओं से। मैं ये नहीं समझ पा रहा, चंद्रबाबू नायडू 360 डिग्री घूमे, धर्म का विषय नहीं है, शरणागत हो गए आके भाजपा के, ठीक। उद्धव आधा घूम चुके हैं, आधा बाकी है, धर्म तो नहीं है वहां। नीतीश बाबू धर्म से तो नहीं आए, वो पुजारी तो है नहीं किसी मंदिर में क्या? अच्छे अच्छे घूम रहे हैं, और जो पूरा नहीं घूम रहा वो घूमने की तैयारी में है भैया। अभी तो वैलेंटाइन डे दूर है और राजनीतिक वैलेंटाइन चालू है, ये तो देखो। ऐसा सियासी वैलेंटाइन कभी भारत ने नहीं देखा। नरसिंह राव जी का लड़का मुफ्ती साहब, क्या बेटा, पानी पी के कांग्रेस को कोस रहे, करे भाजपा जिंदाबाद। मोदी जैसा आदमी नहीं देखा, जो हमारे पिता की कांग्रेस ने कतई नाकदरी की, ये तो मोदी हैं जिन्होंने आज उनको भारत रत्न दे दिया। और ये राज शर्मा करे भारत बदला नहीं, बताइए और कितना बदलेगा? क्या छत से कूद जाए आदमी? मुफ्ती साहब, अमिताभ जी राज शर्मा जी की मजबूरी है, राज शर्मा जिस पक्ष को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं वो बोलेंगे, नहीं तो ये। अरे मुफ्ती साहब, एक मिनट को, मुफ्ती साहब ये राज, ये देश बदला नहीं है क्या? और कितना बदलेगा? नहीं नहीं सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए जी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी चले,
अब नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट तक चल रहे, मगर उनके चलने के बाद भी कांग्रेस चल नहीं पा रही है, ये तो कांग्रेस की दुविधा है एक बात। दूसरी बात क्या है, ममता की भी कब ममता बरसा दे मोदी जी पर ये नहीं कह सकते, मगर डोला रे डोला, पूरा अगर और डोलाना है तो मैं कहता हूं कि बाला साहब ठाकुरे को भी मोदी जी अगर भारत रत्न दे दे तो पूरी तरह उद्धव जी भी चले जाएंगे। सुनिए सुनिए एक बात है, दूसरी बात क्या है कि अखिलेश भी कब पाला बदल रहे पता नहीं। और अभी आप देखिए साउथ के अंदर क्या हुआ, साउथ में नायडू और जगनमोहन रेड्डी दोनों बीजेपी पर सवारी करने के लिए तैयार है। अब बीजेपी देख रही कि हमारा फायदा नायडू के साथ है या जगन के साथ है। नायडू तो बैगन के थाली थाली के बैगन है, हमारे पास जो हैदराबाद का एक कहावत है थाली का बैगन है, कभी इधर कभी उधर। मगर बात तो सीधी है कि मोदी ने पूरी तरह से कांग्रेस से लेके अपोजिशन को हिंदुत्व के पीठ पर ला करके बैकफुट पे डाल दिया है, खेल भी नहीं पा रहे और खेल बिगाड़ भी नहीं पा रहे। एक तरफ रेवंत रेड्डी हमारे सीएम कह रहे कि मैं जाकर के यहाँ अयोध्या में राम मंदिर में पूजा करूंगा, राहुल गांधी भाग रहे। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की नीति से चोर को चोरी करने के लिए बोल रही है और बादशाह को खुश रखने के लिए ये पॉलिसी है, यही पॉलिसी कांग्रेस ठीक, को ठीक तबाह कर रही है। मैं साध्वी साध्वी प्रज्ञा भारती के पास चलूंगा। प्रज्ञा जी एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, कहा भी ना जाए सहा भी ना जाए। क्या कांग्रेस उस स्थिति में आ गई कि क्या कहे और क्या सहे? देखिए अमिताभ जी भाई, नरसिंह राव का परिवार भाजपा ही हो गया, वो कह रहा है कि मोदी से अच्छा नेता कौन हो सकता है, जिस पार्टी के लिए हमारे पिता ने प्राण दे दिए, पूरा जीवन दे दिया, भारतीय प्रधानमंत्री रहे, उसके शव को गांधी परिवार ने पार्टी के दफ्तर में नहीं अंदर जाने दिया। जी बिल्कुल अमिताभ जी, ये जो आपने बोला है बहुत ही सटीक बोला है, क्योंकि अभी आप देखिए कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट से गुजर रहे हैं। ये लोग कभी सनातन पर अटैक करते हैं, आप इनका इतिहास देखिए, अभी कुछ समय की मैं बात करती हूँ, देखिए कांग्रेस तो सनातन विरोधी सरकार है ना, और अभी देखिए सनातन पर अटैक करते हैं, कभी कोविड बोलते हैं, कभी मलेरिया, कभी डेंगू से कंपेयर करते हैं, यहाँ तक कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी कि अगर 2024 में मोदी जी आ गए तो सनातन की पुनर्स्थापना हो जाएगी। आप देखिए इसका मतलब दे आर वेरी क्लियर दैट दे आर नॉट विथ सनातन धर्म। उनकी ही पार्टी के लोग कहते हैं कि इनको भगवे से प्रॉब्लम है, इनको तिलक से प्रॉब्लम है, यानी सब कुछ क्लियर है, पूरे भारत को इनकी स्थिति क्लियर है। अब बात आती है कि ये जो भारत रत्न की है, अब इनकी ही पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमें भाजपा ने ये जो आदर सम्मान दिया है ये हमारी ही पार्टी ने हमें कभी नहीं दिया। तो अब आप बताइए इनके पास क्या बच गया है, क्या रह गया है? राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर पीड़ा होती है मन के अंदर, है ना, अगर आपको भारत से आपत्ति है, भारत से प्रॉब्लम है, भारतवासियों से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर बैठ के डिस्कस कीजिए ना। आप विदेशी भूमि पर जाकर अपने देश की मिट्टी का अपमान करते हैं और आपको लगता है कि आपके आपका सम्मान होगा तो आपकी ये गलत फहमी है। भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब प्लीज, मुझे एक बार अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बोला है, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया है, जिन्होंने आमंत्रण और निमंत्रण पर पॉलिटिक्स खेली। और इतना ही नहीं अमिताभ जी, 2014 से पहले ये लोग ना कभी रुद्राक्ष पहनते थे ना जनेऊ पहनते थे, चाहे दिखावे के लिए ही, चाहे चुनावी यंत्र के लिए ही, लेकिन इन्होंने भी 2014 के बाद ठीक कर दिया। प्रज्ञा स्वामी का भाई ठीक है, ठीक है, राज शर्मा जी को दोनों लोग रुकिए, एक मिनट रुकिए। अरे रुको भाई, राज भाई आ रहे हैं आपके पास। एक बात मैं सबके हित के लिए कहूं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, मुफ्ती साहब आप तो आलिम फाजिल हैं, साध्वी जी भी हैं, जिस चीज का प्रदर्शन हमको पब्लिक में करना हो शो, उसकी रात भर तैयारी कर लेनी चाहिए। नहीं अगर आप उसके मास्टर नहीं है, नहीं अगर आपको सुबह कुरान पढ़नी है पब्लिक में तो रात भर कुरान पढ़ो ताकि सुबह गलत ना पढ़ो, नहीं वेद पढ़ना है रात भर वेद पढ़ो, छत पर खड़े होकर पढ़ो, जमीन नीचे बैठ के पढ़ो, लेकिन याद करो, बाप भद मत कराओ। मैं एक सलाह देता हूं राज भाई, राहुल जी को, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं,
पूजा पाठ करने का मन है, अच्छी बात है, होना चाहिए, सबका होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए। तो पूजा पाठ के विधान समझ लो, क्या नमाज पढ़ने की एक प्रक्रिया है, एक टांग ऊपर उठा के तो नमाज नहीं पढ़ने लगेगा कोई, वजू करने का एक सिस्टम है, रुद्राभिषेक का भी एक सिस्टम है, नहीं बिल्कुल ठीक है कि महादेव पर जो जल दूध या गन्ने का रस जिससे भी हम कर रहे हो वो कैसे चढ़ेगा, दूसरा हाथ कहां होगा और धार कहां गिरेगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ठेले ठेले ले 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 ले, नहीं, इससे फायदे की जगह नुकसान नहीं हो जाता। राजबाबू आपको दिल पे हाथ रख के बताओ, देवघर वाला वीडियो देखो, पंडित जी कह रहे हैं कि अरे चाचा इधर इधर चढ़ाओ, ऐसे बताइए राज भाई, नहीं एक्चुअली क्या है, दिक्कत क्या हो रही है इस देश में कि चुनी हुई सरकार जो जिस चीज के लिए चुनी गई है वो काम नहीं कर रही है। मुझे आपत्ति है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं राहुल जी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रज्ञा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आफ्टर वेरिंग गुस्सा नहीं होना है, बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा होना नहीं है, आप झूठ ना बोलिए, मुझे इतना बता दीजिए, राहुल जी ने फौरन मैं क्या कहा था, पूरी स्पीच आपने सुनी है, आपने सुनी है तो मुझे बता दीजिए, अधूरे में मत बोलिए, अगर आप गलत बोलेंगी मुझे दुख पहुंचेगा, आप साधु हैं, अरे मैं पंडित आदमी पूजा पाती हूँ, पॉइंट बोलिए, आप बताइए क्यों गलत बोल रही, आप पार्टी मत बनिए, एक बात करती हूँ मैं आपसे, भाई साहब सुनिए सुनिए, मैंने आपकी बात सुन ली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर ये राम मंदिर का कार्य आपकी पार्टी करती, अगर उदय निधि स्टालिन, प्रियंका खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सनातन पर अटैक नहीं करते तो आज हम आपकी पार्टी को बधाई दे रहे होते, आज मैं आपको धन्यवाद देती, लेकिन सुनिए भाई साहब, आपने आपकी पार्टी ने बार बार अपमान किया है मेरे प्रभु श्री राम का, आपकी पार्टी ने बार बार सनातन धर्म पर अटैक किया है, और किसी ने मैंने कहा और किससे कह रही हूँ बदलाव का भारत है, राहुल जी का बयान दिखाइए, अरे मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, राहुल जी का बयान दिखाइए, अरे आप राहुल जी का बयान दिखाइए, तो सनातन धर्म का अपमान करेगा, मुझे पढ़ाइए आप, ठीक है राज भाई, आगे बात आगे, मुफ्ती साहब आएंगे अभी, मैं मनोज जी के पास चलूं, ठीक है राज भाई, एक मिनट एक मिनट चलूंगा, राज भाई एक मिनट एक आप ठहरिए, नहीं एक मिनट रुको राज बाबू, एक मिनट एक बात आई थी, आ रहा हूँ दोनों क्या बात, एक बात आई थी हमारे मित्र राज जी ने पूछा कि राहुल गांधी का बयान दिलाओ, कोई याद दिलाओ, अब मेरे साथ ये प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है कि मैं कुछ भूलना भी चाहूं मुफ्ती साहब तो ये भूलने नहीं देते मुझे परमात्मा, क्या कोई गूगल साथ नहीं रखता, कोई साधन नहीं, कोई कागज पत्र नहीं रखता, ऐसा लगता है वो दिमाग में फेंक देते हैं, अब ये लो, क्या नेहरू जी के वंश का युवा, अब तो खैर युवा नहीं, युवा से थोड़ा आगे है राहुल जी, वो मैं समझता हूँ हो सकता किस मुद्रा में कह गए, मैं उन पर कोई बहुत आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन उनका एक बयान था जिससे वो भाग नहीं सकते कि लोग मंदिर जाते हैं चप्पल चोरी करने और लड़की छेड़ने, कोई मूर्ख आदमी भी ऐसा बोलेगा कि लड़की छेड़ने मंदिर जाते हैं, अच्छा आप मंदिर गए फिर अभी आप भी मंदिर होके आए, ऐसा बयान काहे को तो जो गले में पड़ जाए, मंदिर नहीं, हम तो कोई मुझसे ये कहे कि मस्जिद भी लोग लड़की छेड़ने जाते हैं तो भी मैं बुरा मानूंगा, गुरुद्वारा किसी के लिए कहे, ये कोई भाषा है, और जिन लोगों को वोट की राजनीति करनी है उनको तो जुबान पर एक्स्ट्रा एहतियात रखना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मनोज पंडित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी अमिताभ जी, स्थिति क्या है, राज भाई पूरी परिस्थितियों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो गठबंधन बनाया, जो चीजें बनाई, वो आज कहीं ना कहीं इनके साथ नहीं है, इनको लग रहा है कि ये हो क्या गया, समझ नहीं, पूरी प्रक्रिया नहीं समझ पा रहे, आप ये देखिए नरसिम्हा राव इधर भाग रहे हो, 80 सीटें जीत रहे हो, अरे अरे भाई हम कटोरा लेके घूम रहे हो, आपको याद है जब
जब मध्य प्रदेश में देखो राज भाई सुनिए, और आपको मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है तब आपने क्या बोला, आपने बोला 80 जीत रहे हो, विधायक नहीं 80 जीत रहे हो, हम हमने फिर भाग रहे हो, तैयारी की है किसी विधायक को नहीं उठने देंगे। माहौल बना दिया, मैंने आपको डिबेट में एक बात इतना गंदा माहौल बना दिया मनोज भाई कि विधायक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी राज भाई, जनता वही गुंडा तत्व ऐसा फैसला देगी आपको कि किसी विधायक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा क्यों जा रहे हो, विधायक तो नहीं उठाना पड़ा, जेल के आगे झुक गए, मैं क्या कह रहा हूं, राजपुर विधायक झुक गए नहीं पड़ा, नीतीश जी के आगे झुक गए, पेट में सब बता क्यों झुक गए बताओ, अरे बताओ क्यों झुक गए, अरे पंडित जी नहीं तो बता दो 80 सीट ला रहे हो, कहां पे झुक गए आप मुझे बताइए, कहां झुक गए, कहां झुके, कटोरा लेके नहीं घूम रहे हो, कहां झुके कटोरा लेके नहीं घूम रहे हो बोलिए, नहीं नहीं हम क्यों कटोरा लेके घूमे, कटोरा लेके तो आप घूम रहे हो, आपके नेता कटोरा लेके क्या, आप तो बुरा कढ़ाया लेके घूम रहे हो, नहीं देखिए मेरी बात सुनिए राज भाई, और मोदी जी की 40 मिनट की डिबेट करा दो अगर आप में हिम्मत हो, चैलेंज है, डिबेट बुद्धिमान व्यक्ति से होती है राज भाई, डिबेट ठीक है अब लड़ो नहीं, डिबेट के स्टाइल दोनों को मेरा व्यक्ति से होती है, दोनों मित्रों को मेरा प्रणाम, रुक जाइए समय कम है, मैं एक आखिरी टिप्पणी मुफ्ती साहब से लूंगा, मुफ्ती साहब क्या आपको ये नहीं लगता कि अब वो समय आ गया कि मुस्लिम्स के बीच से सकारात्मक सोच वाली लीडरशिप बाहर आए और मंच पर जो अभद्र लोगों ने कब्जा कर रखा है, अल्लबल्ल बोल के उत्तेजना फैलाने वाले लोगों ने, वो लोग मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, ये बात मुसलमानों को बताने के लिए निकले वो समझदार लोग मुस्लिम लीडर? नहीं देखिए मुसलमानों में शऊर आया है, मगर मीडिया उन्हीं को जगह देती है जो भड़काते हैं लोग, मीडिया संजीदा मुसलमान स्कॉलर को तो टीवी में जगह नहीं देती है और आते भी नहीं, हम जैसे लोग सिवाय आपके एक दो चार शो में जाते हम लोग भी बहुत कमाते, मगर मैं बात बताता हूँ जाति जनगणना की, कांग्रेस कैसे कैसे कंफ्यूज हो रही है, कांग्रेस कह रही कि जाति जनगणना की बात कर रही है, इंदिरा ने उसके जी ने मुखालिफत किया, नेहरू जी ने मुखालिफत किया, एक जमाने में नारा था कांग्रेस का ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर इंदिरा जी की बात, इंदिरा जी की बात पर, राजीव गांधी ने 90 में पार्लियामेंट में बोला था कि मैं मंडल कमीशन का विरोध करता हूँ, ये राजीव गांधी ने बोला था, आज जो है हाँ बोला था, आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, 1952 के बाद 2024 में जो कांग्रेस की सरकार बनी है 1952 से लेकर के यूनाइटेड आंध्रा, बाद में 2014 से तेलंगाना का गठन हो गया, आज कैबिनेट में एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, ये रेवंत रेड्डी की सरकार में, और राहुल जी जा करके मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि देश में एक दिन मुसलमान जो है प्रधानमंत्री बनेगा, 7% जो है तेलंगाना में रेड्डी है, 7% रेवंत रेड्डी सीएम बन गए, 4-5 जो है मिनिस्टर बन गए, और मल्लू विक्रमा भट्टी एक दलित है जिसकी 16% आबादी है, 30 साल से मुसलसल जो है कांग्रेस को लेकर के चला, मेहनत किया, उसको इसलिए सीएम नहीं बनाया गया कि वो दलित है, तो कांग्रेस की मानसिकता निहायत ही जर्जर है, राहुल गांधी को केसी वेणुगोपाल ऐसे लोग जो जनता के बीच में इलेक्ट नहीं है, जयराम रमेश प्रिया सिनेते प्रिया ऐसे ऐसे लोग, अगर वो एक और है बिहार के कन्हैया कुमार, ऐसे लोग अगर कांग्रेस के सलाहकार बन जाएंगे तो इसका कांग्रेस का विसर्जन होना जरूरी है, मैं कहता हूं कि गांधी का सपना एक गुजराती का सपना दूसरा गुजराती पूरा कर रहा है और मुझे लगता है कि ठीक है मुफ्ती साहब, राज भाई छोटी सी टिप्पणी, मुफ्ती साहब ने कहा एक गुजराती का सपना यानी गांधी जी का सपना था कांग्रेस विसर्जित कर दी जाए, वो करेंगे, गांधी जी के समय में नहीं हुई लेकिन दूसरे गुजराती यानी नरेंद्र मोदी के समय में वो विसर्जित हो रही है, राज शर्मा जी छोटी सी टिप्पणी, समय कम है, डर के पीछे इनका बयान है सबसे छोटी प्रतिक्रिया, डर के पीछे इनका बयान है, ये डरपोक व्यक्ति है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, इनको डर है, ठीक ठीक अब रुकना होगा, देश का दुर्भाग्य है मुफ्ती नदीमुद्दीन जैसे लोग जो हैं उनको आप बता रहे हो डर के साथ हैं, तौकीर रजा जैसे लोग बहादुर हैं, देश को कहां झोंकना चाहते हो मित्र, और मेरी उनके साथ भी सहानुभूति है जिनको ये सड़क पर उतार देते हैं तौकीर रजा जैसे लोग, मुकदमे हो जाएंगे, घर बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, चप्पल बिक जाएगी जमानत कराने में, तौकीर रजा किसी को रोटी देंगे, हमने तमाशा बहुत देखा मित्र,
35 साल के पत्रकारी जीवन में ऐसा तमाशा मैंने बहुत देखा। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, जो मौलाना मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे, जो सबसे ज्यादा भड़काए थे, मौलाना नाजिम, शायद अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, मैं गया था उनका इंटरव्यू करके लाया था, उनको दंगा काल में ही जेट सिक्योरिटी मिल गई थी अल्लाह का नाम लेके, है? और 30 पुलिस वालों के साथ वो सरसों के तेल की मालिश करा के धूप में लेटे थे। क्या गरीब मर गया था, गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर गया, घर जल गए, जानवर फूंक दिए गए जिंदा। मैंने देखा मुजफ्फरनगर, कौन माइकल लाल गया था वहां मदद करने, अब भाषण सब दे रहे हैं, कोई गया था नहीं ना? मौलाना नजीर, हां मौलाना नजीर का जलवा अफरोज हो गया, लेकिन रज्जाक और अब्दुल का बर्तन भाड़े बिक गए, आज तक मुकदमे झेल रहे हैं, आज तक मुफ्ती साहब हैं, बर्तन भाड़े बिक गए, चप्पल बिक गई, फिर भी अदालतों में धक्के खा रहे हैं। मैंने देखा कांग्रेस गई, समाजवादी गए उनकी मदद को नहीं, बसपाई गए नहीं, फिर मैं फिर कहता हूं घड़ी की सुई को ठीक दिशा में रखो। ये बात जो कही साध्वी प्रज्ञा ने या मनोज पंडित ने ठीक कही, इसको इसलिए मत लीजिए कि भाजपा ज्यादा सीटें जीत रही है, देश बदल गया है मित्र, बदल गया है, अब बनात वाला नहीं चलेगा, जियाउर रहमान अंसारी नहीं चलेगा। मैंने कल कहा था सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों पर फैसला दिया, मुफ्ती साहब को याद है, राजीव गांधी ने उसको लोकसभा में लाके टर्न डाउन किया, बनातवाला बोलने खड़े हुए, बनातवाला ने कहा राजीव जी तेली और तमोली से कुरान का वो करवाओगे व्याख्या तो ऐसा ही होगा। लो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को तेली तमोली बता दिया है, और कांग्रेस ताली बजा रही थी। ये करेंगे, देश बदल गया है मित्र, जान लीजिए, और बदलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं विश्वास की बात है, मानना ना मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन ना देखिए जिस दिन से रामलला की का विग्रह, प्रज्ञा जी जिस दिन से रामलला का विग्रह अपने मंदिर के गर्भगृह में आया, प्राण प्रतिष्ठा नहीं 18 से, तब से भारत के घटना चक्र को देख लीजिए। क्या अभी महीना नहीं हुआ है प्राण प्रतिष्ठा को? मुझसे एक सज्जन कह रहे थे, वो कह तो मजाक में रहे थे लेकिन ठीक है, हास्य बोध है उसी रूप में लीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कह रहे थे, दिग्विजय सिंह वगैरह, राज भाई, कि बहुत गलत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हमसे एक नेता कह रहे थे कि भाई साहब वो सही कह रहे थे, जो कुछ पोटली में था वो भी जा रहा है कांग्रेस की, क्या मुहूर्त गलत ही निकला उनके लिए? तो भाई भुनी हुई एक राजा नल की कथा आती है, उनका भाग्य विपरीत दिशा में गया, मनोज पंडित जी राजपाट चला गया, जेवर चला गया, तीर तलवार सब चली गई, अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे आ गए मुफ्ती साहब, तो बोले मछली पकड़ के ले आते हैं, तुम चूल्हा जलाओ यहीं कंडा, और इसी मछली भून खा लेंगे और कुछ नहीं। फिर बोले अच्छा भून तो ली है, तब तक नहा के फिर खाते हैं, देखा क्या मछली भुनी हुई मछली नदी में वापस भाग गई। क्या इंडिया गठबंधन के साथ वैसा नहीं हो रहा है? भुनी हुई मछली नदी में भाग रही, ये क्या स्थिति बन रही है? ये राम चक्र है, काल चक्र भी है और राम चक्र भी है, इस देश के मन को समझना जरूरी है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता रहेंगे जाएंगे, गोखले तिलक से हमने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की, गांधी से होते हुए आज तक तमाम लोग आए और समय के साथ अपना अपना रोल निभा के चले गए ना, लेकिन भारत का मन कहां है ये समझना जरूरी है। ये गांधी को समझ थी इस बात की, ये तिलक को समझ थी, ये गोखले को समझ थी,
ये बाल गंगाधर तिलक को समझ थी। उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया। और आज भाई भाजपाइयों की बात छोड़ो, लोहिया जी तो आजकल, आप लोहिया जी के जो राजनीतिक शिष्य हैं वो सब आपके इंडी गठबंधन में हैं। लोहिया ने क्या कहा था? लोहिया ने कहा, ये बात कांग्रेस में सुनाइएगा, गूगल में मिलना मुश्किल है इसीलिए सुनाई दे रहा हूं। लोहिया ने एक बार कहा मुफ्ती साहब कि बद्रीनाथ से रामेश्वर या रामेश्वरम 3,500 किलोमीटर की दूरी है दोनों छोरों पर, है बोले चाहे रामेश्वरम में और चाहे बद्रीनाथ में, 1 घंटा खड़ा हो जाए व्यक्ति पूरा हिंदुस्तान उसकी आंखों से गुजर जाएगा। क्या ये भारत है? ये भारत की तासीर है, ये भारत की शक्ति है, इसको समझना होगा। ऐसे को दूसरी जगह बता दीजिए जहां 1 घंटा कोई भी आदमी खड़ा हो, पूरा देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उसके चेहरे उससे गुजर जाए दृष्टिपथ से। ये लोहिया ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो बहुत छोटा आदमी, लोहिया बड़े आदमी थे, उनका देश में चिंतन था। आपने उस बात को स्वीकार नहीं किया, आप उसे लड़ते हैं बार बार, और जब स्वीकार भी करते हैं तो दबे मन से करते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बना करते हैं। ये किन लोगों ने कहा था कि राम काल्पनिक है? जिन लोगों ने काल्पनिक कहा वो राम की मूर्ति का ताप देखे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, एक वो गाना था क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या स्थिति बन गई। मैं फिर कहूंगा, हल्द्वानी हो, बरेली हो, कलकत्ता हो, उत्तेजना का दौर छोड़ दीजिए, उत्तेजना से कुछ हासिल नहीं होगा, और अब उत्तेजना भी आप नहीं फैला पाएंगे ये जान लीजिए। आज मेरी अपनी जानकारी है राजबाबू, हल्द्वानी में मुफ्ती साहब सैकड़ों अतिक्रमण हटाए गए, सैकड़ों, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। शासन का इकबाल होता है, हो गया, चला बुलडोजर, कोई माइका लाल वहां ये कहने नहीं गया कि हम गोली मार देंगे बुलडोजर वाले को, नहीं ना, लेकिन आपने 100 पुलिस वाले घायल करा दिए। तौकीर रजा तो गिरफ्तारी होती है छूट जाते हैं, वो गिरफ्तारी में भी बिरयानी खाएंगे, उन्हें थोड़ा ना कोई मार रहा है, लेकिन रज्जाक को मुश्किल हो जाएगी। ये जिस दिन भारत समझ लेगा उस दिन ये सड़क पर बंडलिज्म खत्म हो जाएगा, ये उपद्रव और उत्पात खत्म हो जाएगा। मित्र ज्ञान बापी में पूजा बंद करो, मैं कहता हूं मुफ्ती साहब ये नारा जो भी दे रहा है वो भारत में चिंगारी का खेल खेल रहा है, ये नारा ठीक नहीं। ज्ञान बापी में पूजा किसी की कृपा से नहीं है और किसी के हुक्म से बंद भी नहीं हो सकती। 33 साल मुकदमा लड़के भारत के सनातन धर्मावलंबियों ने अदालत के आदेश से पूजा का अधिकार पाया है, किसी पार्टी की कृपा है, किसी नेता की कृपा है क्या? यह रास्ता ठीक नहीं। यह करिएगा तो प्रतिक्रिया के लिए आपको तैयार रहना होगा, धरती का नियम है, क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहिए, उस रास्ते पर मत जाइए। और मैं तो कहूंगा कल लोकसभा में राज्यसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है, राम सबके हैं, बिना किसी विरोध किंतु परंतु के दोनों हाथ उठाकर भारत की संसद को रामलला के धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करना चाहिए, और वो कागज रामलला के चरणों तक पहुंचना चाहिए, विग्रह के श्री चरणों में वो कागज रखा जाना चाहिए कि भारत की संसद अपने रामलला को कृतज्ञता के साथ स्मरण करती है। धन्यवाद। कल हल्द्वानी को जलाया गया और आज बरेली को सुलगाया गया। आज बरेली में मारने काटने की धमकी दी जा रही। मौलाना तौकीर रजा ने हजारों लोगों को सड़क पर उतार दिया।
हल्द्वानी का दंश, उसकी पीड़ा कम नहीं हुई थी देश में कि बरेली में भी चिंगारी का खेल खेला जा रहा है। हल्द्वानी से बरेली तक क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? बरेली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए बदजुबानी हो रही है सड़क पर, कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर चलाएगा हम उसको मार देंगे, काट देंगे। और कलकत्ता में ऐलान हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर कल बंगाल आएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे, उनको काले झंडे दिखाएंगे। बोले क्यों? बोले ज्ञान वापी में पूजा कैसे शुरू करा दी, ज्ञान वापी में पूजा बंद करो, मौलाना कह रहे ज्ञान वापी में पूजा भाजपा ने नहीं शुरू कराई, अदालत के आदेश पर हुई है भाई मौलाना साहब। लेकिन मूल प्रश्न ये कि हल्द्वानी से बरेली तक ये अग्निपथ क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे की डिजाइन क्या है? हल्द्वानी में समस्या क्या थी? हाईकोर्ट के आदेश पर एक अवैध मदरसे को हटाने के लिए गया था नगर निगम, पुलिस पर हमला हो गया, थाना फूंक दिया, सरकारी गाड़ियां फूंक दी, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, सरकारी अधिकारियों को जान बचाना मुश्किल पड़ गया, ऐसी स्थिति पैदा कर दी। सुनने में आ रहा है कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है तांडव, उसके पीछे पीएफआई का तार कहीं जुड़ा हुआ है, ये सुनने में आ रहा है। क्या इस हिंसा के तार बाहर तक हैं? ये समझना होगा। और हल्द्वानी में वही इलाका है जिस इलाके में रेलवे ने जब अपनी संपत्ति अतिक्रमण से मुक्त करानी चाहिए थी अपनी जमीन, तो 50,000 लोगों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया था और अल्लाहू अकबर का नारा गूंजा दिया था। क्या सरकार को बंधक बनाने की कोशिश हो रही है? क्या प्रशासन को भयभीत करने की, धमकी देने की स्थिति पैदा की जा रही है? बरेली में मौलाना तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा विवादित कामों के लिए, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम मार देंगे, काट देंगे जो बुलडोजर चलाएगा। बुलडोजर अदालत के आदेश से चलेगा, तौकीर रजा किसको मार देंगे और कैसे मार देंगे? कोई घर की खेती है, कानून का राज है। तौकीर रजा ने कहा, ऐलान किया था कि जुम्मे की नमाज के बाद हम गिरफ्तारी देंगे, और आज वो गिरफ्तारी देने चले, हजारों लोग सड़क पर उतार दिए, अफरा तफरी की स्थिति बन गई बरेली में। क्या चुनाव नजदीक है लोकसभा का, क्या इस सब के पीछे चुनाव का कोई मसला है? क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस किया जा रहा है? और अगर हां, तफरी गंभीर स्थिति है और सरकार को इसको उतनी ही गंभीरता से इसका प्रतिकार करना चाहिए। बरेली के ईदगाह मैदान से उत्तर प्रदेश सरकार के इकबाल को चुनौती नहीं दी जा सकती, शासन के इकबाल को चुनौती नहीं दी जा सकती, ना बरेली के ईदगाह मैदान से और ना हल्द्वानी के उस इलाके से। अभी शाम को पुष्कर धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड हल्द्वानी में है, और आज हल्द्वानी में बुलडोजर खूब चला, जहां दिखा अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ है, होना चाहिए। सरकारी जमीन, सार्वजनिक उपयोग की जमीन आप कब्जा कर लेंगे? नमाज घर बना दिया, मदरसा बना दिया, फिर तमाशा बना दिया। अरे बना लिया, जब हटाने की बारी आई तो शांति से हटने दीजिए, तो आप मारने काटने पर आमादा हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगा इस गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि हल्द्वानी से बरेली तक और बरेली से कोलकाता तक डिजाइन एक ही है, क्यों
अब ज्ञान भापी को मुद्दा बनाया जा रहा है कि ज्ञान भापी में पूजा रोको, जमायत इस्लामी कह रही। अरे भैया, आपसे पूछ के पूजा शुरू हुई है? आप हिंदुस्तान के मालिक मुख्तार हैं? आप सरकार हैं? नहीं। आप अदालत हैं? नहीं। फिर आप क्या हैं? बोले खामोखा। आप सरकार हैं? नहीं। अदालत हैं? नहीं। सुप्रीम कोर्ट है? नहीं। हाई कोर्ट है? नहीं। क्या हैं? बोले हम खामोखा हैं। साइड हो ये। आपके कहने से कैसे पूजा रुक जाएगी? अदालत के आदेश से जारी पूजा को कौन माई का लाल रोक सकता है? महादेव की उस पूजा अर्चना को कोई माई का लाल रोक सकता है क्या? किसी की कृपा से पूजा हो रही है क्या ज्ञान भापी में कि कलकत्ता में कोई मौलाना आके खड़े हो जाएंगे, कैमरा देखेंगे और बोलना शुरू कर देंगे कि पूजा नहीं रोकी तो हम योगी आदित्यनाथ का घेराव करेंगे? अरे आपको समझ में आए सो कीजिए। पूजा किसी की कृपा से चल रही है क्या मौलाना साहब जो रुक जाएगी? ये धमकियां क्यों आ रही हैं? इन धमकियों से ये चिंगारी का खेल बुरा होता है। इन धमकियों के पर प्रतिक्रिया आने लगेगी अगर उसी ढंग की, तो परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है हल्द्वानी से बरेली तक के इस घटनाक्रम पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराए और फिर बहस में चले। तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। आखिर किसकी नजर लगी है देव भूमि उत्तराखंड के अमन चैन को? हिंसा, हुड़दंग और हंगामे के हालात से अब तक हलकान हुई है हल्द्वानी। दरअसल गुरुवार की शाम नगर निगम और प्रशासन की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक अवैध मदरसे और मस्जिद को हटाने पहुंची थी। बुलडोजर वाली कार्रवाई की इस कड़ी में हालात ऐसे बिगड़े कि बात बवाल, पथराव, आगजनी और गोलीबारी तक पहुंच गई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेकाबू भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ियां जला दी। पथराव में कई पुलिस कर्मियों को चोटें आई। पुलिस कर्मियों को छिपकर जान बचानी पड़ी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। बिगड़े हालात में सरकार को हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। वहीं एक्शन में आई धामी सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश तक जारी कर दिए। जवाबी कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन और पुलिस की टीमों ने इस एक्शन को करने की कोशिश करी, लेकिन जिस प्रकार का उपद्रवी तत्वों ने वहाँ रिएक्शन दिया, जिस प्रकार से पेट्रोल बम फेंके गए, बॉटल्स में डीजल भर के और आग लगाने की कोशिश करी गई सरकारी संपत्तियों को, जो व्हीकल हैं, जो पुलिस प्रशासन के वाहन थे उनको नुकसान पहुँचाया गया, उनको आग लगाई गई, सारी के सारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीमों पर पथराव किया गया, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसके लिए कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी दिए गए हैं, प्रशासन की ओर से भी ये हम लोग कर रहे हैं। जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित करी गई है, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। एक एक को हम चिन्हीकरण करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उनको कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा। धारा 144 के आगोश में जन जीवन बंद है, अफवाहों के आतंक में इंटरनेट बंद है, सुरक्षा के लिहाज से स्कूल कॉलेज बंद हैं, पुलिस फोर्स और आला अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं। अब उपद्रवियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस मामले पर राजनीति के रंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है।
नहीं देखिए तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासन के अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है, आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ, आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा, तो बड़े बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना उनके साथ। चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहाँ उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ की सरकार करेगी। वहाँ हल्द्वानी में हालात बिगड़े हैं तो इधर यूपी के बरेली में जेल भरो आंदोलन की हुंकार भरी गई। मौलाना तौकीर रजा की तकरीर, ये आप भी सुनिए। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। बहरहाल उत्पात अराजकता के आलम में बदहवास हैं उत्तराखंड की वादियां और हलकान है हल्द्वानी। इन हालात में सवाल यही है कि आखिर हल्द्वानी का गुनहगार कौन। सवाल ये भी है आखिर हल्द्वानी से लेकर बरेली तक चिंगारी के खेल की वजह क्या है। आप अतिक्रमण हटाओगे तो हम गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, वाहनों में आग लगा देंगे, पुलिस के लोगों को घायल कर देंगे। कोशिश तो प्राण लेने की होगी, ये उनका भाग्य है कि बच जाए तो घायल होकर बच जाए। आप बुलडोजर चलाओगे तो मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं, और तौकीर रजा कोई छोटे मोटे मौलाना नहीं है, आला हजरत दरगाह से जुड़े हुए हैं, आला हजरत के वंशावली से जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं हम जान से मार देंगे, गनीमत है। वो संपुट नहीं बोला, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वो जो रिदम में गाते हैं, नहीं। स्थितियां बरेली से हल्द्वानी, हल्द्वानी से बरेली तक तनाव के बीच में घूम रही हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। मनोज पंडित भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, मनोज पंडित जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, राज शर्मा साहब का स्वागत है। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हैं, प्रेसिडेंट ओलामा काउंसिल, मुफ्ती साहब का बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी प्रज्ञा भारती हिंदू धर्मगुरु, प्रज्ञा जी का बहुत बहुत स्वागत। मौलाना मुफ्ती साहब आपसे बात शुरू करूंगा। किसी कप्तान ने ये फैसला नहीं कर दिया कि भाई ये बिल्डिंग पसंद नहीं इसको गिरा दो, सरकार ने फैसला नहीं किया, हाई कोर्ट का फैसला, जनवरी में सुनवाई हुई, नोटिस गया, जो कानूनी प्रक्रिया सब हुआ है, अचानक तो कोई गया नहीं था। वहां ऐसी स्थिति कर दी, लगा कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा हो। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं, 100 से ज्यादा हल्द्वानी, और बरेली में मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं ये कर देंगे, हजारों लोगों को सड़क पर उतार रहे हैं। ये चिंगारी का खेल क्यों खेला जा रहा है मुफ्ती साहब? देखिए हल्द्वानी के अंदर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है जी, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मगर मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं कि 2566 हेक्टेयर जमीन पर, वन भूमि पर और बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड पर भी उत्तराखंड में लोगों ने कब्जा किया है। उसको छुड़ाने के लिए सरकार ने क्या किया वो तो सरकार को व्हाइट पेपर जारी करने की जरूरत है। मगर जब अवैध कब्जा हो रहे थे तो लोग क्या कर रहे थे? अवैध कब्जा जिन लोगों ने होने दिया उसका जिम्मेदार कौन है? मस्जिद गिराई गई या मदार इलीगल था, लीगल था, इलीगल था, नोटिस हुआ। मैं कहता हूं कि सरकार को वहां के जिम्मेदारों से, धर्मगुरु से, मौलानाओं से बात करके इसकी समस्या का समाधान निकालना चाहिए। अचानक पहुंच गए और नहीं, मुफ्ती साहब एक मिनट रुकूंगा। नहीं, ये दो इस बात से मैं थोड़ा बहुत अदब से नाइतफाकी रखूंगा। अब्बल तो ये दुरुस्त हो, अचानक नहीं पहुंचे ना,
मौलाना जानते थे, एक मिनट जाइए, जो भी उस मदरसे को चला रहे थे वो मैनेजर और मौलाना सब जानते थे। और दूसरी बात, जब हाई कोर्ट में मस्जिद की कमेटी और मदरसा की कमेटी गई, उनकी बात खारिज कर दी, हाई कोर्ट ने कहा नहीं अतिक्रमण हटेगा फाइनल, तो उनको समझ नहीं आया था कि हटेगा, फिर भी मूंछों में चमेली का तेल लगा घूम रहे थे, उन्हें कैसे देखेंगे कैसे हटाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारी तो तैयारी है, बोतल में डीजल भरेंगे पेट्रोल भरेंगे और फेंकेंगे। नहीं ठीक है, आप अपनी जगह सही है सर, आप अपनी बात कह रहे हैं, मैं भी अपनी बात कह रहा हूँ, मगर मेरा मानना था कि कम से वहां के जिम्मेदारों से बैठ करके बात करके रास्ता निकालना चाहिए था। मामला अदालत का था, अगर बिल्डोजर चल रहा तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और आगे जाना चाहिए, और मगर इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेकर के खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, एक बात। दूसरी चीज क्या है कि सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर कब्जा है, क्या सरकार इतनी ईमानदारी से कब्जा छुड़वाएगी जितनी ईमानदारी से यहाँ पहुंच गई है? एक बात करके खत्म करता हूँ, तौखीर रजा का काम है भड़काना, मगर मैं समझता हूँ कि यूपी की सरकार कहां सोई है कि तौखीर रजा भड़का रहे और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हल्द्वानी की जनता से और खास कर से मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि भड़को मत, मामला सब जुडिशियल, आपको लगता है कि हमारे घरों को या हमारी जमीन को हमारी मस्जिद को मजार को हटा दिया गया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, मगर कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और अपना नुकसान मत करिए। ठीक मुफ्ती साहब, हाई कोर्ट के आदेश पर मस्जिद हटाई गई, नमाज घर हटाया गया और वो मदरसा हटाया जा रहा था, ठीक, आपको एतराज है आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट से भी बात नहीं आपका मन भरे इंटरनेशनल कोर्ट जाओ के पेट्रोल पंप फेंकोगे, ये नहीं चलेगा ना। 100 पुलिस वाले घायल हुए, 200 से ज्यादा वाहन फूंक दिए, सीरिया बनाना चाहते हैं अल्वानी को, हमको कोई चीज शासन की ना पसंद होगी तो हम अलग जाएंगे ना, कि हम अपनी छत पर खड़े होकर पेट्रोल पंप फेंकने लगेंगे, ये स्वीकार नहीं हो सकता ना। मैं साध्वी प्रज्ञा भारती के पास चलूं, मैं इस टेंडेंसी के विरुद्ध हूं। मैं कलकत्ता से एक मौलाना को सुन रहा था, जमात इस्लामी के, वो भाषण झाड़े जा रहे थे, वो कह रहे थे ज्ञान वापी में पूजा तुरंत बंद कर दो, बोले क्यों, बोले नहीं बंद करोगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे, अच्छा उतर के क्या कर लोगे फिर क्या करोगे, बोले योगी बंगाल आएंगे तो हम उनको काले झंडे दिखाएंगे, योगी जी आने पूजा कौन कैसे बंद हो जाएगी, प्रज्ञा जी पूजा किसी की कृपा पर तो शुरू नहीं हुई, 31 साल बाद अदालत के आदेश से पूजा शुरू हुई है, कोई माई का लाल पूजा कैसे बंद करा देगा, बरेली में तकलीफ हो और चाहे कलकत्ता में तकलीफ हो पूजा कैसे बंद हो जाएगी। देखिए अमिताभ जी, बात ऐसी है कि इनको एक प्रॉब्लम हो रही है और मुझे लगता है कि हमें इनसे सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि देश ने एक ऐतिहासिक पल को विटनेस किया है, राम मंदिर बना है सबकी आंखों के सामने, वो लोग जो विरोध करते थे, जिन लोगों ने ये कहा कि ये काला दिन होगा भारतीय इतिहास में, प्राण प्रतिष्ठा के दिन को, हमारी 140 करोड़ भारतवासियों की आस्था उससे कनेक्टेड है। अब जब काशी और मथुरा की बात आती है तो देखिए अमिताभ जी, इनको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, इनको ये कहना चाहिए था कि हम बहुसंख्यकों के देश में रहते हैं और ये हम आपको सहर्ष सौंपते हैं, लेकिन सहर्ष सौंपना तो बहुत दूर की बात है, ये अनर्गल बयान दे रहे हैं, समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं, राष्ट्र के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत का युवा जाग रहा है, भारत की जनता जाग रही है। अभी देखिए ये जो हल्द्वानी में हमने घटना देखी है, ये हल्द्वानी की घटना क्या है, यूसीसी बिल पास हुआ अभी विधानसभा के अंदर और उसका एक रिपरकशन इसे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये जो मुफ्ती साहब बात कर रहे हैं शायद इनको पूरी नॉलेज नहीं है, 30th की वीडियो जारी की है डीएम नैनीताल ने, वंदना जी ने, और उन्होंने दिखाया कि 30 तारीख को ड्रोन फुटेज है जिसके अंदर कोई भी पत्थर नहीं रखे हुए हैं छतों के ऊपर, लेकिन अचानक से छतों के ऊपर पत्थर आ जाते हैं, 30 तारीख को लीगल नोटिस दिया जाता है, सरकार इंक्रोचमेंट के एरिया पे ऐसे नहीं चले जाती और मन किया कि चलिए आज इसको हम उखाड़ देते, ऐसा नहीं होता मुफ्ती साहब, यहाँ पर कार्य प्रॉपर कार्यवाही होती है, 30 तारीख को लीगल नोटिस दिया गया था, लेकिन उनको पता था कि उन
पुलिस आएगी और ये जो इंक्रोचमेंट की जमीन है इसको, इस पे बुलडोजर चलाया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, महिलाओं का सहारा लिया। अमिताभ जी आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर, आप भी दिखा रहे टीवी 9 के माध्यम से, बार बार महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को आगे कर दिया, उनको ढाल बनाकर। क्या ये ठीक किया इन लोगों ने, क्या ये देश का माहौल खराब करने की चेष्टा नहीं हो रही है? लेकिन फिर भी अभी भी हमारी इनसे अपील है कि आप लोग मुफ्ती हैं, मौलाना हैं, आपके शोल्डर्स पर एक ओनस, एक जिम्मेवारी हमारे कंधों पर, इसलिए ऐसे अनर्गल बयान ना दीजिए जिससे समाज के अंदर कट्टरता फैलेगी। फिर मत कहिएगा हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्योंकि शुरुआत आपने की है। जी बिल्कुल ठीक बात है प्रज्ञा जी। एक पहले राज भाई जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक नारा चलता था, पुराने आदमी है राज शर्मा जी, एक पार्टी की सरकार होती तो नारा चलता था कि खुली दुकान तुम्हारी, बंद दुकान हमारी, और जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी। ऐसा नारा तो अब नहीं चल सकता भाई। सरकारी जमीन पर आप बनाते क्यों है मदरसा, और कोर्ट आपको, कोर्ट में आपका केस निरस्त हो जाए, प्रशासन नोटिस देके सुनवाई करके, इसमें पब्लिक हियरिंग हुई फिर नोटिस हुआ तब हटाने गए, तो आप पेट्रोल पंप फेंको के खैर। राज भाई पॉलिटिकली आपके लिए मौसम खराब है, कांग्रेस के लिए झटके पे झटके आ रहे हैं, कहीं जोर का झटका धीरे से, कहीं धीरे छोटा सा झटका जोर से, इसी स्थिति। लेकिन फिर भी एक बड़ा संदर्भ ये खड़ा होता है कि कल भारत की संसद के दोनों सदनों में राम मंदिर निर्माण, जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण और रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम पर धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है, लोकसभा में भी राज्यसभा में। हम बाकी तो बात आपसे करेंगे, अभी दिमाग में अचानक आ गया, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भारत की सबसे बुजुर्ग पार्टी का रुख क्या रहेगा। देखिए अभी आपने जब मेरे से इस बात में पूछ रहे हो तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी ना तो मेरे से किसी की बात हुई है जिनसे मेरी बात संपर्क हो पाते, और अगर मिलेगा तो बता देता। आज अभी तक तो कोई ऐसी मेरे पास कोई खबर नहीं क्या रहेगा, लेकिन सकारात्मक रहेगा कि क्यों राम, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, कोई राम कोई किसी किसी फिर आप कह दूंगा आपके पात्र नानकू के नहीं है, खाली राम मेरे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं, और कोई भी यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा, और जो राम के नाम पे विरोध करे मुझे लगता है कि वो बेकार की बात है। मैं नहीं मानता, सारी पार्टियों का सकारात्मक रहना चाहिए। राम का मंदिर बन गया है, अब वो बन गया है, वहां पे जाइए पूजा पाठ करिए, जिसका मन नहीं है मत जाइए, लेकिन आपको बुरा बुरा देख लो, बुरा कहना नहीं, आपको बुरा लग रहा तो नहीं, सरकार सरकार सुपर डीलक्स बस में फ्री ले जा रही है 11 तारीख को सारे विधायकों को, वो ठीक है, सरकार का है, सरकार ली जा रही है, ठीक है, अच्छी बात है, ली जाए, सबको ली जाए वो, बस मगर सरकार जब सरकार का एक दायित्व तो बढ़ता है कि किसी को प्रोवोक ना करे, ठीक है जा रही है। मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी का कोई इसमें नकारात्मक रोल रहेगा, सकारात्मक चीज है, सकारात्मक सोचते हैं हमारे वरिष्ठ नेता, सुलझे हुए नेता है, उसमें कोई दिक्कत टेंशन नहीं है। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो हो रहा है बहुत अच्छा, और सब राम का मंदिर बनने से सब बिल्कुल 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 सब खुश हैं। राज शर्मा जी, ये जो हल्द्वानी से लेके बरेली तक एक डिजाइन दिख रही है जिसके छींटे कलकत्ता तक जा रहे हैं, क्या कि ज्ञान बापी में पूजा बंद करो नहीं तो हम सड़क पे उतरेंगे, तौकीर रजा से लेके कलकत्ता वाले मौलाना तक कह रहे, भाई ज्ञान बापी में पूजा उनके कहने से शुरू हुई है, उनकी कृपा से। ये कौन लोग हैं जो उत्पात फैलाना चाहते हैं देश में? ज्ञान बापी में पूजा कौन माइकल लाल बंद करा देगा? रूल ऑफ लॉ है, संविधान का शासन है, कानून का शासन है भाई साहब, जमायत इस्लामी का शासन है क्या राज शर्मा जी? नहीं, कोई नहीं करा सकता, कोई भी ज्ञान बाकी हो या राम मंदिर में हो, कोई पूजा कराने का, किसी को बंद कराने का अधिकार नहीं है। अभी आप ही कह रहे थे, मैं आपके संबोधन में सुन रहा था, ना जाने बरेली को हल्द्वानी को किसकी नजर लग गई, सवाल यहां किसकी नजर नहीं, किसने नजर लगा दी ये देखने का काम सरकार को। मैं नहीं कहता कि वहां पे एनक्रोचमेंट था, अगर वहां हाईकोर्ट के थे वो हटना चाहिए था, लेकिन प्रशासन का काम होता है, प्रशासन एक नजर से सबको देखे। और जैसे कि अभी मौलवी साहब कह रहे थे, उनकी एक बात से मैं इत्तेफाक जरूर रखूंगा कि वहां के मस्जिद लोगों को फेथ में ले लेते, जो अच्छे अफसर होते हैं, मैं बरेली को बहुत अच्छी तरह जानता हूं भाई, मतलब बरेली की जड़ पे घुसा हुआ व्यक्ति हूं मैं, बरेली की जो कोतवाली है जहां आला हजरत आता है, वहां पे अगर इंस्पेक्टर भेजा जाता है
तो मैंने देखा इंस्पेक्टर बार बार एक दो इंस्पेक्टर ऐसे उन्हें रिपीट करते थे, क्योंकि वो सबसे संबंध बनाते थे और कोई भी हंगामा होने नहीं देते थे, क्योंकि कहते हैं आंखों की शर्म होती है। वो सबको आला हजरत के जितने उन्हें पता था कौन खुरापात कर सकता है कौन नहीं करता था, उसी को वो करते में हाथ डाल के चलते थे। मगर ये काम हल्द्वानी में नहीं हुआ। हल्द्वानी में ये काम अगर होता और प्रशासनक अगर जरसा मुस्तैदी से काम करता ये नहीं होता। कोई भी एनक्रोचमेंट हटाने का विरोध नहीं कर रहा। मैं मनोज पंडित जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूं, जो बात हमारे दोस्त मुफ्ती साहब ने भी कही और जिसको डिटो किए कर रहे हैं राजबाबू, मैं इस थ्योरी के साथ कभी नहीं खड़ा हुआ। एक बात कह के मनोज पंडित के पास जाऊंगा, वो उत्तर देंगे कि धामी की सरकार ने क्या किया और तौकीर रजा पर योगी की सरकार क्या करेगी। मुफ्ती साहब, एक चोर पकड़ा गया, क्या उसका पर्चा कट गया, वो थानेदार से बहस कर रहा है बीड़ी मुंह में लगा के, कह रहा पूरे हिंदुस्तान भर के चोर पहले पकड़ के लाओ, एक नजर से सबको देखो तब हमारा पर्चा काटो, तो उसके कान के नीचे दो मारना चाहिए तत्काल के नहीं। बाकी पकड़ेंगे लेकिन तुमको कैसे छोड़ देंगे। जिसका अतिक्रमण कोर्ट ने कहा हटाओ उसका तो पहले हटाए, फिर हम ये कहेंगे भी पूरे उत्तराखंड के पैमाइश करो तब हमारा गिराना, फिर कोई आगे आ जाएगा वो कहेगा पूरे भारत का पैमाइश करो, और उससे भी आगे का आदमी आ गया वो कहेगा पूरे विश्व की पैमाइश करो, इसका कोई अंत नहीं है। आपकी इमारत अवैध पाई गई अदालत में, बात खत्म हो गई, हटेगी, सुनवाई हुई, आप शामिल हुए, नोटिस हुआ, आप शामिल हुए, आज आपको एतराज हो रहा है क्यों? और मैं उस किस्से मैंने जाना चाहता, मनोज पंडित जी एक मिनट लूंगा, मुफ्ती साहब तो बहुत आलिम है, सब चीजों को जानते हैं, फिर भी एक किस्सा सुना दूं। औरंगजेब के समय में मुफ्ती साहब, औरंगजेब गया एक बार जामा मस्जिद, तो उसी के आसपास कहीं एक कोई सज्जन बैठे थे चादर बिछा के, और कह रहे थे कि ये मजार है यहां फकीर घोड़े शाह की, क्या? और वहां भीड़ लग रही थी, लोग अपना दान दक्षिणा भी चढ़ा रहे थे। औरंगजेब ने कहा ये फकीर कौन है, मैंने तो सुना नहीं। मुफ्ती साहब, उन्होंने कहा कि भाई इसकी तफ्तीश कराओ, क्या? उनको पकड़वाया और उसका वो करवाया उत्खनन, तो पता लगा घोड़ा दफन था वहां, उन्होंने उसी को मजार में कन्वर्ट कर दिया, माल आने दो, फकीर घोड़े शाह की दरगाह, क्या? औरंगजेब ने उनके कान के नीचे दो लगाए, बोले बवाल बंद करो, हटाओ इनको, कब्जा नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? फकीर घोड़े शाह कहीं बना दोगे, ये ठीक नहीं भाई ना। मैं तो कह रहा हिंदू मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, सरकारी संपत्ति पर मंदिर क्यों बनेगा और मस्जिद क्यों बनेगी? खैर, मनोज पंडित जी, हल्द्वानी से बरेली तक दोनों जगह आपका शासन है और दोनों जगह मैं हलचल देख रहा हूं, स्थितियां सांप्रदायिक तनाव की ओर जा रही हैं। मैं सीधी सपाट बात कर रहा हूं, आज जो तौकीर रजा ने सड़क पर जो ये शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, ये अच्छा लक्षण नहीं है ना अमिताभ जी? आप देखिए कि ऐसी ही घटना नूह में हुई थी जी। नूह की घटना हमारे सामने, वो भी उसी मतलब सेम ऐसी घटना थी जो हरियाणा में हुई, और उस घटना के बाद क्या हुआ कि वहां पर जो कानून के दायरे में रहकर जो कार्रवाई की गई, चाहे वो वहां के कांग्रेस के विधायक हों, चाहे वहां के निगम पार्षद हों, चाहे वो बिल्डिंग्स हों जिन बिल्डिंग्स के ऊपर पत्थर रखे गए थे, पेट्रोल बम रखे गए थे, और आप देखिए कि वहां पर भी थाने और सारी चीजें जलाई गई थी, वहां पर वो रिकॉर्ड जो साइबर थाना था वहां का पूरा थाना फूंक दिया गया था। तो मेरा मानना है कि ये लोग ये क्या दिखाना चाहते हैं देश को कि ये कानून से ऊपर हैं, ये किसी अदालत के किसी फैसले को नहीं मानेंगे, ये जहां जो चाहेंगे करेंगे, तो ये चीज अब चलने वाली नहीं है। अब देश चलेगा संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में और कानून के तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिदें हटाई या मंदिर क्यों नहीं हटाए, सारी चीजें चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, ये सारी चीजों पे कार्रवाई की जाएगी। पर लेकिन आप ये कह के छूट नहीं सकते कि नहीं
मेरे पड़ोसी ने कब्जा किया है तो मैं भी कर रहा हूं, पहले उसको हटाओ फिर मेरे को हटाना, ये कोई तरीका थोड़ी है। मौलाना साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और मौलाना साहब ऐसी बातें करेंगे तो ये बात गले उतरने वाली नहीं है। मौलाना साहब आप नजीर पेश करेंगे, आप जिस मंच पे बैठे हैं यहाँ पर हम और आप जो बातें कर रहे हैं वो देश की जनता सुन रही है, उस बात को हमारी बात और आपकी बातों का असर होता है लोगों पे, तो हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे कि लोग माने उन बातों को। ये प्रदर्शन करना, आइए आप देखिए 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए, महिलाएं घायल हुई, चीजें हुई, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, और जब आप इस देश में रहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस कानून और संविधान का पालन आप भी करें। अच्छा मुफ्ती साहब, एक मेरे मन में अचानक से उल्टा पुल्टा ख्याल आ गया है, मौसम ऐसा है हर कोई सड़क पर उतर रहा है। चलिए मान लो तौकीर रजा से लेके कलकत्ता वाले तक मौलाना कह रहे कि ज्ञान बापी पूजा बंद नहीं कराओगे तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे, उतर के क्या करेंगे ये भी क्लियर नहीं, लेकिन उतरेंगे। तौकीर रजा मेरे परिचित हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि भैया ये योगी जी का शासन है, ठंडा भी है, हवा में पछुआ हवा है, ठंडी है, इसमें हड्डियां बड़ी दर्द करती मौलाना मुफ्ती साहब, नहीं ये मौसम अभी ठीक नहीं है। खैर मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कल को 10,000 आदमी, हाइपोथेटिकल है मुफ्ती साहब, मैं चाहता नहीं हूं लेकिन कल बात कह रहा हूं, 10,000 आदमी मथुरा में सड़क पर उतर आए कि ईदगाह में आना जाना बंद करो, काम काज बंद करो, सब कमेटी के दफ्तर में ताला लगाओ, क्या मंदिर में मिलाओ इसको भी, क्या नहीं तो हम सड़क पर उपद्रव करेंगे, तो क्या स्थिति बनेगी मुफ्ती साहब? नहीं, ज्ञान बापी में पूजा बंद करो नहीं तो हम कलकत्ता में बवाल करेंगे। बताइए ज्ञान बापी और कलकत्ता में कितनी दूरी है? क्या मान ली 10,000 आदमी मथुरा में बेड़मी पूरी और जलेबी का नाश्ता करने के बाद सड़क पर उतर जाए और कहा ईदगाह बंद करो, तो क्या होगा मुफ्ती साहब? देखिए सुनिए, एक बहुत मशहूर कहावत है जी कि बासी कड़ी में उबाल नहीं होता, अगर कड़ी बासी हो जाए तो उसके अंदर उबाल नहीं होता। इनारा सैयद शहाबुद्दीन ने भी दिया था, चलो बाबरी मस्जिद बचाए, क्या बचा पाए क्या? बाबरी मस्जिद गिरती रही और कहते नहीं कारवां गुजर गया और गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो मैं कहता हूं कि तौकीर रजा हो या कलकत्ता के जो कोई मौलाना हो, 100 मौलाना, आजकल मौलानाओं की भी दुकान बहुत सारी बंद हो गई है, कुछ तो अपनों ने बंद कर दिया, कुछ शायद योगी ने बंद कर दिया, एक अलग बात है, मगर मैं कहता हूं ईमानदारी से, मैं कहता हूं और इसको आप गंभीरता से लीजिए मेरी बात को, बीजेपी भी गंभीरता से ले, और आप एक बहुत बुद्धिजीवी भी हैं और जहीन पत्रकार हैं। देखिए दो बातें, मैं एक पीएचडी किया हुआ फॉरेन में मैं पढ़ा हूं और मैं देश को बहुत करीब से समझता हूं, देश की संस्कृति को। बीजेपी की नजर में मुसलमान विलन है और मुसलमानों की नजर में बीजेपी विलन है, अगर ये दोनों ऐसी चलेंगे तो देश का बहुत नुकसान होने वाला है। बीजेपी को भी चाहिए कि 100 मौलानाओं को निकाल करके डायरेक्ट बात करे, और मुसलमानों के बुद्धिजीवियों के भी चाहिए कि बीजेपी के विलन बना करके नहीं बल्कि शासक के तौर पर हम प्रजा राजा की हम बात करके समस्या का समाधान निकाले। अब ईमानदारी से मैं बीजेपी को एक सलाह दूंगा कि एक व्हाइट पेपर आप जारी करें कि कितना इलीगल इंक्रोचमेंट को आपने बर्खास्त किया है इसी देश के अंदर। आप रोड पे चले जाइए, सैकड़ों जैसे आपने फर्जी मजार बताए, बहुत सारे मन्नत पूरी कराने के लिए फर्जी मजार है और आलीशान कोठियां मुजावरों ने बना लिया, हम तो हमको तो मैसर नहीं, मिट्टी का दिया भी घर पीर के बिजली के चिरागों से है रोशन, तो हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, हमें मालूम है। मगर मैं कहता हूं कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अनथराइज्ड कॉलोनियां हैं उनको बर्खास्त करो, मगर बर्खास्त नहीं कर पाए। एएसआई की रिपोर्ट है कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर जो चार मीनार के पास इल्लीगल है, उसी में जाकर के अमित शाह पूजा की है, उसी के अंदर जाकर के योगी पूजा की है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा इल्लीगल है, तो क्या उसको हटाएंगे? तो मैं कहता हूं ये बात समन्वय की है, बातचीत करके कोई रास्ता निकालिए, देश को बारूद के ढेर पर मत खड़ा करिए। देश में अगर हिंदू का नुकसान या मुसलमान का नुकसान होता है तो वर्ग का नुकसान नहीं, देश का नुकसान होता है, जिसे हमें बचने की जरूरत है। बिल्कुल मौलाना साहब, पहले एक मिनट मनोज भाई, साध्वी प्रज्ञा जी, मेरा प्रश्न वही जी,
काशी में, मथुरा में, आपने कहा ज्ञान वापी में पूजा बंद नहीं होगी तो हम सड़कों पर उतर आएंगे, और मौलाना कलकत्ता के मौलाना जमात उलेमा इस्लामी के जो है उन्होंने ये कॉल दी कि बीजेपी के मंत्रियों का घेराव करो जहां मिले, क्यों? क्योंकि ज्ञान वापी में पूजा हो रहा है। अरे बीजेपी ने पूजा कराई, जो घेराव उनका करोगे? खैर मैं ये कह रहा हूं, कल को मस्जिदों में नमाज बंद करो इसको लेके लोग सड़कों पर उतरने लगे तो ये तो सीधी लड़ाई की स्थिति बन जाएगी देश में, नहीं? बिल्कुल, देखिए अमिताभ जी, ये बात ना इन्हें समझनी होगी कि जो भी ये बयान देंगे इनको जिम्मेवारी के साथ देना होगा, नहीं तो इनको उसके रिएक्शंस और एक्शंस भुगतने के लिए तैयार होना होगा। अगर इस तरीके के ये प्रोवोकेटिव बयान देंगे जिससे युवाओं को प्रोवोक किया जा सकता है या फिर देश की जनता को प्रोवोक किया जा सकता है, तो इनको समझना होगा कि ये बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है, यहाँ पर इस तरीके की बयानबाजी नहीं चलेगी। अगर आप ये कहते हैं, आप देखिए ज्ञानवापी की बात करते हैं, हमें पता है वहां हमारे प्रभु शिव है, बाबा विश्वेश्वर का मंदिर है, वहां पे महादेव है, इन्होंने फव्वारा कहा, हमारी आस्था का अपमान किया, लेकिन हमने क्या किया अमिताभ जी, कोर्ट ऑफ लॉ को अपनाया। हम भी तो राइट्स कर सकते थे, हम भी तो ऐसे आह्वान कर सकते थे सनातनियों से कि आप सड़कों पे आए, क्या हमने किया? नहीं किया हमने ऐसा, और करेंगे भी नहीं, क्योंकि हम हर सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का आप आह्वान करेंगे, आपको अपील करनी चाहिए देश से कि शांति का वातावरण बना के रखें, ना कि आप ये आह्वान करें कि अगर ऐसा हो गया तो हम जान से मार देंगे, सरतन से जुदा। आप बताइए ना, हमारी सहिष्णुता की कॉस्ट है जो हम दे रहे हैं अमिताभ जी, कब तक देंगे? अब हिंदू जो है वो समझदार है, वो जागरूक हो रहा है, ये और नहीं चलेगा। और अगर ये ऐसी बात करते हैं कि ज्ञान वापी में पूजा रोक देंगे, तो पूजा किसी सरकार ने थोड़ी स्टार्ट करवाई है, 93 से पहले तक भी तो वहां पूजा होती थी ना, तो जिस तरीके से बंद हुई थी उसी तरीके से अब शुरू हो गई है, और एक प्रॉपर संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर। आप देखिए, आपने ज्ञानवापी की बात करी, पूजा की बात करी, अब ये जो विधानसभा में यूसीसी का लॉ पारित हुआ है, ये भी तो अब एक प्रॉपर एक तरीके से संवैधानिक तरीके से पारित हुआ है ना। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से इनको क्या प्रॉब्लम है? तब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये लोग वो देते हैं, हवाला देते हैं, तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी नहीं मानना चाहिए ना इनको। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ अमिताभ जी? ये डबल स्टैंडर्ड दिखाता है, ये हिपोक्रेसी का नेचर है जिससे इन्हें बाहर आना होगा। और एक बात और, कांग्रेस के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कार्ति चिदम्बरम की कल एक स्टेटमेंट आई है अमिताभ जी, आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड इज टेस्ट लैब ऑन हिंदुत्व ईरान। अब आप बताइए, ये उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो हिंदुत्व को किससे कंपेयर करती है? अरे वो सब मानसिक तो नहीं, कल की स्टेटमेंट है अमिताभ जी, कल की स्टेटमेंट है, इस पर क्या कहेंगे आप मुझे बताइए? यूसीसी पूछ लूंगा राज भाई से, हालांकि राज भाई तो सुलझे हुए आदमी है, लेकिन अब उनका कंट्रोल नहीं ना सब पर, नहीं तो राहुल गांधी के कंट्रोल नहीं ना, सरकार का क्या कंट्रोल होगा? पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी फ्री हो गए हैं, ब्रेक फेल है और गाड़ी ढलान पे है, कहां जाके रुकेगी भगवान अल्लाह जाने। कांग्रेस और सपा ब्रेक फेल है, गाड़ी ढलान पे है, सब सबको चपत मार रहे हैं, उसी कुएं से पानी पी रहे जिसमें भांग पड़ी है। खैर मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात को सब लोग तस्दीक करेंगे, यहां ना करें तो मन में करेंगे। 31-32 साल पहले राज भाई, एक टेलीफोन आया लखनऊ से, बोले ज्ञान वापी में पूजा बंद कर दो, हिंदुओं की एंट्री बंद कर दो, लोहे का बैरिकेड लगा दो। लिखत पढ़त में कुछ नहीं आया, लगा दिया। मान लीजिए बनारस में उसी उसके अगले दिन 10,000 आदमी सड़क पर उतर जाते और भिड़ जाते और बैरिकेड गिरा देते और पूजा शुरू कर देते तो क्या होता? क्या 10,000 आदमी को गोली मार देंगे? नहीं ना, ऐसा तो देश जनरल डायर की भी औकात नहीं थी, फिर क्या होता? लेकिन ऐसा नहीं किया भारत के बहुसंख्यक समाज ने, वो अदालत गए, मुकदमा दायर करके आए और 33 साल मुकदमा लड़ा। आज कलकत्ता वाले कह रहे कि ज्ञान वापी पूजा बंद कराओ और नहीं तो बीजेपी वालों घेराव करो। राज शर्मा जी, ये क्या, ये तो फिर वातावरण विषाक्त हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं कुछ कर रहा, ये सब बातें हैं, हवा की बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, किसका फोन आया, किसका था, ये कोई नहीं है। हर चीज होनी चाहिए रिटर्न पे होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो ना जाने, मैंने पहली बार देखा है, मैं साध्वी जी से भी एक बात को, मुझे इनकी एक बात पे आपत्ति है कि इन्होंने कहा अब हिंदू बदल चुका है। मैं सन 2014 में पैदा नहीं हुआ, मैं मेरी एक उम्र है, मैं तब से बदला हुआ था, मैं सन 2014 के बाद नहीं बदला हूं।
हिंदू बदला हुआ नहीं है, हिंदू जैसा था वैसा है, अब नहीं बदला कि हिंदू बदला। और मुझे एक भी समझ आती कि आखिर कौन किसका विरोध कर, राम मंदिर का या ज्ञान वापी का, कौन विरोध कर रहा है? कोई नहीं विरोध कर रहा है। और दो चार अभी मौलवी साहब कह रहे हैं, अरे ये हजारों लोग सड़क पर ये बरेली में डिस्को कर रहे हैं, बंद कर दो जी, अरे बंद कर दो। और मैंने वो भी देखा है, या आज से 15 साल पहले, या डीआईजी का नाम भूल रहा हूं बरेली में, उन्होंने तौकीर साहब को बुलाया कोतवाली में, कहा या तो कल कुछ करना मत या मैं आपको जेल डाल दूंगा। ये कोतवाली की बात है, 42 गाड़ियां तब थी, कहा इसमें बैठा के ले जाएंगे। ठीक, देखिए प्रशासन पे ताकत होती है। ठीक है राज भाई, ठीक है, ठीक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात हल्ला करने दे रहे, ठीक राज भाई, एक मिनट, मैं तो बड़े धर्म संकट मनोज बाबू और बड़े धर्म संकट फंस गया, क्योंकि रजा मेरे परिचित, राज शर्मा जी भी मेरे परिचित। अब ये ऐसे ये लोग भड़का देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं, 370 हटा के दिखाओ माँ का दूध पिया है तो हो गया काम, अयोध्या मंदिर बना के दिखाओ माँ का दूध पिया बन गया मंदिर, अब ये कह रहे कि सजा दे के दिखाओ, काहे को ठंड में तो की रजा के लिए मुसीबत पैदा करोगे भाई, देख तो चुके आप क्या क्या हो सकता है, अब भी कोई नजीर बाकी है समझने के लिए? चौकी राजा सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे, राज शर्मा हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं टीवी बैठ के, योगी जी सुन लेंगे पता लगा क्या से क्या स्थिति हो जाए, मुफ्ती साहब नहीं, मेरी चिंता ठंडा भी ज्यादा है, इसलिए रुक जाओ। ये अभी की कह रहे हम, कह रहे ठंड ज्यादा है अभी, हाथ पैर ज्यादा दर्द करें। पंडित जी मैं अच्छा जानता हूँ मनोज जी, ठीक ठीक मनोज पंडित जी, मनोज पंडित जी, मसला वही मैं कह रहा हूं, हर क्रिया की एक मिनट रुकिए राज भाई, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है क्या? चरण सिंह जी को, जैसे चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला, उसके 5 मिनट क्रिया हुई, 5 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया हुई, जयंत ने कहा अब किस मुंह से मना करूं, दिल जीत लिया मेरे आका, नहीं तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया है क्या? और अब तो डोला रे डोला सिंड्रोम हो रहा है देश में, नीतीश बाबू डोल चुके, जयंत डोल चुके, उद्धव आधा डोल चुके, आधा डोलने वाले हैं, सुखबीर बादल 75% डोल चुके हैं, कल तक पूरा डोल लेंगे, और राज भाई कह रहे कुछ नहीं बदला, बताओ अच्छे अच्छे बदल रहे हैं, और राज बाबू कह रहे कुछ बदल नहीं रहा है। मनोज पंडित, राज भाई की मजबूरी है, मैं राज भाई जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैठ के, इन्हें बोलना ही उसके पक्ष में है, और कोई विकल्प है नहीं। मैं और रही बात भाई, दूसरी बात मेरी सुनिएगा, राज भाई सुनो तो सही, अरे भाई आप ज्ञानी पुरुष है, आप मेरी बात तो सुने, आप मैं बताऊं कि देखिए बहुत कुछ बदला इन 10 सालों में, देश बदल गया, आप कहाँ, आप तो कहाँ रह रहे हैं, आप देखिए तो सही कहाँ बदल गया देश, कहाँ बदल गया देश, नहीं अरे बताओ कहाँ नहीं बदला, आप मुझे बताइए क्या कहाँ कैसे बदलेगा, अच्छा बदलने की परिभाषा क्या है आप मुझे बताइए, बदलने की डेफिनेशन बताइए, क्या डेफिनेशन है बदलने की, कैसे बदलेगा, जो बोला है करके दिखाया है राज भाई, गाली देता है जो बोला है करके दिखाया है, ये दम भारतीय जनता पार्टी में है, इसके अलावा कहीं नहीं, आप ये देखिए आप नहीं देते किस, अच्छा आप बताइए आप लोग किस पे बात करते हैं, आज रोजगार बताइए आप, क्या दिया आपने रोजगार, नहीं नहीं आप, अरे आप बताइए क्या बात कैसे आप, अच्छा ये जो बरेली में हो रहा है इससे रोजगार मिलेगा, और जो हल्द्वानी में हो रहा है इससे रोजगार मिलेगा, ये फैक्ट्री लगाने का काम चल रहा है क्या, किसने मना किया आपको, हर चीज में बात करेंगे हम लोग, पर लेकिन आप सच्चाई को, आप बिल्ली कबूतर वाली मत करो पंडित जी, बिल्ली ने आग बंद कर ली, धर्म पे जीत रहे हो, आग बंद कर ली तो बिल्ली गायब हो गई, गायब नहीं हुई बिल्ली, वही थी बिल्ली कबूतर, आपको पूछने वाला कोई नहीं, रोजगार की बात, ऐसा कोई प्रावधान जो कि जो जनता के सामने दिखे ही ना, बिल्ली कबूतर वाली बात कर रहे हैं आप, क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है, आप बताइए 370 लेके देख लीजिए, राम मंदिर लेके देख लीजिए, ट्रिपल तलाक को लेके देख लीजिए, सारे किसी भी मुद्दे पे बात कीजिए, हर मुद्दे पे बात करने को तैयार है,
राज भाई ने कहा कि धर्म पर लोग जुड़ रहे हैं राजनीति में, उनकी इस बात से एक मिनट भाई अच्छी बात बोल रहा हूं ना इत्तफाकी। आज मेरा मेरी भाव मुद्रा कतई टकराव की नहीं है, आनंद की है और दुखी हूं घटनाओं से। मैं ये नहीं समझ पा रहा, चंद्रबाबू नायडू 360 डिग्री घूमे, धर्म का विषय नहीं है शरण, तो वैलेंटाइन डे दूर है और राजनीतिक वैलेंटाइन चालू है। ये तो देखो, ऐसा सियासी वैलेंटाइन कभी भारत ने नहीं देखा। नरसिंह राव जी का लड़का मुफ्ती साहब, क्या बेटा पानी पी के कांग्रेस को कोस रहे, करे भाजपा जिंदाबाद। मोदी जैसा आदमी नहीं देखा जो हमारे पिता की कांग्रेस ने कतई नाकदरी की। ये तो मोदी हैं जिन्होंने आज उनको भारत रत्न दे दिया। और ये राज शर्मा करे भारत बदला नहीं, बताइए और कितना बदलेगा, क्या छत से कूद जाए आदमी मुफ्ती साहब? अमिताभ जी, अमिताभ जी, राज शर्मा जी की मजबूरी है। राज शर्मा जिस पक्ष को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं वो बोलेंगे ऐसे, नहीं तो ठीक है। अरे मुफ्ती साहब एक मिनट को, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, ये राज, ये देश बदला नहीं है क्या और कितना बदलेगा? नहीं नहीं सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए जी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी चले, अब नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट तक चल रहे, मगर उनके चलने के बाद भी कांग्रेस चल नहीं पा रही, ये तो कांग्रेस की दुविधा है, एक बात है। दूसरी बात क्या है, ममता की भी कब ममता बरसाते हैं मोदी जी पर, ये नहीं कह सकते, मगर डोला रे डोला पूरा, अगर और डोलाना है तो मैं कहता हूं कि बाला साहब ठाकुरे को भी मोदी जी अगर भारत रत्न दे दे तो पूरी तरह उद्धव जी भी चले जाएंगे। सुनिए सुनिए, एक बात है, दूसरी बात क्या है कि अखिलेश भी कब पाला बदलने पता नहीं। और अभी आप देखिए साउथ के अंदर क्या हुआ, साउथ में नायडू और जगनमोहन रेड्डी दोनों बीजेपी पर सवारी करने के लिए तैयार है। अब बीजेपी देख रही कि हमारा फायदा नायडू के साथ है या जगन के साथ है। नायडू तो बैगन के थाली, थाली के बैगन है, हमारे पास जो हैदराबाद का एक कहावत है थाली का बैगन है, कभी इधर कभी उधर। मगर बात तो सीधी है कि मोदी ने पूरी तरह से कांग्रेस से लेके अपोजिशन को हिंदुत्व के पीच पर ला करके बैकफुट पे डाल दिया है, खेल भी नहीं पा रहे और खेल बिगाड़ भी नहीं पा रहे। एक तरफ रेवंत रेड्डी हमारे सीएम कह रहे कि मैं जाकर के यहाँ अयोध्या में राम मंदिर में पूजा करूंगा, राहुल गांधी भाग रहे। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की नीति से चोर को चोरी करने के लिए बोल रही है और बादशाह को खुश रखने के लिए ये पॉलिसी है, यही पॉलिसी कांग्रेस को। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं साध्वी साध्वी प्रज्ञा भारती के पास चलूंगा। प्रज्ञा जी, एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, कहा भी ना जाए सहा भी ना जाए, क्या कांग्रेस उस स्थिति में आ गई कि क्या कहे और क्या सहे? देखिए अमिताभ जी, भाई नरसिंह राव का परिवार भाजपा ही हो गया, वो कह रहा है कि मोदी से अच्छा नेता कौन हो सकता है, जिस पार्टी के लिए हमारे पिता ने प्राण दे दिए, पूरा जीवन दे दिया, भारतीय प्रधानमंत्री रहे, उसके शव को गांधी परिवार ने पार्टी के दफ्तर में नहीं अंदर जाने दिया जी। बिल्कुल अमिताभ जी, ये जो आपने बोला है बहुत ही सटीक बोला है, क्योंकि अभी आप देखिए कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा एक कंफ्यूज्ड माइंडसेट से गुजर रहे हैं। ये लोग कभी सनातन पर अटैक करते हैं, आप इनका इतिहास देखिए, भी कुछ समय की मैं बात करती हूँ, देखिए कांग्रेस तो सनातन विरोधी सरकार है ना, और अभी देखिए सनातन पर अटैक करते हैं, कभी कोविड बोलते हैं, कभी मलेरिया, कभी डेंगू से कंपेयर करते हैं, यहाँ तक कि मल्लिका अर्जुन खड़गे जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी कि अगर 2024 में मोदी जी आ गए तो सनातन की पुनर्स्थापना हो जाएगी। आप देखिए इसका मतलब दे आर वेरी क्लियर दैट दे आर नॉट विथ सनातन धर्म। उनकी ही पार्टी के लोग कहते हैं कि इनको भगवे से प्रॉब्लम है, इनको तिलक से प्रॉब्लम है, यानी सब कुछ क्लियर है, पूरे भारत को इनकी स्थिति क्लियर है। अब बात आती है कि ये जो भारत रत्न की है,
अब इनकी ही पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमें भाजपा ने ये जो आदर सम्मान दिया है ये हमारी ही पार्टी ने हमें कभी नहीं दिया। तो अब आप बताइए इनके पास क्या बच गया है, क्या रह गया है। राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर पीड़ा होती है मन के अंदर, है ना। अगर आपको भारत से आपत्ति है, भारत से प्रॉब्लम है, भारतवासियों से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर बैठ के डिस्कस कीजिए ना। आप विदेशी भूमि पर जाकर अपने देश की मिट्टी का अपमान करते हैं और आपको लगता है कि आपके आपका सम्मान होगा तो आपकी ये गलतफहमी है। भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब प्लीज, लेट मी स्पीक। मुझे एक बार अपना पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम को काल्पनिक बोला है, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया है, जिन्होंने आमंत्रण और निमंत्रण पर पॉलिटिक्स खेली। और इतना ही नहीं अमिताभ जी, 2014 से पहले ये लोग ना कभी रुद्राक्ष पहनते थे ना जनेऊ पहनते थे, चाहे दिखावे के लिए ही, चाहे चुनावी यंत्र के लिए ही, लेकिन इन्होंने भी 2014 के बाद मत पहचाना ठीक कर दिया। साधु प्रज्ञा स्वामी का कहते हैं तुलसी भाई को ठीक है साधु, मैं राज शर्मा जी को आप ध्यान में आ रहा हूं। एक मिनट दोनों लोग रुकिए, एक मिनट। अरे रुको भाई, राज भाई आ रहे हैं आपके पास। एक बात मैं सबके हित के लिए कहूं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, मुफ्ती साहब आप तो आलिम फाजिल हैं, साध्वी जी भी हैं। जिस चीज का प्रदर्शन हमको पब्लिक में करना हो शो, उसकी रात भर तैयारी कर लेनी चाहिए, नहीं अगर आप उसके मास्टर नहीं है, नहीं अगर आपको सुबह कुरान पढ़नी है पब्लिक में तो रात भर कुरान पढ़ो ताकि सुबह गलत ना पढ़ो, नहीं वेद पढ़ना है तो रात भर वेद पढ़ो, छत पर खड़े होकर पढ़ो, जमीन नीचे बैठ के पढ़ो, लेकिन याद करो, बात भद मत कराओ। मैं एक सलाह देता हूं राज भाई, राहुल जी को, आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, पूजा पाठ करने का मन है, अच्छी बात है, होना चाहिए, सबका होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, तो पूजा पाठ के विधान समझ लो। क्या नमाज पढ़ने की एक प्रक्रिया है, एक टांग ऊपर उठा के तो नमाज नहीं पढ़ने लगेगा कोई, वजू करने का एक सिस्टम है, रुद्राभिषेक का भी एक सिस्टम है, नहीं बिल्कुल ठीक है कि महादेव पर जो जल दूध या गन्ने का रस जिससे भी कर रहे हो वो कैसे चढ़ेगा, दूसरा हाथ कहां होगा और धार कहां गिरेगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ठेले ठेले ले 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 ले, नहीं, इससे फायदे की जगह नुकसान नहीं हो जाता। राजबाबू आपको दिल पे हाथ रख के बताओ, देवघर वाला वीडियो देखो, पंडित जी कह रहे हैं अरे चाचा इधर इधर चढ़ाओ, ऐसे बताइए राज भाई। नहीं एक्चुअली क्या है, दिक्कत क्या हो रही है इस देश में कि चुनी हुई सरकार जो जिस चीज के लिए चुनी गई है वो काम नहीं कर रही है। मुझे आपत्ति है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं राहुल जी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रज्ञा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आफ्टर वेरिंग बिल्कुल गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा होना नहीं है, आप मुझे इतना बता दीजिए, राहुल जी ने फौरन फौरन में क्या कहा था, पूरी स्पीच आपने सुनिए, आपने सुनिए तो मुझे बता दीजिए, अधूरे में मत बोलिए, अगर आप गलत बोलेंगी मुझे दुख पहुंचेगा, आप साध्वी हैं, अरे मैं पंडित आदमी पूजा पाठी हूँ, पॉइंट बोलिए आप, वो तो ये क्यों गलत बोल रही, आप पार्टी मत बनिए, व्हाई यू बिकमिंग अ पार्टी। एक बात करती हूँ मैं आपसे, भाई साहब सुनिए सुनिए, मैंने आपकी बात सुन ली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर ये राम मंदिर का कार्य आपकी पार्टी करती, अगर उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सनातन पर अटैक नहीं करते तो आज हम आपकी पार्टी को बधाई दे रहे होते, आज मैं आपको धन्यवाद देती, लेकिन सुनिए भाई साहब, आपने आपकी पार्टी ने बार बार अपमान किया है मेरे प्रभु श्री राम का, आपकी पार्टी ने बार बार सनातन धर्म पर अटैक किया है, और किसी ने मैं तो कहा और फिर से कहते हैं बदला हुआ भारत है, ये नया भारत है, नहीं राम का अपमान सहेगा सनातन धर्म का अपमान सहेगा, और आप ही ठीक है राज भाई, आगे बात आगे, मुफ्ती साहब आएंगे अभी, मैं मनोज जी के पास चलूं, ठीक है
एक बात आई थी, हमारे मित्र राज जी ने पूछा कि राहुल गांधी का बयान दिलाओ, कोई याद दिलाओ। अब मेरे साथ ये प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है कि मैं कुछ भूलना भी चाहूं मुफ्ती साहब तो ये भूलने नहीं देते मुझे परमात्मा। क्या कोई गूगल साथ नहीं रखता, कोई साधन नहीं, कोई कागज पत्र नहीं रखता, और ऐसा लगता है वो दिमाग में फेंक देते हैं कि अब ये लो। क्या नेहरू जी के वंश का युवा, अब तो खैर युवा नहीं, युवा से थोड़ा आगे है राहुल जी, वो मैं समझता हूं हो सकता किस मुद्रा में कह गए, मैं उन पर कोई बहुत आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन उनका एक बयान था जिससे वो भाग नहीं सकते कि लोग मंदिर जाते हैं चप्पल चोरी करने और लड़की छेड़ने। कोई मूर्ख आदमी भी ऐसा बोलेगा कि लड़की छेड़ने मंदिर जाते हैं? अच्छा आप मंदिर गए, फिर अभी आप भी मंदिर होके आए, ऐसा बयान काहे को तो जो गले में पड़ जाए। मंदिर नहीं, हम तो कोई मुझसे ये कहे कि मस्जिद भी लोग लड़की छेड़ने जाते हैं तो भी मैं बुरा मानूंगा, गुरुद्वारा किसी के लिए कहे, ये कोई भाषा है? और जिन लोगों को वोट की राजनीति करनी है उनको तो जुबान पर एक्स्ट्रा एहतियात रखना चाहिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मनोज पंडित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अमिताभ जी, स्थिति क्या है, राजभाई पूरी परिस्थितियों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। डाइजेस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि जो गठबंधन बनाया, जो चीजें बनाई, वो आज कहीं ना कहीं इनके साथ नहीं है। इनको लग रहा है कि ये हो क्या गया, समझ नहीं, पूरी प्रक्रिया नहीं समझ पा रहे। आप ये देखिए नरसिम्हा राव इधर भाग रहे हो, 80 सीटें जीत रहे हो। अरे अरे भाई, हम कटोरा लेके घूम रहे हो। आपको याद है जब मध्य देखो राज भाई सुनिए, तब आपने क्या बोला? 80 जीत रहे हो, विधायक नहीं 80 जीत रहे हो, हम हमने फिर भाग रहे हो, तैयारी की है किसी विधायक को नहीं उठने देंगे। माहौल बना दिया, मैंने आपको डिबेट में एक बात बोली थी राज भाई, माहौल बना दिया मनोज भाई कि विधायक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज भाई जनता वही गुंडा तत्व ऐसा फैसला लेगी, बात सुनिए ना, कि किसी विधायक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा क्यों जा रहे हो? विधायक तो नहीं उठाना पड़ा, जेंट के आगे झुक गए, मैं क्या करूं, राजपर विधायक के उठाना नहीं पड़ा, नीति जी के आगे झुक गए, डेट में सब बता रहा हूं राज भाई, अरे बताओ क्यों झुक गए? अरे पंडित जी नहीं बता दो, 80 सीट ला रहे हो, कहां पे झुक गए आप मुझे बताइए, कहां झुक गए, कहां झुके, कटोरा लेके मुझे बताओ कहां झुके, कटोरा लेके नहीं घूम रहे हो, बोलिए नहीं नहीं हम क्यों कटोरा लेके घूमे, कटोरा लेके तो आप घूम रहे हो, आपके नेता कटोरा लेके क्या, आप तो बुरा कढ़ाया लेके घूम रहे हो। नहीं नहीं देखिए मेरी बात सुनिए राज भाई, और मोदी जी की 40 मिनट की डिबेट करा दो, अगर आप में हिम्मत हो चैलेंज है, डिबेट बुद्धिमान व्यक्ति से होती है राज भाई, डिबेट का व्यक्ति से होती है, रुक जाइए समय कम है, मैं एक आखिरी टिप्पणी मुफ्ती साहब से लूंगा। मुफ्ती साहब क्या आपको ये नहीं लगता कि अब वो समय आ गया कि मुस्लिम्स के बीच से सकारात्मक सोच वाली लीडरशिप बाहर आए और मंच पर जो अभद्र लोगों ने कब्जा कर रखा है, अल्लबल्ल बोल के उत्तेजना फैलाने वाले लोगों ने, वो लोग मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, ये बात मुसलमानों को बताने के लिए निकले वो समझदार लोग मुस्लिम लीडर? नहीं देखिए मुसलमानों में शऊर आया है, मगर मीडिया उन्हीं को जगह देती है जो भड़काते हैं लोग, मीडिया संजीदा मुसलमान स्कॉलर को तो टीवी में जगह नहीं देती है और आते भी नहीं। हम जैसे लोग सिवाय आपके एक दो चार शो में जाते हैं, हम लोग भी बहुत कमाते हैं, मगर मैं बात बताता हूँ जाति जनगणना की, कांग्रेस कैसे कैसे कंफ्यूज हो रही है, कांग्रेस कह रही कि जाति जनगणना की बात कर रही है, इंदिरा ने उसके जी ने मुखालिफत किया, नेहरू जी ने मुखालिफत किया, एक जमाने में नारा था कांग्रेस का न जात पर न पात पर मोहर लगेगी, हाथ पर इंदिरा जी की बात, इंदिरा जी की बात पर राजीव गांधी ने 90 में पार्लियामेंट में बोला था कि मैं मंडल कमीशन का विरोध करता हूँ, ये राजीव गांधी ने बोला था, आज जो है हाँ बोला था, आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1952 के बाद
2024 में जो कांग्रेस की सरकार बनी है 1952 से लेकर के यूनाइटेड आंध्र, बाद में 2014 से तेलंगाना का गठन हो गया, आज कैबिनेट में एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, ये रेवंत रेड्डी की सरकार में। और राहुल जी जा करके मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहते हैं कि देश में एक दिन मुसलमान जो है प्रधानमंत्री बनेगा। 7% जो है तेलंगाना में रेड्डी हैं, 7% रेवंत रेड्डी सीएम बन गए, 4-5 जो है मिनिस्टर बन गए। और मल्लू विक्रमा भट्टी एक दलित है जिसकी 16% आबादी है, 30 साल से मुसलसल जो है कांग्रेस को लेकर के चला, मेहनत किया, उसको इसलिए सीएम नहीं बनाया गया कि वो दलित है। तो कांग्रेस की मानसिकता निहायत ही जर्जर है। राहुल गांधी को, केसी वेणुगोपाल, ऐसे लोग जो जनता के बीच में इलेक्ट नहीं है, जयराम रमेश, प्रिया सिनेते प्रिया, ऐसे ऐसे लोग, अगर वो एक और है बिहार के कन्हैया कुमार, ऐसे लोग अगर कांग्रेस के सलाहकार बन जाएंगे तो इसका कांग्रेस का विसर्जन होना जरूरी है। मैं कहता हूं कि गांधी का सपना, एक गुजराती का सपना, दूसरा गुजराती पूरा कर रहा है और मुझे लगता है कि वो पूरा कर जाएगा। राज भाई, छोटी सी टिप्पणी, मुफ्ती साहब ने कहा एक गुजराती का सपना, यानी गांधी जी का सपना था कांग्रेस विसर्जित कर दी जाए, वो करेंगे, गांधी जी के समय में नहीं हुई लेकिन दूसरे गुजराती यानी नरेंद्र मोदी के समय में वो विसर्जित हो रही है। राज शर्मा जी, छोटी सी टिप्पणी, समय कम है। डर के पीछे इनका बयान है, सबसे छोटी प्रतिक्रिया, डर के पीछे इनका बयान है, ये डरपोक व्यक्ति हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, इनको डर है। ठीक ठीक ठीक, अब रुकना होगा। देश का दुर्भाग्य है, मुफ्ती नदीमुद्दीन जैसे लोग जो हैं उनको आप बता रहे हो डर के साथ हैं, तौकीर रजा जैसे लोग बहादुर हैं, देश को कहां झोंकना चाहते हो मित्र? और मेरी उनके साथ भी सहानुभूति है जिनको ये सड़क पर उतार देते हैं तौकीर रजा जैसे लोग, मुकदमे हो जाएंगे, घर बिक जाएगा, खेत बिक जाएगा, चप्पल बिक जाएगी जमानत कराने में, तौकीर रजा किसी को रोटी देंगे? हमने तमाशा बहुत देखा मित्र, 35 साल के पत्रकारी जीवन में ऐसा तमाशा मैंने बहुत देखा। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, जो मौलाना मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे, जो सबसे ज्यादा भड़काए थे, मौलाना नाजिम, शायद अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूं, मैं गया था उनका इंटरव्यू करके लाया था, उनको दंगा काल में ही जेट सिक्योरिटी मिल गई थी अल्लाह का नाम लेके, हैं? और 30 पुलिस वालों के साथ वो सरसों के तेल की मालिश करा के धूप में लेटे थे, क्या गरीब मर गया था, गर्भवती स्त्रियों का गर्भ गिर गया, घर जल गए, जानवर फूंक दिए गए जिंदा, मैंने देखा मुजफ्फरनगर। कौन माइकल लाल गया था वहां मदद करने? अब भाषण सब दे रहे हैं, कोई गया था? नहीं ना। मौलाना नजीर, हां मौलाना नजीर का जलवा अफरोज हो गया, लेकिन रज्जाक और अब्दुल का बर्तन भाड़े बिक गए, आज तक मुकदमे झेल रहे हैं, आज तक। मुफ्ती साहब, हैं? बर्तन भाड़े बिक गए, चप्पल बिक गई, फिर भी अदालतों में धक्के खा रहे हैं, मैंने देखा। कांग्रेस गई, समाजवादी गए उनकी मदद को नहीं, बसपा ही गए नहीं। फिर मैं फिर कहता हूं, घड़ी की सुई को ठीक दिशा में रखो। ये बात जो कही साध्वी प्रज्ञा ने या मनोज पंडित ने, ठीक कही। इसको इसलिए मत लीजिए कि भाजपा ज्यादा सीटें जीत रही है, देश बदल गया है मित्र, बदल गया है। अब बनात वाला नहीं चलेगा, जियाउर रहमान अंसारी नहीं चलेगा। मैंने कल कहा था सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों पर फैसला दिया, मुफ्ती साहब को याद है, राजीव गांधी ने उसको लोकसभा में लाके टर्न डाउन किया, बनात वाला बोलने खड़े हुए, बनात वाला ने कहा राजीव जी तेली और तमोली से कुरान का वो करवाओगे व्याख्या तो ऐसा ही होगा। लो, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को तेली तमोली बता दिया है, और कांग्रेस ताली बजा रही थी। ये करेंगे? देश बदल गया है मित्र, जान लीजिए, और बदलना चाहिए। और मैं तो कहता हूं विश्वास की बात है, मानना ना मानने की स्वतंत्रता है,
लेकिन देखिए जिस दिन से रामलला की का विग्रह, प्रज्ञा जी, जिस दिन से रामलला का विग्रह अपने मंदिर के गर्भगृह में आया, प्राण प्रतिष्ठा नहीं 18 से, तब से भारत के घटना चक्र को देख लीजिए। क्या अभी महीना नहीं हुआ है प्राण प्रतिष्ठा को? मुझसे एक सज्जन कह रहे थे, वो कह तो मजाक में रहे थे लेकिन ठीक है, हास्य बोध है, उसी रूप में लीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कह रहे थे, दिग्विजय सिंह वगैरह, राजभाई, कि बहुत गलत मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो हमसे एक नेता कह रहे थे कि भाई साहब वो सही कह रहे थे, जो कुछ पोटली में था वो भी जा रहा है कांग्रेस की, क्या मुहूर्त गलत ही निकला उनके लिए? तो भाई भुनी हुई एक राजा नल की कथा आती है, उनका भाग्य विपरीत दिशा में गया, मनोज पंडित जी राजपाट चला गया, जेवर चला गया, तीर तलवार सब चली गई, अपनी पत्नी के साथ नदी किनारे आ गए मुफ्ती साहब, तो बोले मछली पकड़ के लिए आते हैं, तुम चूल्हा जलाओ यहीं कंडा, और इसी मछली भून खा लेंगे और कुछ नहीं। फिर बोले अच्छा भून तो ली है, तब तक नहा के फिर खाते हैं, देखा क्या मछली भुनी हुई मछली नदी में वापस भाग गई। क्या इंडिया गठबंधन के साथ वैसा नहीं हो रहा है? भुनी हुई मछली नदी में भाग रही, ये क्या स्थिति बन रही है? ये रामचक्र है, कालचक्र भी है और रामचक्र भी है। इस देश के मन को समझना जरूरी है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, नेता रहेंगे जाएंगे। गोखले तिलक से हमने स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू की, गांधी से होते हुए आज तक तमाम लोग आए और समय के साथ अपना अपना रोल निभा के चले गए ना। लेकिन भारत का मन कहां है ये समझना जरूरी है। ये गांधी को समझ थी इस बात की, ये तिलक को समझ थी, ये गोखले को समझ थी, ये बाल गंगाधर तिलक को समझ थी। उन्होंने गणेश उत्सव शुरू किया। और आज भाई भाजपाइयों की बात छोड़ो, लोहिया जी तो आजकल, आप लोहिया जी के जो राजनीतिक शिष्य हैं वो सब आपके इंडी गठबंधन में हैं। लोहिया ने क्या कहा था? लोहिया ने कहा, ये बात कांग्रेस में सुनाइएगा, गूगल में मिलना मुश्किल है इसीलिए सुनाई दे रहा हूं। लोहिया ने एक बार कहा मुफ्ती साहब कि बद्रीनाथ से रामेश्वरम या रामेश्वरम 3,500 किलोमीटर की दूरी है दोनों छोरों पर है। बोले चाहे रामेश्वरम में और चाहे बद्रीनाथ में, 1 घंटा खड़ा हो जाए व्यक्ति, पूरा हिंदुस्तान उसकी आंखों से गुजर जाएगा। क्या ये भारत है? ये भारत की तासीर है, ये भारत की शक्ति है, इसको समझना होगा। ऐसी कोई दूसरी जगह बता दीजिए जहां 1 घंटा कोई भी आदमी खड़ा हो, पूरा देश का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उसके चेहरे उससे गुजर जाए, दृष्टिपथ से। ये लोहिया ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं तो बहुत छोटा आदमी, लोहिया बड़े आदमी थे, उनका देश में चिंतन था। आपने उस बात को स्वीकार नहीं किया, आप उसे लड़ते हैं बार बार, और जब स्वीकार भी करते हैं तो दबे मन से करते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बना करते हैं। ये किन लोगों ने कहा था कि राम काल्पनिक है? जिन लोगों ने काल्पनिक कहा वो राम की मूर्ति का ताप देखे क्या से क्या हो गए देखते देखते, एक वो गाना था क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या स्थिति बन गई? मैं फिर कहूंगा, हल्द्वानी हो, बरेली हो, कलकत्ता हो, उत्तेजना का दौर छोड़ दीजिए, उत्तेजना से कुछ हासिल नहीं होगा। और अब उत्तेजना भी आप नहीं फैला पाएंगे ये जान लीजिए। आज मेरी अपनी जानकारी है राजबाबू, हल्द्वानी में मुफ्ती साहब सैकड़ों अतिक्रमण हटाए गए, सैकड़ों, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। शासन का इकबाल होता है, हो गया, चला बुलडोजर, कोई माइका लाल वहां ये कहने नहीं गया कि हम गोली मार देंगे बुलडोजर वाले को, नहीं ना। लेकिन आपने 100 पुलिस वाले घायल करा दिए, तौकीर रजा तो गिरफ्तारी होती है छूट जाते हैं, वो गिरफ्तारी में भी बिरयानी खाएंगे, उन्हें थोड़ी कोई मार रहा है। लेकिन रजाक को मुश्किल हो जाएगी,
ये जिस दिन भारत समझ लेगा उस दिन ये सड़क पर बंडलिज्म खत्म हो जाएगा, ये उपद्रव और उत्पात खत्म हो जाएगा। मित्र ज्ञान बापी में पूजा बंद करो, मैं कहता हूं मुफ्ती साहब ये नारा जो भी दे रहा है वो भारत में चिंगारी का खेल खेल रहा है, ये नारा ठीक नहीं। ज्ञान बापी में पूजा किसी की कृपा से नहीं है और किसी के हुक्म से बंद भी नहीं हो सकती। 33 साल मुकदमा लड़के भारत के सनातन धर्मावलंबियों ने अदालत के आदेश से पूजा का अधिकार पाया है। किसी पार्टी की कृपा है, किसी नेता की कृपा है क्या? ये रास्ता ठीक नहीं। ये करिएगा तो प्रतिक्रिया के लिए आपको तैयार रहना होगा। धरती का नियम है, क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहिए। उस रास्ते पर मत जाइए। और मैं तो कहूंगा कल लोकसभा में राज्यसभा में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव आ रहा है। राम सबके हैं, बिना किसी विरोध किंतु परंतु के दोनों हाथ उठाकर भारत की संसद को रामलला के धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करना चाहिए और वो कागज रामलला के चरणों तक पहुंचना चाहिए। विग्रह के श्री चरणों में वो कागज रखा जाना चाहिए कि भारत की संसद अपने रामलला को कृतज्ञता के साथ स्मरण करती है। धन्यवाद। कल हल्द्वानी को जलाया गया और आज बरेली को सुलगाया गया। आज बरेली में मारने काटने की धमकी दी जा रही। मौलाना तौकीर रजा ने हजारों लोगों को सड़क पर उतार दिया। हल्द्वानी का दंश, उसकी पीड़ा कम नहीं हुई थी देश में कि बरेली में भी चिंगारी का खेल खेला जा रहा है। हल्द्वानी से बरेली तक क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? बरेली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को अपशब्द कहे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए बदजुबानी हो रही है सड़क पर। कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर चलाएगा हम उसको मार देंगे, काट देंगे। और कलकत्ता में ऐलान हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ अगर कल बंगाल आएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे, उनको काले झंडे दिखाएंगे। बोले क्यों? बोले ज्ञान बापी में पूजा कैसे शुरू करा दी, ज्ञान बापी में पूजा बंद करो। मौलाना कह रहे ज्ञान बापी में पूजा भाजपा ने नहीं शुरू कराई, अदालत के आदेश पर हुई है भाई मौलाना साहब। लेकिन मूल प्रश्न ये कि हल्द्वानी से बरेली तक ये अग्निपथ क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे की डिजाइन क्या है? हल्द्वानी में समस्या क्या थी? हाई कोर्ट के आदेश पर एक अवैध मदरसे को हटाने के लिए गया था नगर निगम, पुलिस पर हमला हो गया, थाना फूंक दिया, सरकारी गाड़ियां फूंक दी, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, 100 से ज्यादा घायल हुए, सरकारी अधिकारियों को जान बचाना मुश्किल पड़ गया। ऐसी स्थिति पैदा कर दी। सुनने में आ रहा है कि हल्द्वानी में जो कुछ हुआ है तांडव उसके पीछे पीएफआई का तार कहीं जुड़ा हुआ है, ये सुनने में आ रहा है। क्या इस हिंसा के तार बाहर तक है, ये समझना होगा। और हल्द्वानी में वही इलाका है ये जिस इलाके में रेलवे ने जब अपनी संपत्ति अतिक्रमण से मुक्त करानी चाहिए थी अपनी जमीन, तो 50,000 लोगों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया था और अल्लाहु अकबर का नारा गुंजा दिया था। क्या सरकार को बंधक बनाने की कोशिश हो रही है? क्या प्रशासन को भयभीत करने की धमकी देने की स्थिति पैदा की जा रही है?
बरेली में मौलाना तौकीर रजा, तौकीर मौलाना तौकीर रजा विवादित कामों के लिए, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम मार देंगे, काट देंगे जो बुलडोजर चलाएगा। बुलडोजर अदालत के आदेश से चलेगा, तौकीर रजा किसको मार देंगे और कैसे मार देंगे? कोई घर की खेती है, कानून का राज है। तौकीर रजा ने कहा, ऐलान किया था कि जुम्मे की नमाज के बाद हम गिरफ्तारी देंगे, और आज वो गिरफ्तारी देने चले, हजारों लोग सड़क पर उतार दिए, अफरा तफरी की स्थिति बन गई बरेली में। क्या चुनाव नजदीक है लोकसभा का, क्या इस सब के पीछे चुनाव का कोई मसला है? क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस किया जा रहा है? और अगर हां, तफरी गंभीर स्थिति है और सरकार को इसको उतनी ही गंभीरता से इसका प्रतिकार करना चाहिए। बरेली के ईदगाह मैदान से उत्तर प्रदेश सरकार के इकबाल को चुनौती नहीं दी जा सकती, शासन के इकबाल को चुनौती नहीं दी जा सकती, ना बरेली के ईदगाह मैदान से और ना हल्द्वानी के उस इलाके से। अभी शाम को पुष्कर धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड हल्द्वानी में है, और आज हल्द्वानी में बुलडोजर खूब चला, जहां दिखा अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ है, होना चाहिए। सरकारी जमीन, सार्वजनिक उपयोग की जमीन आप कब्जा कर लेंगे, नमाज घर बना दिया, मदरसा बना दिया, फिर तमाशा बना दिया। अरे बना लिया, जब हटाने की बारी आई तो शांति से हटने दीजिए, तो आप मारने काटने पर आमादा हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगा इस गंभीर विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि हल्द्वानी से बरेली तक और बरेली से कोलकाता तक डिजाइन एक ही है, क्यों अब ज्ञानवापी को मुद्दा बनाया जा रहा है कि ज्ञानवापी में पूजा रोको, जमायत इस्लामी कह रही। अरे भैया, आपसे पूछ के पूजा शुरू हुई है, आप हिंदुस्तान के मालिक मुख्तार हैं, आप सरकार हैं नहीं, आप अदालत हैं नहीं, फिर आप क्या हैं? बोले खामोखा। आप सरकार हैं नहीं, अदालत हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट है नहीं, हाई कोर्ट है नहीं, क्या हैं? बोले हम खामोखा हैं। साइड होइए, आपके कहने से कैसे पूजा रुक जाएगी? अदालत के आदेश से जारी पूजा को कौन माई का लाल रोक सकता है? महादेव की उस पूजा अर्चना को कोई भाई का लाल रोक सकता है क्या? किसी की कृपा से पूजा हो रही है क्या ज्ञानवापी में, कि कलकत्ता में कोई मौलाना आके खड़े हो जाएंगे, कैमरा देखेंगे और बोलना शुरू कर देंगे कि पूजा नहीं रोकी तो हम योगी आदित्यनाथ का घेराव करेंगे? अरे आपको समझ में आई सो कीजिए, पूजा किसी की कृपा से चल रही है क्या मौलाना साहब जो रुक जाएगी? ये धमकियां क्यों आ रही हैं? इन धमकियों से ये चिंगारी का खेल बुरा होता है। इन धमकियों के पर प्रतिक्रिया आने लगेगी अगर उसी ढंग की, तो परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है हल्द्वानी से बरेली तक के इस घटनाक्रम पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराए, फिर बहस में चले। तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है, सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। आखिर किसकी नजर लगी है देवभूमि उत्तराखंड के अमन चैन को? हिंसा, हुड़दंग और हंगामे के हालात से अब तक हलकान हुई है हल्द्वानी। दरअसल गुरुवार की शाम नगर निगम और प्रशासन की टीम हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में एक अवैध मदरसे और मस्जिद को हटाने पहुंची थी। बुलडोजर वाली कार्रवाई की इस कड़ी में हालात ऐसे बिगड़े
के बाद बवाल, पथराव, आगजनी और गोलीबारी तक पहुंच गई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बेकाबू भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ियां जला दी। पथराव में कई पुलिस कर्मियों को चोटें आई, पुलिस कर्मियों को छिपकर जान बचानी पड़ी। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को इलाके में कर्फ्यू लगाना पड़ा। बिगड़े हालात में सरकार को हाई लेवल मीटिंग बुलानी पड़ी। वहीं एक्शन में आई धामी सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश तक जारी कर दिए। जवाबी कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन और पुलिस की टीमों ने इस एक्शन को करने की कोशिश करी, लेकिन जिस प्रकार का उपद्रवी तत्वों ने वहां रिएक्शन दिया, जिस प्रकार से पेट्रोल बम फेंके गए, बॉटल्स में डीजल भर के और आग लगाने की कोशिश करी गई सरकारी संपत्तियों को, जो व्हीकल हैं, जो पुलिस प्रशासन के वाहन थे, उनको नुकसान पहुँचाया गया, उनको आग लगाई गई, सारी की सारी पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीमों पर पथराव किया गया, वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसके लिए कड़े निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी दिए गए हैं, प्रशासन की ओर से भी ये हम लोग कर रहे हैं। जो उपद्रवी हैं, जिन लोगों के द्वारा ये घटना कारित करी गई है, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं। एक एक को हम चिन्हीकरण करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उनको कानून के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा। धारा 144 के आगोश में जनजीवन बंद है, अफवाहों के आतंक में इंटरनेट बंद है, सुरक्षा के लिहाज से स्कूल कॉलेज बंद हैं, पुलिस फोर्स और आला अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं। अब उपद्रवियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस मामले पर राजनीति के रंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। नहीं देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था, उन्हें 14 तारीख की डेट के पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है, आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ, आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा, तो बड़े बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है, और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है, और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम